चेक करिए बेटा, मैं लाइव हूँ, आपको आवाज आ रही है? चेक करिए बेटा, मैं तैयार हूँ। सब लोग रेडी हो एकदम? तीन चैप्टर पढ़ेंगे पूरे पूरे। चैट में एक बार बेटा अपनी एक बार यस ओके लिख दो सारे लोग, फिर हम लोग चल रहे हैं। तीन चैप्टर पूरे पूरे पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से करेंगे। बिल्कुल सही है, बेसिक से करने का मतलब है कि सारी चीजें कवर करेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं करेंगे। ठीक है? हाँ, यस, हाँ। अब चैट में मुझे बता दो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर बेटा। लेक्चर को पढ़ने से पहले मैं दो तीन बातें आप लोगों से कहूंगा, जरा मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना। 10 तारीख को बेटा मैं इकोलॉजी करा रहा हूँ, इकोलॉजी पूरा का पूरा तीनों चैप्टर एक साथ कराऊंगा। आज आपने मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। अगर आप खुद से भी तीनों चैप्टर रिवाइज करते हो तो इससे ज्यादा समय लगेगा। अगर आप कभी भी नोट से या कैसे भी रिवाइज करते हो तो इससे ज्यादा समय लगेगा। इसकी पीडीएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। तो मैं आपको तीन चैप्टर पूरे पूरे रिवाइज करने वाला। रिवाइज करने का ये मतलब नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से करा दूंगा, मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा और क्वेश्चंस भी साथ के साथ कराऊंगा। ठीक है? क्वेश्चन भी मैं आपको साथ के साथ कराने वाला हूं। जरा मुझे चैट में बता दो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से। चैट में बता दो मुझे मेरी आवाज आ रही है। दूसरा बेटा, अब एग्जाम में लगभग लगभग मेरे हिसाब से आप अगर देखें एक महीने के आसपास का समय रह गया है ना, या एक से भी कम का समय रह गया है। यस, हाँ, हम 5 तारीख से ऊपर जा चुके हैं तो एक से भी कम का समय रह गया। ठीक है? तो डरने की बात है? नहीं, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। अब दो चीजों के लिए वेट करो, एक एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं ये बता दूंगा कि इस चैप्टर के ये टॉपिक जरूर करके जाना, और ये वो टॉपिक है जिसको आपको लास्ट के 5-7 दिन में जरूर रिवाइज करना है। जैसे मैंने बार बार बोला है ना बेटा, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो भूल जाते हैं उनको लास्ट में रिवाइज करना, जिसे मैं LTR बोलता हूं, तो उसको एक बार फिर से आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है? क्लियर है बेटा? यस 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 यस, ठीक है। तो चले स्टार्ट कर लें, जल्दी बताओ बेटा, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, जल्दी बताओ, स्टार्ट करें चैट में जल्दी से भाई। एक बार दिल आग जो जो बना सकते हो बना लो फटाफट से, दिल आग जो जो बना सकते हो जल्दी से बना लो। लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, तीन चैप्टर है आपके पास। यस 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 यस। इसके बाद आज रात में एक स्पेशल डोपा आएगा, स्पेशल डोपा आएगा तीनों चैप्टर का मिला के, आज का लेक्चर और वो डोपा। इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, खत्म बिल्कुल। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा आज का जो टारगेट है वो तीन चैप्टर है। ठीक है? तीन चैप्टर है। फोटोसिंथेसिस हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। क्लियर है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? यस 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 यस। तीनों चैप्टर की वेटेज आपके हिसाब से कितनी होगी बेटा? प्लांट फिजियोलॉजी से कितने भी कम क्वेश्चन आएंगे तो 8 क्वेश्चन तो आ जाएंगे। तो 8 से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आज हम लोग बेटा, अगर मैं सिंपल सिंपल में बात में कहूं तो 32 से लेकर 40 मार्क्स का आप आज कवर करेंगे, और एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे चीजों को। यस, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, पूरा सारा कुछ कवर हो जाएगा। यस, पर आपने क्या करना, पूरा फोकस मेरी तरफ बनाए रखना है। यस, पूरा फोकस आपको मेरी तरफ बनाए रखना है, पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना है। क्लियर है? अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि मैं फ्रेशर हूं मुझे कुछ नहीं आता, बेटा आ जाएगा समझ में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। चले स्टार्ट करें। यस, कर ले स्टार्ट। चलिए आ जाइए। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उसको लेकर चलेंगे। ठीक है? थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूं आपको टॉपिक को लेकर, मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। पहला चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट है, उसमें से कुछ डिलीट नहीं है। रेस्पिरेशन इन प्लांट में से कुछ डिलीट नहीं है। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में से आपका जो टॉपिक डिलीटेड है वो वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म, ये दो टॉपिक और सीड डोरमेंसी, ये वो टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड है। क्लियर है? ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके पास डिलीटेड है। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट करेंगे।
मैं आपसे कुछ बेसिक बातें बोलूंगा, मुझे बताना कि चैप्टर का नाम क्या है। पूरा फोकस मेरी तरफ चाहिए। चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने घर के बाहर जो आपके पेड़ पौधे हैं, आप उनके अंदर की फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे होंगे। मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं, आप मुझे चैट में बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। सिंपल बात में अगर आप देखोगे बेटा, पूरा समझ में आएगा, थोड़ा सा बस फोकस करना। आप CO2 से ग्लूकोज बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। तो फोटोसिंथेसिस कहां होता है, पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं हायर प्लांट्स। तो आपके घर के बाहर जो प्लांट है उसके अंदर लीफ के अंदर सेल्स होते हैं, उन्हें मीजोफिल सेल्स कहते हैं। उन सेल्स के अंदर होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन ऐड होती है, इसलिए वो कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। क्लियर है यहां तक? यहां तक ठीक है। तो हम वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो एनसीईआरटी कहती है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के कुछ बेसिक पॉइंट है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक का मतलब होता है कोई चीज बन रही है, तो फोटोसिंथेसिस में शुगर बन रही है, यस। और ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। एनसीईआरटी ने जो ब्रीदिंग है ना, जो रेस्पिरेशन है, ह्यूमन पढ़ते हो, वो भी फिजिको केमिकल है। फिजिको केमिकल का मतलब गैसेस एक्सचेंज भी होता है और कुछ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यस। क्या ये सेलुलर प्रोसेस है? हाँ, क्योंकि ये किसके अंदर होता है बेटा, ये सेल के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या ये रिडक्शन है? यस। CO2 से ग्लूकोज बनना क्या है? रिडक्शन है। क्या इसमें ऑक्सीजन बनती है? ये सोचो, क्या इसमें ऑक्सीजन बनती है? यहां पे जेनिक लिखा है, जेनिक मतलब बनती है, यस। यहां पर आपके पास एक खास तरह का फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, PS2, जिसमें क्लोरोफिल ए होता है और ऑक्सीजन बनती है। क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है, यस 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 यस। तो क्या ये सारे पॉइंट याद हो गए? फोटोसिंथेसिस सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑक्सीजन बनती है। ये कैसा प्रोसेस है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यस। एनाबोलिक है, चीजें बन रही हैं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब सुनो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस जो था बेटा, उसके जो स्टेप्स थे, ये बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर डिस्कवर किए। फोटोसिंथेसिस में आपको क्या क्या चाहिए सर? बचपन में पढ़ाया था, लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए? CO2 चाहिए। क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगी, स्टार्च बनेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स थे, वो 18th सेंचुरी से उन स्टेप्स के बारे में पता चला। तो तुम्हारे सिलेबस में 6-7 एक्सपेरिमेंट है, उनके मेन मेन पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चन आएगा। वो एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारे पास है वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है? ये दो एक्सपेरिमेंट कहता है कि सर हमने क्लास 10th में पढ़ा दिए थे ये दो। इसमें आपको ये समझना है कि हमारे पास एक लीफ है, उसको मैंने पार्शली कवर किया है किससे? ब्लैक पेपर से। मेरे पास एक लीफ है, उसको मैंने पार्शली कवर किया है ब्लैक पेपर से। तो जो पार्ट कवर नहीं है उसमें मुझे क्या दिखेगा बताओ? उसमें मुझे क्या दिखेगा? सर उसमें मुझे स्टार्च दिखेगा। तो आपने ध्यान रखना है, एक लीफ जो आधी कवर है ब्लैक पेपर से, जो एक्सपोज पार्ट है वहां क्या दिखेगा? स्टार्च। याद हो रहा है? लीफ आधी कवर है किससे? ब्लैक पेपर से। जो पार्ट कवर नहीं है उसमें क्या दिखेगा बता, जल्दी से जल्दी बता। स्टार्च दिखेगा। पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आया? या मनी प्लांट में हरी, येलो और ग्रीन एरिया होता है, स्टार्च कहां दिखेगा? स्टार्च दिखेगा ग्रीन एरिया में, यस। तो इससे क्या पता चला? ग्रीन एरिया स्टार्च बनाता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है KOH को लेके। KOH क्या करता है बेटा? हमने कॉटन में KOH रख दिया है। KOH क्या एब्जॉर्ब करता है? CO2 एब्जॉर्ब करता है। तो जो एक्सपोज पार्ट है, ये जो बाहर है पार्ट, यहां पर मुझे क्या दिखेगा? स्टार्च अपीयर होगा। तो यहां से एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि KOH क्या एब्जॉर्ब करता है, इसके अलावा नहीं पूछेगा, यस और नो। और CO2 चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट कह रहा है CO2 चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि ग्रीन एरिया फोटोसिंथेसिस करता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये क्लास 12th में दे रखे हैं। प्रिस्ली नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1770 में, उसे कहते हैं बेलजार एक्सपेरिमेंट। उसमें उन्होंने क्या किया था, एक माइस लिया था ग्लास के जार में और कैंडल लिया था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि माइस मर गया और कैंडल बुझ गई। फिर उन्होंने एक मिंट प्लांट लिया, मिंट क्या होता है, पुदीने का प्लांट लिया, जिसने क्या करी बेटा, जिसने रेस्टोर करी, रेस्टोर मतलब एयर की क्वालिटी को रेस्टोर किया, जो कैंडल और माइस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। याद हो रहा है? तो पहले दो एक्सपेरिमेंट याद हो गए। पहले में क्या था, कवर किया एक्सपोज पास, स्टार्च दिखाएगा। दूसरे में KOH क्या एब्जॉर्ब करता है, CO2 करता है। प्रिस्ली का बेलजार एक्सपेरिमेंट, ईयर 1770,
उन्होंने बताया कि मिंट प्लांट एयर क्वालिटी रेस्टोर वापसी लाता है जो किसने खराब कर दिया है, कैंडल ने और किसने, किसने कैंडल ने और हमारे पास माइस ने। अगला एक्सपेरिमेंट है इंडियन हाउस का। इंडियन हाउस ने सेम एक्सपेरिमेंट एक बार दिन में करके देखा और एक बार रात में। कौन सा सेम एक्सपेरिमेंट? क्रिस्ले वाला। यस, उन्होंने देखा कि यदि कोई एक्वेटिक प्लांट है, जैसे मान लो मैंने ये कोई एक्वेटिक प्लांट ले लिया, ये जो एक्वेटिक प्लांट है इस पे हमारे पास अगर ऐसे लाइट पड़ेगी तो ग्रीन पार्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, जहां पे ब्राइट लाइट पड़ेगी, ऑक्सीजन। तो इंडियन हाउस के दो काम याद करने हैं, इंडियन हाउस के दो काम याद करने हैं। पहला काम क्या है बेटा, पहला काम क्या है कि एक्सपोज पार्ट जो है, जो लाइट को एक्सपोज होगा वो ऑक्सीजन बनाएगा। दूसरा, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को दिन और रात में। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आए कि एक्वेटिक प्लांट का ग्रीन पार्ट ऑक्सीजन बनाता है, किसने दिया? इंडियन हाउस ने। एयर क्वालिटी रेस्टोर करता है मिंट प्लांट, किसने दिया? प्रिस्ले ने। यस, अगला एक्सपेरिमेंट है वॉन सैक का। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, वॉन सैक सेकंड चैप्टर में था, वो डिलीट हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन। यहां पर वॉन सैक ने क्या बोला, वॉन सैक ने बोला जब प्लांट ग्रो करता है तो उसमें मेरे पास एक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें ग्रीन केमिकल होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। तो ग्रीन प्लांट में ग्रीन स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और एक ग्रीन केमिकल है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल है। दूसरा, उन्होंने बोला कि प्लांट में शुगर और स्टार्च बनता है जब प्लांट ग्रो करता है। तो अपने दिमाग में क्या बिठाना है, वॉन सैक ने बात करी ग्रीन स्ट्रक्चर की, ग्रीन केमिकल की, जब प्लांट ग्रो करेगा तो स्टार्च और शुगर बनेगा। याद हो रहे एक्सपेरिमेंट? क्या ये पांचों एक्सपेरिमेंट याद हो गए? यस और नो, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, फास्ट चैट में बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बेटा जल्दी। पहला, कवर पार्ट एक्सपोज पार्ट क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। दूसरा, कॉटन क्या एब्जॉर्ब कर रही है, CO2 एब्जॉर्ब कर रही है, तो CO2 नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। पिछली में ये वाली बात याद रखनी है, सेम एक्सपेरिमेंट एक बार दिन में किया, एक बार रात में किया। दूसरा, एक्वेटिक प्लांट में अगर मैं एक्सपोज करूंगा लाइट को तो क्या होगा, ग्रीन पार्ट प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन। यहां तक ठीक है, जल्दी बताओ बेटा, यहां तक ठीक है? यस 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 यस, आगे चलते हैं। अब क्या था बेटा, एक एक्सपेरिमेंट है TW एंगलमैन का। TW एंगलमैन ने क्या किया, एक एल्गी ली जो फिलामेंटस एल्गी थी। मुझे नाम बताओ इस फिलामेंटस एल्गी का, कितने लोगों को याद है इस फिलामेंटस एल्गी का नाम बताओ भाई, जो TW एंगलमैन ने ली? सर, क्लैडोफोरा। क्या नाम लिया? क्लैडोफोरा ली। तो ये क्लैडोफोरा ली, इस पर स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, लाइट की अलग अलग वेवलेंथ डाली। उन्होंने देखा कि जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन बन रही है, और वो कहां बन रही है, रेड और ब्लू रीजन पे। तो जहां रेड और ब्लू रीजन गिरा, जैसे मान लो यहां रेड गिरा, यहां ब्लू गिरा, वहां पर ज्यादा कौन से बैक्टीरिया इकट्ठा हो रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। तो TW एंगलमैन ने फिलामेंटस क्या ली, एल्गी ली, जिसका नाम क्या था, क्लैडोफोरा। उन्होंने देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू और रेड रीजन पर, जहां ब्लू और रेड लाइट पड़ रही है, ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। उन्होंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया, मतलब कौन सी वेवलेंथ पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, उस ग्राफ को कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एनसीईआरटी में से बताओ कि ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो किससे रिजेंबल कर रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ, मैं यहां क्या लिखूं सर, क्लोरोफिल ए, बी भी है क्या? यस है, क्लोरोफिल बी। तो एनसीईआरटी से क्या याद करेंगे, TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट क्लैडोफोरा पे था। दूसरा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा ब्लू और रेड रीजन पे ज्यादा क्या बन रही है बेटा, ज्यादा ऑक्सीजन बन रही है, वहां एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठा हो गया। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया, ग्राफ होता है, फोटोसिंथेसिस दिखाता है, और वो किससे रिजेंबल हो रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और बी। यहां तक ठीक है? एनसीईआरटी लेकर बैठे हो, एनसीईआरटी लेकर बैठे हो सारे? यस यस यस। अब आ जाओ अगला कंट्रीब्यूशन वैन नील का। वैन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, सही है। उन्होंने कहा कि जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें मेरे पास H2O हो सकता है और H2S हो सकता है। ऑक्सीजन और सल्फर की जगह मान लो मैंने X लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, X। ये हाइड्रोजन NADP के पास जाती है, NADPH बनता है, X अलग हो जाता है। तो X ऑक्सीजन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। तो वैन नील ने बोला कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन मूव करती है पानी की और किसकी, H2S की।
उन्होंने यहां पर एक खास तरह के बैक्टीरिया का नाम लिया जिनका नाम था एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। जो है हमारे पास कौन से वाले, याद करो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात की। उन्होंने कहा पानी और H2S दोनों किसके डोनर है, हाइड्रोजन के डोनर है। उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उन्होंने जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन थी उसे करेक्ट किया। उन्होंने बोला था कि जो भी ऑक्सीजन आती है वो कहां से आती है, पानी से। जो भी ऑक्सीजन आती है कहां से आती है, पानी से। तो उन्होंने कहा कि यहां 12 ऑक्सीजन है, यहां 6 ऑक्सीजन है, क्यों नहीं इसे करेक्ट करके यहां 12H2O कर दें ताकि यहां 12 ऑक्सीजन हो जाए और यहां एडिशनल 6H2O कर दें। तो उन्होंने दो काम किए। पहला, उन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्निक यूज करके बताया कि जो हाइड्रोजन पानी की है, हाइड्रोजन पानी की ग्लूकोज में जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। जो भी ऑक्सीजन बाहर आती है वो कहां से आती है, पानी से। यहां तक कोई डाउट है जल्दी बता दो, यहां तक कोई डाउट है? अगर तुम्हें क्वेश्चन आए कि फोटोसिंथेसिस डिस्कवर करी है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, साइंटिस्ट का नाम क्या है, वैन नील। क्या नाम है बेटा? वैन नील नाम है, वैन नील। बेटा डोपा वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कहां पर आपको मिल जाएंगे डोपा वाले क्वेश्चंस, उसमें क्या नाम है आपके संकल्प नीट वेदांतु का जो टेलीग्राम चैनल है वहां मिल जाएंगे, मैं लिंक इस लेक्चर में लगा दूंगा। यहां तक कोई डाउट जल्दी बता दो। नहीं सर, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, आ जाओ। सारे साइंटिस्ट याद हो गए, एक बार नजर मार लो भाई। बच्चे टाइम दे, मैं मतलब जितना टाइम मैंने बोला मैं उतने में करा दूंगा, बहुत लंबा नहीं जाएगा, पूरा फोकस रख। ये याद हो गए, वेरिजेटेड लीफ, KOH, प्रिस्ली, इनगेन हाउस, वॉन्सैक, सारी लाइनें कवर कर रहे हैं। TW एंगलमैन ने क्या बोला, रिजेंबल करेगा किससे, क्लोरोफिल ए और बी से। वैन नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है किसमें, बैक्टीरिया के अंदर। उन्होंने बताया H2O और H2S का क्या रोल है, यस और नो, यस। उन्होंने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ठीक करी, क्या ठीक किया, यहां पर 6 की जगह 12 कर दिया। उसके अलावा उन्होंने बताया कि पानी का रोल क्या, हाइड्रोजन बनाना है, और उन्होंने रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक, मतलब रेडियो आइसोटोप यूज किया। कोई और साइंटिस्ट जानते हो इस चैप्टर में जिसमें रेडियो आइसोटोप यूज किया, चैट में बताओ क्या कोई और साइंटिस्ट आप जानते हो जिसने रेडियो आइसोटोप यूज किया। देख बेटा, अब एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं, तुझे पता होना चाहिए। कोई और साइंटिस्ट जानता है जिसमें रेडियो आइसोटोप यूज किया, जल्दी बता, कोई और साइंटिस्ट तू जानता हो, जल्दी बता। कैल्विन ने C14 यूज किया था। अब आ जाते हैं, अब हम यहां से कहां पढ़ेंगे, पहला टॉपिक ओवर हो गया, अब दूसरे टॉपिक पे आ गए, जल्दी से पूरा फोकस मेरी तरफ करिए। अब हम क्या करेंगे, हम लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस करेंगे। मैं तेरे से एक पहला सवाल पूछूंगा, उसका आंसर करियो। तेरे घर के बाहर जो प्लांट है वो हायर प्लांट है, वो नीम का पौधा, रोज का पौधा, कुछ भी प्लांट हो सकता है, उसमें फोटोसिंथेसिस कहां होगी? सर फोटोसिंथेसिस लीफ में होगी। क्या सिर्फ लीफ में होगी? नहीं, हर उस हरे पार्ट में, हर उस ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगी। हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस लीफ में होगी, ऐसा हम बता रहे हैं, ठीक है, कोई डाउट है इस बात में? नहीं। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कहां होगी? सर लीफ में होगी। लीफ के अंदर कहां होगी? एक खास तरह का सेल होता है, मीजोफिल सेल। अब मुझे आप बताएंगे अपने इस चैट में, एक मीजोफिल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक मीजोसेल में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कहां लिखा है सेल वाले चैप्टर में, नंबर बताओ भाई, चैट में नंबर बताओ। एक मीजोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। हर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन है, फिर थाइलाकोइड बने हुए हैं, और फिर स्ट्रोमा है। हम क्या देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम का बंटवारा। जब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस में लाइट और डार्क रिएक्शन है, लाइट और डार्क रिएक्शन है जो दो हिस्सों में बंट जाता है। लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर, और डार्क रिएक्शन होता है कहां पर, स्ट्रोमा में। तो क्या हम इस चित्र के थ्रू जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। यदि हम बात करते हैं लीफ की, तो लीफ में हमारे पास कौन सी सेल होते हैं, मीजोफिल सेल होते हैं। आपने पढ़ा है कि इवनिंग में जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये पैरेलल होते हैं सेल वॉल से, आफ्टरनून में खुद को ये ऐसे लगा देते हैं, ये याद रहेगा। इवनिंग में ऐसे होते हैं, आफ्टरनून में ऐसे होते हैं, इवनिंग में कम लाइट इंटेंसिटी है। दूसरा, एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जब हम क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो उसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये
उसके बाद ये मेरे पास कौन सा है, ये स्ट्रोमा लमली है ये वाला, और ये वाला क्या है ग्रैनम है, ये वाला क्या है ग्रैनल थाइलाकॉइड है, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम किसको किसको बोलते हैं बेटा, स्ट्रोमल लेमली को बोलते हैं और ग्रैनल थाइलाकॉइड को बोलते हैं। ग्रैनल और स्ट्रोमल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें हमारे पास लाइट रिएक्शन और फोटोलिसिस होती है। मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ग्रैनल थाइलाकॉइड और स्ट्रोमल लेमली, इसको हम मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। इसमें लाइट रिएक्शन होता है जिसका एक और नाम क्या है बेटा, फोटोकेमिकल फेज है, ये सुन लो, ठीक है। स्ट्रोमा यहां पर है, इसमें होता है डार्क रिएक्शन, उसके अलावा इसी में डीएनए होता है, इसी में राइबोसोम होता है। चैट में बताओ किस टाइप का राइबोसोम होता है इसमें, एटीएस या सेवेंटीएस, किस टाइप का राइबोसोम होता है, एटीएस या सेवेंटीएस, चैट में बता दो, चैट में बता दो किस टाइप का राइबोसोम होता है। स्टार्च के ग्रेन्यूल, भाई स्टार्च बनेगा ना यहां पे, तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा, स्टार्च के ग्रेन्यूल बनेंगे, यस और नो, यस सर, सर 70S होगा, बढ़िया है, 80S वाले कंटाप खाबो। अब आओ, अब हम आते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन सिस्टम याद रहेगा, यस। अब हम पढ़ रहे हैं फोटोकेमिकल फेज और इसे हम लाइट रिएक्शन कह रहे हैं। मेरी तरफ बहुत ध्यान से सुन, लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर, क्योंकि वहां पर लगा होता है पिगमेंट। सबसे पहले मैं तुझे जो पढ़ाऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनियो। सबसे पहले पिगमेंट क्या होता है, व्हाट इज पिगमेंट, मैंने बार बार पढ़ाया इस बात को और फिर रिपीट कर रहा हूं। पिगमेंट वो केमिकल कंपाउंड होता है जिस पर लाइट पड़ती है और उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। तुम्हारे सिलेबस में हायर प्लांट में चार पिगमेंट है, एक क्लोरोफिल ए है, एक क्लोरोफिल बी है, एक कैरोटीन है और एक जेंथोफिल है। रिपीट कर, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन जेंथोफिल को मिलाकर कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट में सिर्फ कैरोटीनॉइड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड दोनों होते हैं, यस और नो। तो लाइट रिएक्शन क्या होता है बेटा, लाइट रिएक्शन का मतलब है फोटोकेमिकल फेज। तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट चार टाइप के हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल, यस और नो। अब आपको यह समझना है कि जब पिगमेंट पर लाइट पड़ती है तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। यदि किसी का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट पे। जब वो वापसी ग्राउंड स्टेट पर आएगा, मेरी तरफ ध्यान दे, फोकस करनी, पिटाई करूंगा, चैट ना देख। जब ये वापसी ग्राउंड स्टेट पर आएगा, एनर्जी निकलती है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये वापसी ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। अब वो एनर्जी कोई दूसरा पिगमेंट ले सकता है, हमेशा याद रखना है बेटा, जब एनर्जी एक से दूसरे में जाती है तो एनर्जी घटती है और वेवलेंथ बढ़ती है। तो आपने ये समझना है कि पिगमेंट काम कैसे करते हैं, ये सोचना है। हर एक पिगमेंट एक फिक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, फिक्स वेवलेंथ मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, उस पर उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। जब वो वापसी आता है तो वो अपनी एनर्जी दूसरे पिगमेंट को देता है। रूल ये है कि हमेशा अपने से कम वाले को देगा, कम एनर्जी वाले को देगा और ज्यादा वेवलेंथ वाले को देगा, याद हो रही है मेरी बात। तो पिगमेंट बेटा अगर आप कहो कितने टाइप के हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, चार टाइप के हैं। काम करने को लेके दो टाइप के हैं, एक रिएक्शन सेंटर जिसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वो केमिकल रिएक्शन कराएगा, दूसरे पिगमेंट उन्हें एंटीना कहते हैं, जो क्या करते हैं, जिन पे लाइट पड़ती है और वो क्या कराते हैं बेटा, वो दूसरे पिगमेंट को वेवलेंथ देते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, तो चलिए आगे आ जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने कहा कि अब क्यों ना हम लाइट रिएक्शन से में पिगमेंट की अरेंजमेंट देखें, उसको हम फोटो सिस्टम की बात करेंगे। तो पिगमेंट हमारे पास क्या है बेटा, पिगमेंट एक ऐसा केमिकल है जो लाइट एब्जॉर्ब करके, वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके एक्साइट करता है इलेक्ट्रॉन। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये चार तरह के पिगमेंट है जो कहां प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। अगर हम पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट कैसे काम करता है, जैसे ये पिगमेंट है, इस पर ये लाइट पड़ी,
ये लाइट इस पर आई और इसने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया। जब ये इलेक्ट्रॉन वापसी आ रहा है तो एक तो वो केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? केमिकल रिएक्शन, यस। दूसरा, उस वेवलेंथ को दूसरे पिगमेंट को दे सकते हैं। रूल ये है कि देख, मुझे चैट में बताओ, वेवलेंथ ए से बी जा सकती है, बी से ए जा सकती है। रूल ये है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो हमेशा याद रखो, एनर्जी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो किससे जाएगा? ए से बी पर जाएगा। किससे जाएगा? ए से बी पर जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट? तो फंक्शन को लेके दो तरह के पिगमेंट होते हैं, एक जो केमिकल रिएक्शन कराता है, दूसरा अदर पिगमेंट, इन्हें एंटीना कहते हैं। एंटीना क्या करते हैं? दूसरे पिगमेंट को वेवलेंथ ट्रांसफर कर देते हैं। यस यस यस। क्या बी से ए पे जा सकती है? नहीं, हमेशा अपने से ज्यादा वेवलेंथ पे जाएगी क्योंकि एनर्जी घट रही है। क्लियर? आगे आ जाओ। सो वी हैव अरेंजमेंट, हमारे पास एक अरेंजमेंट आ गई फंक्शन को लेके। एक पिगमेंट जिसे हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं, वो हमेशा क्लोरोफिल ए होता है। रिएक्शन सेंटर वो होता है जो केमिकल रिएक्शन कराएगा, जिसको हम लिखेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन कराएगा, उसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं। दूसरे पिगमेंट, इनको हम क्या कहते हैं? एंटीना। क्या बोलते हैं? एंटीना। तो रिएक्शन सेंटर और एंटीना ये अलग अलग काम है। रिएक्शन सेंटर केमिकल रिएक्शन कराएगा, एंटीना क्या करेगा? मान लो यहां 400 नैनोमीटर है तो ये 420 वाले को वेवलेंथ दे रहा है। कौन कौन एंटीना है? क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। बोर्ड पर लिखी हुई सारी बातें क्लियर? जल्दी बता, बोर्ड पर लिखी हुई सारी बातें क्लियर? यस यस यस। अब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, व्हाट इज फोटो सिस्टम। हमने ये देखा है कि चार तरह के पिगमेंट होते हैं। क्या ये सिर्फ चार होते? नहीं, नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए होता है, जिसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं, बाकी के पिगमेंट को एंटीना कहते हैं। ये पिगमेंट एक फंक्शनल यूनिट की फॉर्म में मिलते हैं, जिसे फोटो सिस्टम कहते हैं। फोटो सिस्टम में क्या होता है? रिएक्शन सेंटर, एंटीना, इसके साथ कुछ एंजाइम और कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, फोटो सिस्टम में मेरे पास रिएक्शन सेंटर कौन है? क्लोरोफिल ए, एंटीना। इन दोनों को मिलाकर एक नाम और दे देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। यस। इसके अलावा हमारे पास कुछ एंजाइम होते हैं, और एंजाइम के साथ कुछ एंजाइम प्रेजेंट है, और एंजाइम के साथ क्या प्रेजेंट है बेटा? एंजाइम के साथ मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है। तो आ जा जल्दी से, जो मैं तेरे को दिखाऊंगा। अब देख, अब हम बात करेंगे कि क्लोरोफिल ए हमेशा रिएक्शन सेंटर होता है, इस बात में कोई डाउट है? ठीक है। उसके पास कुछ एंजाइम होते हैं रिएक्शन कराने के लिए। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये एंटीना होते हैं, ये एक से दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। तो हमने ये देखा, बहुत ध्यान से देख बेटा, हमने ये देखा कि ये मेरे पास फोटो सिस्टम वन है, जिसका क्लोरोफिल ए, फोटो सिस्टम वन जिसका क्लोरोफिल ए काम करता है 700 नैनोमीटर पर। P700 क्लोरोफिल ए का नाम है। ये समझ में आ रहा है? ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। इसका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है। यस। अब ये लोकेशन कहां है वो बात करते हैं। एक और फोटो सिस्टम होता है जिसे PS2 कहते हैं। PS2 बेटा फोटो सिस्टम टू है। इसमें एक क्या है? ये रिएक्शन सेंटर है, ये एंटीना। देख, ये रिएक्शन सेंटर, ये एंटीना। उसके अलावा बेटा कुछ एंजाइम्स होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे। ऐसे इसमें भी कुछ एंजाइम होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे। PS1 और PS2 में क्या डिफरेंस है? PS1 का क्लोरोफिल ए जिसे P700 कहते हैं, PS2 का क्लोरोफिल ए जिसे P680 कहते हैं, ये दोनों अलग अलग वेवलेंथ पे काम करते हैं। ठीक है, ये डिस्कवर हुआ था सेकेंड। यस, इसका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए इसमें भी है, पर इसके वाला किस पे है? 700 नैनोमीटर पर वर्क करता है। ठीक है, अब लोकेशन की बात करते हैं। देख बेटा, मैंने ये क्लोरोप्लास्ट बना रखा है। क्लोरोप्लास्ट में ये स्ट्रोमल लैमिली, ध्यान से देख, दिस वन इज स्ट्रोमल लैमिली, इस पर PS1 है, दिस इज ग्रेनल थाइलाकॉइड, ये वाला थाइलाकॉइड ग्रेनल है, इस पर PS2 PS1 दोनों है। तो अगर तुझसे कोई पूछे कि PS1 की लोकेशन क्या है, तो तू क्या लिखेगा बेटा? तू लिखेगा ग्रेनल थाइलाकॉइड, और क्या लिखेगा? और लिखेगा स्ट्रोमल लैमिली। कोई डाउट है?
और यहां क्या लिखेगा लोकेशन बता, यहां लोकेशन लिखेगा क्या, सिर्फ लिखेगा ग्रैनल थाइलाकॉइड। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, चैट में मुझे तेरे से आंसर चाहिए। तो आपने ये समझा कि यार पिगमेंट जो होते हैं फोटो सिस्टम की फॉर्म में होते हैं, जिसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है, बाकी एंटीना एंजाइम और कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर। हमने कहा कि PS2 PS1 दो नाम के फोटो सिस्टम होते हैं। अब मेरा सवाल आपसे एक है जो मैं पूछना चाहता हूं, भाई मुझे ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो एनर्जी है, वेवलेंथ है या जो भी एनर्जी है लाइट की, वो PS2 से या PS1 की तरफ जा सकता है क्या? ये इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, PS2 से PS1 की तरफ जा सकता है या PS1 से PS2? कौन ज्यादा वेवलेंथ पर है? सर PS1 ज्यादा पे है, PS2 कम वेवलेंथ पे है। किसकी एनर्जी ज्यादा है? सर PS2 की ज्यादा है, PS1 की कम है। तो इलेक्ट्रॉन PS2 से PS1 पे जा सकते हैं, PS1 से PS2 पे नहीं जा सकते। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? बेटा मैं जो करा दूंगा उसके बाद तू चाहे आकाश पताल कहीं के भी क्वेश्चंस कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा तुझे, तुझे आता रहेगा अंटिल उन्होंने क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं बनाया है। यस यस, ठीक है आगे चलेंगे, आगे की कहानी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अब हम लाइट रिएक्शन के स्टेप्स को देखेंगे। लाइट रिएक्शन के स्टेप्स में डिटेल में समझाऊंगा और सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो तुझे याद रखने हैं। मुझे चैट में बस ये बता कि यहां तक कंफर्टेबल चल रहा है मामला, यहां तक चल रहा है बेटा? ठीक है, अच्छा PDF एनोटेशन वाली नहीं मिली, मैं भेज देता हूं। यस 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 यस, हाँ भाई वाले भी हो जाएंगे जो तुम चैट में लिख रहे हो, कर पाओगे यार। आ जाओ स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम लाइट रिएक्शन के स्टेप्स को पढ़ेंगे, पूरा फोकस मेरी तरफ दियो, तुझे समझ में आएगा, तुझे पूरा पूरा समझ में आएगा, आसानी से कर ले जाएगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अब हम लाइट रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। लाइट रिएक्शन को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, किस थाइलाकॉइड पे पढ़ते हैं? ग्रैनल पे। ये जो ग्रैनल थाइलाकॉइड है जिसपे PS2 PS1, तुझे ये याद हुआ है कि ग्रैनल पर PS2 होता है, देख बच्चे, और ग्रैनल और स्ट्रोमल दोनों पे PS1 होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, मेरे पास ये ग्रैनल थाइलाकॉइड है जिसपे PS2 और PS1 दोनों प्रेजेंट है, और आपको ये समझना है कि जब लाइट लेस देन 680 नैनोमीटर आएगी तो दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं, जब लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर आएगी तो सिर्फ PS1 काम करता है। ये याद रहेगा, जब लाइट मोर देन 680 आएगी तो दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं, जब लेस आएगी तो ओनली PS1 काम करता है। अब हमारे पास ये चित्र है जो आपके सामने है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लाइट रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। हम ये देखते हैं कि जब PS2 मेरा और PS1 दोनों साथ काम करते हैं, वो तभी काम करते हैं जब लाइट कैसी आती है, लेस देन 680 आती है। जब लाइट लेस देन 680 आती है तो ये और ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, यहां से चला हुआ इलेक्ट्रॉन इस पर आता है और फाइनली NADPH के पास आता है, इसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने कैसे याद करना है, सुने ध्यान से, हमारे पास PS2 और PS1 इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। PS2 का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो किसके पास जाएगा, Pb-phytin के पास जाएगा। PS1 का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो जाएगा Fe-S के पास। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं लाइट लेस देन 680 नैनोमीटर लाता हूं, अगर मैं लाइट लेस देन 680 नैनोमीटर लाता हूं तो कौन एक्टिव होगा, क्या PS1 एक्टिव होगा? यस सर। क्या PS2 एक्टिव होगा? यस सर एक्टिव होगा। PS2 ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, PH को। नाउ व्हाट इज PH? PH इज Pb-phytin, याद हो रहा है, याद हो रहा है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है किसका, PS2 का, PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है। यस, PS1 ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए Fe-S को। यस, अच्छा Pb-phytin के बाद PQ का क्या नाम है, प्लास्टोक्विनोन, क्या नाम है, प्लास्टोक्विनोन। ये क्या है बेटा, साइटोक्रोम B6F है, और PC का मतलब है प्लास्टोसाइनिन। यस और नो, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो गया Pb-phytin पे, फिर प्लास्टोक्विनोन पे, फिर साइटोक्रोम B6F पे, फिर प्लास्टोसाइनिन पे। कुछ बच्चों को सीक्वेंस याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो Pb-phytin, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, PQCP, ये प्लास्टोसाइनिन है बेटा, ये साइटोक्रोम B6F है, ऐसे याद कर, PQCP।
तो पीएस टू पीएस वन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? पीएस टू पीएस वन दोनों का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, पीएस टू का इलेक्ट्रॉन गया किसके पास? फियोफाइटिन के पास। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, कैसे याद करेगा? प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 है, प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद वो फाइनली पीएस वन को मिला। पीएस वन का इलेक्ट्रॉन गया था एफडी पर। एफडी क्या है बेटा? एफडी क्या है? फिक्स डिपॉजिट नहीं, फेरोडेक्सिन, फेरोडेक्सिन है, डॉक्सिन बेसिकली ये है। और वहां से वो गया है एनएडीपी प्लस से एनएडीपीएच बनाया। यहां पर मुझे एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम FNR है, फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेस। अब क्या आप ये सारे आंसर कर लोगे? आपको इतना ही याद करना है। देखो क्या क्या याद करना है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ पीएस टू सर क्या है? फियोफाइटिन है, यस और नो? इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन पीएस टू पीएस वन क्या क्या है बेटा? क्या क्या है बता? प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, फिर आ जाएगा क्या? पीएस वन, और यहां पर आगे क्या है? फियोफाइटिन, और यहां पर क्या है? पीएस टू है। ये सीक्वेंस पूछता है नीट के क्वेश्चन में। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ पीएस वन FES है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पीएस वन FES से कहां जा रहा है? पैरोडॉक्सिन, फिर जा रहा है NADP प्लस के पास, और फाइनली क्या बना रहा है बेटा? फाइनली बना रहा है NADPH। यहां पर एंजाइम चाहिए FNR। फोटोलिसिस कौन करेगा? देख बच्चे, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, यस, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, और इसका इलेक्ट्रॉन चला गया NADPH के पास। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होके पानी तोड़ देगा, जिसको हम फोटोलिसिस कहते हैं। तो यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन बन जाएगी, पानी टूट गया। मुझे चैट में बताओ पानी तोड़ने के लिए कौन से मिनरल चाहिए? चैट में बताओ पानी तोड़ने के लिए कौन से मिनरल चाहिए? यस, इसे नॉन साइक्लिक क्यों कह रहे हैं? पीएस टू पीएस वन का इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं हुआ। फोटो, फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी सिंथेसिस, एटीपी बन रही है यहां पर कहीं। मुझे चैट में बताओ MN क्या लिखेंगे? MN और Cl माइनस, वो फोटोलिसिस के लिए चाहिए। फोटोलिसिस कौन करेगा? पीएस टू। तो पीएस टू और पीएस वन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, पीएस टू का पीएस वन के पास चला गया, पीएस वन का चला गया एनएडीपी प्लस के पास। प्राइमरी एक्सेप्टर याद करने, ये देख ये वाली चीजें याद करनी है, यस। अब देख प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा इसमें? सर एक तो एटीपी बनेगी, वो एटीपी बनती कहां है? स्ट्रोमा में, और उसका यूज होता है किसमें? यूज इन डार्क रिएक्शन। एटीपी जो बनेगी यहां बनती है, यहां बनती है, वो स्ट्रोमा में यहां पहुंचती है, यहीं होती है। उसके बाद बनता है एनएडीपीएच, एनएडीपीएच वो भी कहां बन रहा है? स्ट्रोमा में बन रहा है, मतलब स्ट्रोमा की साइड बन रहा है, और वो कहां होगा? डार्क रिएक्शन में, यूज इन डार्क रिएक्शन, यस। उसके बाद बनती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनती है ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड, यस, और वो क्या है बेटा? वो कहीं यूज होती है नहीं, बाई प्रोडक्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन का ऐसा प्रोडक्ट जो सेल के बाहर आता है वो ऑक्सीजन है, लाइट रिएक्शन में तीन प्रोडक्ट है, एटीपी डार्क रिएक्शन में यूज होगा, एनएडीपीएच डार्क रिएक्शन में यूज होगा, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट है? इनको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? अगर आपसे कोई पूछे एटीपी और एनएडीपीएच बन के पहुंचे कहां है? स्ट्रोमा में पहुंचे। ऑक्सीजन कहां बनी है? थाइलाकोइड के ल्यूमन में। पूछे कितने प्रोडक्ट हैं? तीन, उसमें से कितने इंटरमीडिएट है? दो, क्योंकि वो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। कितना फाइनल प्रोडक्ट है? अगर क्वेश्चन आ जाए फाइनल प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑक्सीजन, तीन नहीं सिर्फ ऑक्सीजन, क्वेश्चन आ जाए कि प्रोडक्ट क्या है लाइट रिएक्शन के, फिर तीन है, कर ले जाओगे? यस, आ जाइए, आ जाओ, अब आ जाओ हम जेड, ये याद हो गया, पहले मुझे बता, मेरे साथ याद कर। पीएस टू, देख सीक्वेंस आएगा, पीएस टू फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, पीएस वन, पीएस वन से FES, FD, FD फेरोडॉक्सिन, उससे कहां जा रहा है? एनएडीपी प्लस के पास। क्या बन रहा है? NADPH। कौन सा एंजाइम चाहिए NADPH बनाने के लिए? फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, FNR कहते हैं, यस। ऑक्सीजन कहां बनती है? ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड में, और वो क्या है? एक तरह का बाई प्रोडक्ट है। कोई डाउट है? नहीं सर, आगे आ जाओ। अब हम जेड स्कीम किसे कहते हैं बेटा?
जब हम पीएस टू और पीएस वन को एक रिडॉक्स स्केल पर बनाते हैं तो ऐसे जेड शेप आती है, इसीलिए नॉन साइक्लिक वाले को हम जेड स्कीम भी कहते हैं। नॉन साइक्लिक वाले को जेड स्कीम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम किस पे बनाते हैं, एक जब रिडॉक्स स्केल पर बनाते हैं पीएस टू को पीएस वन पे तो जेड शेप आती है। मिनरल कौन से चाहिए अभी बताएं, एमएन प्लस टू और सीएल माइनस। नॉन साइक्लिक फ्लो कहां होता है, कौन से थायलाकॉइड पर होगा बता बच्चे, क्या इस वाले पर होगा, यहां तो सिर्फ पीएस वन है, स्ट्रोमल लैमिली पे सिर्फ पीएस वन है, ग्रेनर वाले पे पीएस टू पीएस वन दोनों है, इसीलिए यहां पर नॉन साइक्लिक होगा। यहां तक कोई डाउट है? अब आओ साइक्लिक फ्लो की बात करते हैं। अब बात करते हैं साइक्लिक फ्लो की। साइक्लिक फ्लो के लिए क्या कंडीशन चाहिए, सबसे पहले लाइट क्या होनी चाहिए, लाइट मोर देन 680 होनी चाहिए, मोर देन 680 है नो होनी चाहिए। ये लोकेशन ये कहां कहां हो सकता है, सर ग्रेनल पे हो सकता है जब लाइट मोर देन 680 हो। अब देख बच्चे मेरी बात सुन, यहां ये क्या है सर, ये पीएस वन है, ये क्या है, ये पीएस वन है और ये क्या है पीएस टू है, तो ग्रेनल वाले पर, ग्रेनल है ना ये, ग्रेनल वाले पर कब लाइट साइक्लिक होगा, जब लाइट मोर देन क्या होगी 680 होगी, जिस पर सिर्फ पीएस वन काम करेगा। देखो साइक्लिक के लिए मुझे सिर्फ पीएस वन एक्टिव चाहिए, अगर लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर आती है तो सिर्फ पीएस वन एक्टिव है। लोकेशन क्या है, ग्रेनल, लाइट मोर देन 680, इसके अलावा स्ट्रोमल लैमिली। भाई यहां तो मेरे पास सिर्फ पीएस वन है, यस सर नो, देख इधर, यहां सिर्फ पीएस वन है, यहां दोनों है, यहां लाइट मोर देन 680 पर हो जाएगा ये एक्टिव और ओनली एक्टिव, और ये इस पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिर्फ एटीपी बनती है। पिछले वाले में क्या प्रोडक्ट था, तीन, यस, इस वाले में प्रोडक्ट क्या है, सिर्फ एटीपी बनती है। एफएनआर इन्वॉल्व होगा नहीं, क्यों, क्योंकि कोई एनएडीपीएच नहीं बनेगा। फोटोलिसिस होगी क्या, फोटोलिसिस होगी क्या, नहीं, यस, पानी नहीं टूटेगा। अब ये होता क्या, सुनो ध्यान से, देखो ये नॉन साइक्लिक दे रखा है, पीएस टू से पीएस वन पर ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, होता क्या है कि जब लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर आती है, एफईएस अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको प्लास्टोकिनोन को, तो आपको सीक्वेंस याद करना है, एफईएस से एफ, क्यूसीपी बाकी सेम है, प्लास्टोकिनोन साइटोक्रोम B6 है, प्लास्टोसाइनिन। तो ये वो तीन इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये तीन इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में यूज होते हैं, ये वो तीन इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में यूज होते हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल चमकीस हो गया है। साइक्लिक कब होगा, क्या स्ट्रोमल पर होगा, हां सर हो सकता है, हमेशा ही होगा। ग्रेनल पर कब होगा, लाइट मोर देन 680, क्या बनेगा, सिर्फ एटीपी। लोकेशन बता दी, कंडीशन बता दी, एफएनआर चाहिए नहीं, फोटोलिसिस होगी नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अब मुझे बताओ क्या साइक्लिक में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो डार्क रिएक्शन में यूज होता है, हां एटीपी है। नॉन साइक्लिक में कितने प्रोडक्ट हैं जो डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच, यस बेटा। साइक्लिक होता है तो पहले इलेक्ट्रॉन, देख बच्चे साइक्लिक का मतलब होता है पीएस वन का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वही घूम गया, उसमें इलेक्ट्रॉन वापसी आ जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन वापसी आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यस 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 यस, याद हो गया, चलिए आगे चलेंगे। तो एक बार रिवाइज करेंगे सारे बच्चे मेरे साथ, जरा मेरे पास, व्हाट इज पिगमेंट, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। पिगमेंट कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। तीन एंटीना है, एक रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर पीएस टू पीएस वन में अलग अलग होता है। अपने दिमाग में बिठा, P700 वर्ड क्लोरोफिल ए के लिए, P680 क्लोरोफिल ए के लिए, मैंने दोनों को लगा दिया। ग्रेनल थायलाकॉइड पे पीएस टू पीएस वन दोनों होता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, पीएस टू का पीएस वन के पास चला गया, पीएस वन का चला गया एनएडीपीएच के पास, पीएस टू ने पानी तोड़ दिया। बीच में याद करना है पी क्यू सी पी, फियोफाइटिन प्लास्टोकिनोन साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसाइनिन। चले आगे, बढ़िया, चलो आ जाओ। अब हम बात करेंगे बेटा, अब हम जो ये एटीपी यहां बनी है, सुन ध्यान से, एक एटीपी यहां बनी है साइक्लिक में, मतलब एटीपी यहां भी बनती होगी स्ट्रोमल लैमिली पे, यस, यहां भी बनती होगी, यहां बनी है ना एटीपी, एटीपी यहां बनाई हमने, ये एटीपी यहां बनाई साइटोक्रोम B6F से, यहां मैंने एटीपी बनाई। ध्यान से सुनेंगे जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा, ध्यान से सुनेंगे जो मैं पॉइंट्स आपको यहां पर बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे जो मैं पॉइंट्स आपको यहां पर बोलूंगा,
हाँ भाई, एटीपी कितने बने हैं, कितनी जगह बनी, कैसे बनी है एटीपी, आपको पता चल गई एटीपी, पता चल गई, जल्दी बताओ बेटा, एटीपी पता चल गई, आगे आ जाओ। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक टॉपिक पढ़ेंगे कि एटीपी बनी कैसी है, उसे हम कहते हैं कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को पढ़ने से पहले मेरी बात ध्यान से सुने, साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों में एटीपी सिंथेसिस होती है, यस और नो ये बताओ, यस दोनों में होती है। ये एटीपी बनती कैसे है, तो एक हाइपोथेसिस थी जो पीटर मिचेल ने दी थी, साइंटिस्ट का नाम नहीं आएगा, नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पीटर मिचेल, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, उन्होंने एक तरीका बताया एटीपी कैसे बनेगी। उन्होंने बोला कि अगर मुझे चार रिक्वायरमेंट मिल जाए, चार रिक्वायरमेंट अगर मेरी पूरी हो जाए ऑर्गेनल्स में, कौन सी चार है, पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास, हमें चाहिए एच प्लस का ग्रेडियंट, दूसरी रिक्वायरमेंट चाहिए क्या चीज, दूसरी रिक्वायरमेंट चाहिए हमारे पास इंटैक्ट मेम्ब्रेन, तीसरी रिक्वायरमेंट एफ नॉट एफ वन, और फोर्थ रिक्वायरमेंट है प्रोटोन का पंप। यदि किसी ऑर्गेनल में ये चार रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं तो वो एटीपी बना सकता है। तो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हम पढ़ते ही क्यों है, मान लो आपसे कोई पूछे क्यों पढ़ते हैं केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो ये हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है कि एटीपी कैसे बनती है, और किसमें एक्सप्लेन करती है, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और क्लोरोप्लास्ट में कहते हैं फोटो मतलब लाइट फॉस्फोराइलेशन। तो आपने ये ध्यान रखना है कि केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये एक्सप्लेन करती है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार से एटीपी सिंथेसिस होती है। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है बेटा, जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है, नहीं। अब जरा ध्यान से सुनना, हमने कहा कि अगर मुझे इंटैक्ट मेम्ब्रेन मिल जाए, इंटैक्ट मेम्ब्रेन मतलब जैसे ये है, H+ का ग्रेडियंट मिल जाए, मतलब कहीं H+ ज्यादा हो कहीं कम हो, कहीं H+ यहां ज्यादा हो यहां कम हो, यस, F0 F1 पार्टिकल मिल जाए और प्रोटॉन को पंप कर दें, इन चार जरूरतों की वजह से एटीपी बन जाएगी। और हम यहां पे दिखा रहे हैं आपको, ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, यस और नो, तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कैसे बनती है उसकी बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इंटैक्ट मेम्ब्रेन जो मैंने लिखी है, इसका मतलब ये मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इससे प्रोटॉन आर पर बिना बात के ना जाए। H+ ग्रेडियंट का मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, यहां H+ ज्यादा हो, लो पीएच हो, यहां पीएच ज्यादा हो, मतलब ग्रेडियंट का मतलब होता है अंतर। F0 F1 पार्टिकल किसको कहते हैं बेटा, एटीपी सिंथेसिस को। तो ये F0 क्या है, एक चैनल है, ये F1 क्या है, एक हेड है, ये किस पर होना चाहिए, इस क्रिस्टे पर होना चाहिए, यस। और प्रोटॉन पंप का मतलब किसी तरीके से, जैसे मान लो ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो किसी तरीके से प्रोटॉन को यहां पंप करती है। ये वो चार तरीके हैं जिससे एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बन सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया की एटीपी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये स्ट्रोमा है, यहां पर H+ बढ़ जाएगा, यहां पर H+ बढ़ जाएगा, मुझे बताओ क्या यहां भी H+ बढ़ेगा, ये स्ट्रोमल लेमिल ये बढ़ेगा, क्योंकि यहां भी एटीपी बनता है, यहां पीएस वन होता है, यहां पीएस वन पीएस टू दोनों होता है, यहां एच प्लस बढ़ेगा, तो यहां एच प्लस बढ़ेगा, यहां एच प्लस कम है, ये मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, ये एफ नॉट एफ वन, इसका नाम होता है सी एफ नॉट सी एफ वन क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और कौन इसे पंप करता है, यहां से प्रोटोन यहां कौन पंप करता है, लाइट। तो अगर आपसे कोई कहे हाई एच प्लस क्लोरोप्लास्ट में कहां होगा, लोकेशन बताओ, हाई एच प्लस क्लोरोप्लास्ट में कहां होगा, ल्यूमन में, कहां होगा बेटा, ल्यूमन में। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, देख बच्चे, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, एच प्लस ज्यादा होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा होगा, यस और नो। यहां ल्यूमन किसके ल्यूमन में, ऑफ थाइलाकॉइड, ग्रेनल और स्ट्रोमल दोनों आएगा, यस और नो, यस सर। एफ नॉट एफ वन की लोकेशन थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर आएगी, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर आएगी, यहां किस पे आएगी सर, क्रिस्टे पर आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोटॉन पंप कौन करेगा क्लोरोप्लास्ट में, लाइट, लाइट किसी तरीके से प्रोटॉन को यहां से यहां लेकर आती है, यहां माइटोकॉन्ड्रिया में कौन प्रोटॉन पंप करता है, प्रोटॉन को यहां कौन लेकर आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एटीपी बनती कहां है,
सर एटीपी यहां बन के पहुंचेगी जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, एटीपी यहां आती है। यहां कहां पहुंचती है? स्ट्रोमा में, क्योंकि जिधर हेड होगा उधर ही बनती है। ये चैनल है बेटा, ये हेड है, जिधर हेड होगा एटीपी बनेगी, यहां कहां बनेगी? स्ट्रोमा में। क्या ये चार्ट पूरा क्लियर है? क्या ये चार्ट पूरा क्लियर है? नींद आ रही है नीता पंडित? किस्मत सो जाएगी बेटा एग्जाम में, पढ़ ले। सर आप खराब बोलते हो, मैं सच बोलता हूं, खराब अपने आप लगेगा। हाँ कमेंट मत देखो, अपनी तरफ फोकस करो। कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करती है? क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है? यदि हम कहीं पर एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो एटीपी सिंथेसिस हो जाएगी। प्रोटोन पंप का मतलब है कैसे एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है। ईटीएस बढ़ाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और लाइट बढ़ाती है क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए इसका नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। और यहां ईटीएस में किसकी ऑक्सीडेशन होती है? एनएडीएच की, इसलिए इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यस, क्लोरोप्लास्ट में CF0CF1, क्लोरोप्लास्ट में क्या आएगा? CF0CF1 बोलेंगे इसको, जो एटीपी बनाएगा, इसको बोलेंगे F0F1। एच प्लस की कंसंट्रेशन कहां बढ़ेगी बता दिया, F0F1 कहां होगा? थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। प्रोटोन पंप यहां लाइट करती है, ईटीएस करता है, बने के कहां आएगा? यहां पर। अब हम क्या बात करेंगे बेटा, अब हम इसकी बात करेंगे कि यार किस तरीके से एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है। आपके पास ये क्या है बच्चे, ये क्लोरोप्लास्ट है, ध्यान दो, और ये मैंने क्या बना दिया, ग्रेनल थायलाकॉइड बना दिया। मान लो ग्रेनल थायलाकॉइड में ये PS2 है और ये मेरे पास क्या है, PS1 है। ये PS2 है, ध्यान से देख चल रहे बच्चे, ये PS2 है और ये PS1 है। एनसीईआरटी कहती है पहला फोटोलिसिस, फोटोलिसिस कौन करता है? PS2 करता है, और किधर करता है? ल्यूमन की साइड। किधर करेगा? इधर, इधर पानी टूटेगा तो H प्लस बनेगा, फोटोलिसिस हो रही है। यस, NADPH यहां से बन रहा है, NADP+ से NADPH यहां से बन रहा है। तो NADPH जो FNR है, FNR कौन सा एंजाइम है जो NADP+ से NADPH बनाएगा, वो किसकी साइड है? सर स्ट्रोमा की साइड है, स्ट्रोमल साइड है, है ना। तो जो NADP से क्या करेगा बेटा, NADP+ से H+ को क्या करेगा, यहां डिक्रीज करेगा, कहां से? स्ट्रोमा से, NADPH। यस, और आपको पता है कि जब PS2 से फियोफाइटिन के पास गया तो प्लास्टोक्विनोन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करके प्रोटॉन छोड़ देता है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि प्लास्टोक्विनोन जो है वो हाइड्रोजन कैरियर है, याद कर पाओगे इसे? हाइड्रोजन कैरियर है जो बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है। इधर देख बेटा, प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों लेके चलता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों लेकर चलता है, याद हो रही है तेरे को? तीन रीजन है एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ने के, पहला पानी टूटना, दूसरा NADPH बनना, तीसरा प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन कैरियर है जो H प्लस को स्ट्रोमा से ल्यूमन में मूव कराता है। याद हो गया? याद हो गया? याद हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं, ये वाला टॉपिक है। हाँ भाई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सुन ध्यान से। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफ होता है, एक ग्राफ है जिसके इस एक्सिस पर क्या लिखूंगा मैं, वेवलेंथ। इस एक्सिस पर क्या लिखूंगा, वेवलेंथ, और इधर लिखूंगा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसके लिए मैंने क्या किया, लीफ ली और पेपर क्रोमेटोग्राफी से पिगमेंट अलग कर लिया। सिंपल याद करना इसको, पिगमेंट को क्या कर लिया बेटा, सेपरेट कर लिया। और जब मैंने पिगमेंट को सेपरेट कर लिया, मेरी तरफ ध्यान से समझ, जब मैंने पिगमेंट को सेपरेट कर लिया और उस पिगमेंट में जब लाइट डाली तो कौन सी वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब करता है? तो आपको यह समझना है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनोइड ये कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। इस ग्राफ को कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा ग्राफ जो ये दिखाए कि पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। आप ये देखो इस ग्राफ की ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको ये दिख रहा है कि मेरे पास क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी इधर देख बेटा, क्लोरोफिल बी रेड, विबग्योर लिखते हैं ना, सॉरी ब्लू और रेड, इधर ब्लू रीजन है और इधर रेड है, तो ब्लू और रेड दोनों में एब्जॉर्ब करता है। देख लो, ब्लू और रेड दोनों में एब्जॉर्ब करता है, कौन? क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए के लिए भी देख लो, दोनों में एब्जॉर्ब करता है। कैरोटीनॉइड मिडल रीजन में, कैरोटीनॉइड क्या करेगा, मिडल रीजन में। यह बात याद करनी है बस आपको,
आपको यह याद करनी है कि कौन से प्रोसेस से पिगमेंट अलग करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक ऐसा ग्राफ जिसमें एक एक्सिस पर वेवलेंथ और दूसरे पे एब्जॉर्प्शन लिखे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन किस पे आता है, ब्लू और रेड रीजन पर आता है, बाकियों का मिडल रीजन पे। अब एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, एक्शन स्पेक्ट्रम में सिर्फ ये याद करना है ये क्या शो करता है, एक्शन मतलब काम, मतलब मैं ऑक्सीजन से रिलेट करूंगा, एक ऐसा ग्राफ जिधर इधर मैं ऑक्सीजन लिख दूं और इधर वेवलेंथ लिख दूं, क्योंकि एक्शन का मतलब होता है काम, काम का मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को किससे रिलेट करते हैं, ऑक्सीजन से। तो अगर आप ध्यान से देखो आपको दिख रहा है कि ब्लू और रेड रीजन में ही एक्शन स्पेक्ट्रम आ रहा है, इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि क्लोरोफिल ए का एक्शन और एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल ए का एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ओवरलैप करता, ओवरलैप मतलब उसकी शेप सेम आती है, ये बना हुआ है, देख ये हमारे पास क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये एक्शन बना हुआ है। तो ये जो ब्लू और रेड रीजन पे ज्यादा आ रहा है ये चीज है। तो यहां पर क्या क्या पॉइंट्स याद करने हैं, पहला आपने ये याद करना है कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैरोटीनॉइड्स का मिडल रीजन पे आएगा, ब्लू और रेड पर आएगा क्लोरोफिल का, एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का ओवरलैप करता है, मतलब शेप सेम आती है। एक लाइन एनसीईआरटी लिखती है कि एंटीना मॉलिक्यूल जलने से बचाते हैं, प्रिवेंट रिएक्शन सेंटर फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, याद कर लोगे, प्रिवेंट रिएक्शन सेंटर फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। बेटा मैं फास्ट इससे तेज कराऊंगा तुझे समझ नहीं आएगा, अब ज्यादा नहीं है 20-25 मिनट का चैप्टर बचा है, उसके बाद रेस्पिरेशन पे चलेंगे, इससे तेज मैं कराऊंगा तुझे समझ नहीं आएगा, मैं तो करा दूंगा तू नहीं कर पाएगा, समझ इसे, यहां तक ठीक है बेटा, रेड ड्रॉप मत कर यार बच्चे, एक सिंगल वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस घटने को, यहां तक ठीक है, यस 15-20 मिनट में, 20-25 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो गया, यस हाँ, रिवाइज भी तो कर, तुझे आ तो रहा है समझ, चलो भाई आगे चलेंगे, आगे चल रहे, चले आगे, जल्दी बताओ चले आगे। अब आते हैं डार्क रिएक्शन पे, देखो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो बच्चे को आ गया बढ़िया समझ में वो क्वेश्चन कर ले जाएगा, सही है। आपने इलेक्ट्रॉन कैरियर याद करने हैं, कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस समझ के रखनी है, यस आगे चलते हैं डार्क रिएक्शन पे आ जाओ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे जो जो पॉइंट्स है वो बताना और आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डार्क रिएक्शन का एक और नाम क्या है, चैट में बताओ, डार्क मतलब 15-20 मिनट में ये चैप्टर खत्म, फिर रेस्पिरेशन पे चलेंगे, रेस्पिरेशन भी इससे कम टाइम लगता है बच्चे, रेस्पिरेशन पे चलेंगे। डार्क रिएक्शन का एक और नाम क्या है, जल्दी बताओ सर, डार्क रिएक्शन का एक और नाम है, बता जल्दी बता, डार्क रिएक्शन का एक और नाम है बायोसिंथेटिक फेस, यस 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 यस। डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी करी थी कैल्विन ने, कैल्विन ने क्या किया था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था C14, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का पॉजिटिव यूज दिखाया, जबकि वर्ल्ड वॉर में उसको गलत यूज किया था रेडियो एक्टिविटी को। दूसरी चीज बेटा, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया एक एल्गी पर जिसका नाम क्या है, क्लोरेला, क्या नाम है बेटा, क्लोरेला, सही है, सही है, यस 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 यस। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, जो जो पॉइंट्स हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले डार्क रिएक्शन की लोकेशन कहां है, सर डार्क रिएक्शन की लोकेशन है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, क्योंकि वहां एंजाइम होता है। डार्क रिएक्शन क्या यूज करता है, सर CO2 यूज करता है, और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है जिसे शुगर कहते हैं, यस सही है। क्या प्रोड्यूस करता है, सर शुगर प्रोड्यूस करता है, और क्या यूज करता है भाई, चलो CO2 यूज करता है, और क्या यूज करता है, सर NADPH यूज करता है, ठीक है, बनाता क्या है, NADP बनाता है। अब मुझे बता हाइड्रोजन हटने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो NADPH की ऑक्सीडेशन डार्क रिएक्शन में हुई, और क्या यूज करता है, ATP यूज करता है, और बनाता क्या है, ADP बनाता है, यस और नो, तो इसको इनको यूज करता है, ये बनाता है, यस। तो डार्क रिएक्शन में आप क्वेश्चन के लिए याद रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH होती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है बेटा, NCERT कहती है कि डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर है, गलत नाम है, ये रात में नहीं होता, दिन में होता है। डार्क रिएक्शन को लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की जरूरत होती है, इसीलिए NCERT लिखती है कि पहले लाइट रिएक्शन रुकता है, उसके बाद डार्क रिएक्शन रुकता है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट इसमें लगेगा, इसका प्रोडक्ट इसमें लगेगा, NADPH ATP यहां यूज होता है, इसमें पहले लाइट रिएक्शन रुकता है, डार्क रिएक्शन। इसका मतलब डार्क रिएक्शन किस पर डिपेंड है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे। इसका यह मतलब है कि डार्क रिएक्शन रात में नहीं होता, दिन में ही होता है, मिसनोमर मतलब गलत नाम है।
अब आते हैं डिस्कवरी पर। डिस्कवरी किसने करी? केल्विन ने। केल्विन ने क्या यूज किया बेटा? केल्विन ने यूज किया C14, जिसे हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप। यूज किया एल्गी में, एल्गी ली थी सिंगल सेल की क्लोरेला, ठीक है। तो केल्विन ने क्या किया बेटा, केल्विन ने एक बीकर या किसी चीज में एक एल्गी ली, उस एल्गी का नाम था क्लोरेला, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दी जिसमें C14, नॉर्मल वाली कौन सी होती है C12, C14 वाली दी। उससे उन्होंने दो बातें पता लगाई, पहला कि डार्क रिएक्शन का पहला प्रोडक्ट क्या है, पहला प्रोडक्ट है PGA, जो कि कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। दूसरा स्टेप्स इन डार्क रिएक्शन। तो केल्विन का कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने दो काम किए, पहला उन्होंने पहला प्रोडक्ट पता लगाया डार्क रिएक्शन का, दूसरा उन्होंने क्या किया बेटा, दूसरा उन्होंने पूरे स्टेप्स को पता लगाया और पता लगा कि एक साइक्लिक प्रोसेस है। याद हो गया, केल्विन C14 रेडियो आइसोटोप क्लोरेला, स्टेप्स पता लगाए और पहला प्रोडक्ट दिया। अब क्या हुआ बेटा, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने दूसरे प्लांट में देखा, पर कुछ प्लांट में पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का मिला जो कि OA था, उन्हें हमने बोला C4 प्लांट, और जिनमें हमारे पास 3 कार्बन का मिला उसे बोला C3 प्लांट। ये समझ में आ रहा है भाई? केल्विन ने जब किया, डिस्कवर किया, तो उनको पहला प्रोडक्ट PGA मिला। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया, पहला प्रोडक्ट मिला उन्हें OA, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, तो उन्होंने कहा उन्हें C4 प्लांट। तो इसका मतलब मैक्सिमम प्लांट में पहला प्रोडक्ट PGA है, कुछ प्लांट में क्या मिलता, OA मिलता है। उसके बाद क्या था बेटा, जब हमारे पास PGA मिला पहला प्रोडक्ट, तो साइंटिस्ट लोग खोजने लगे कि जो प्राइमरी CO2 रिसेप्टर, मतलब क्या हुआ, मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड खोजने लगे जो 2 कार्बन का था, जो कंबाइन होता था CO2 के साथ PGA बनाता था जो 3 कार्बन का है। क्लियर है? पर ऐसा मिला नहीं। एक्चुअल में क्या मिला, प्राइमरी CO2 रिसेप्टर 5 कार्बन की शुगर मिली, 5 कार्बन का शुगर मिला जो CO2 के साथ कंबाइन करके PGA के कितने मॉलिक्यूल बनाता है, 2। यहां तक समझ आ गई? यहां तक समझ में आ गई? सर यहां तक भी समझ में आ गई, बढ़िया है। अब आगे चलते हैं बेटा, अब आगे बात करते हैं केल्विन साइकिल की। मुझे केल्विन साइकिल की लोकेशन बताओ, स्ट्रोमा है, मेन एंजाइम रूबिस्को है। केल्विन साइकिल के 3 स्टेप हैं, पहला कार्बोक्सिलेशन, जिसका पहला प्रोडक्ट बनेगा PGA, फिर रिडक्शन करेंगे शुगर बनेगी, फिर रीजनरेशन करेंगे। तो इस वाली स्लाइड पर हम केल्विन साइकिल की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले RuBP 5 कार्बन की शुगर है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है मैंने यहां पर CO2 ऐड करा, ये 3 कार्बन का PGA बना, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल बने हैं, 2। RuBP कितने कार्बन है, 5 कार्बन, या 1 कार्बन जुड़ी, PGA 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। दूसरा स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक तो हम 2 ATP खर्च कर रहे हैं, यस और नो, 2 ADP बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 2 ADP। उसके अलावा हम 2 NADPH खर्च कर रहे हैं, और क्या बना रहे, 2 NADP बना रहे, यस और नो। तो रिडक्शन वो स्टेप है जिसमें ATP और NADPH खर्च होगा, और ट्रायोस फॉस्फेट नाम की 3 कार्बन की शुगर बनेगी, 2 मॉलिक्यूल। फिर इससे ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा सुक्रोज और स्टार्च में। फिर यहां से हम कर सकते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन से आप RuBP बना सकते हो। रीजनरेशन से आप क्या बना सकते हो, RuBP। यहां तक समझ में आ रहा है? तो 3 स्टेप है बेटा, 3 स्टेप है, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। अब आओ जरा इनकी कहानी पढ़ते हैं पूरी। कार्बोक्सिलेशन में रिएक्टेंट क्या है, RuBP, साथ में क्या जोड़ा मैंने, CO2 जोड़ा, प्रोडक्ट क्या बना, PGA, शुगर है, एसिड है, एसिड है, कितने कार्बन का, सर 3 कार्बन का, यस, कितने मॉलिक्यूल बने, 2। ATP यूज हुई, नो, NADPH यूज हुआ, नो। रिडक्शन, रिएक्टेंट क्या है, PGA, प्रोडक्ट क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट, ATP यूज हुई, यस, कितनी, 2। NADPH यूज हुई, यस, कितनी, 2। रीजनरेशन में रिएक्टेंट क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट, प्रोडक्ट क्या है, RuBP, ATP यूज हुई, यस, कितनी यूज हुई, 1, NADPH यूज नहीं हुआ। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें ATP और NADPH दोनों यूज होता है, रिडक्शन,
कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें सिर्फ एटीपी यूज होती है, रीजनरेशन। कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें एटीपी नहीं लगती, कार्बोक्सिलेशन। यस यस यस, ठीक है। कौन से स्टेप में शुगर बनी है, शुगर बेटा रिडक्शन वाले स्टेप में बनी है। यस, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पीजीए है, टोटल एटीपी तीन लगी है, 2+1, दो यहां पर एक यहां पर सीओ टू, एक सीओ टू फिक्स करने में। एनएडीपीएच कितने लगे हैं, दो, देख लो इधर ध्यान से। यस, अगर मैं 6 CO2 फिक्स करूं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 एटीपी लग जाएंगे और एनएडीपीएच लग जाएंगे 12। यहां तक कोई डाउट है, इस स्लाइड पर बताओ जल्दी से, यहां तक कोई डाउट है जल्दी बताओ, इस स्लाइड पर कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, क्लियर। कौन से स्टेप में एटीपी लगेगा, रिडक्शन और रीजनरेशन में। कौन से स्टेप में एनएडीपीएच लगेगा, सिर्फ रिडक्शन में। क्लियर है यहां तक, यहां तक ठीक है बेटा, यहां तक ठीक चल रहा है। चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे बच्चे हमारे पास कहानी जो है वो ये है कि अब हम बात करेंगे रूबिस्को की। मेरी बात सुन ध्यान से, रूबिस्को में RUBP के साथ CO2 कंबाइन हुआ है, इसे हमने कार्बोक्सिलेशन कह दिया। आपको समझना पड़ेगा इसका जो मेन एंजाइम है रूबिस्को, रूबिस्को इज अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। मान लो मैं तुम्हें एक उल्टा क्वेश्चन दे दूं नीट में, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ इज लोकेटेड इनसाइड लाइसोजोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। करो जरा जल्दी से, क्या आएगा जल्दी, क्लोरोप्लास्ट। ऐसे कर ले भाई, रूबिस्को की बात तू ऐसे कर ले, अब आ जल्दी से देख। रूबिस्को जो है ना बेटा, रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है, रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जहां RUBP के साथ ऑक्सीजन या CO2 दोनों कंबाइन हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं रिपीट करता हूं, रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जहां RUBP के साथ ऑक्सीजन और CO2 दोनों में से कोई भी कंबाइन हो सकता है। पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट यह है कुछ स्पेशल केसेस में रूबिस्को काम करता है एज अ ऑक्सीजनेस। ऑक्सीजनेस काम कैसे करता है ध्यान से सुनेंगे, ऑक्सीजनेस की तरह काम कैसे करता है ध्यान से देख बच्चे, ऑक्सीजनेस की तरह काम कैसे करता है। सबसे पहले रूबिस्को की लोकेशन है स्ट्रोमा, कोई डाउट है इस बात में नहीं सर, ठीक है। अगर RUBP के साथ ऑक्सीजन की तरह काम, ऑक्सीजन कंबाइन करे, ठीक है, और RUBP के साथ CO2, तो इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेज। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेज। जब ऑक्सीजन की तरह काम, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे, ऑक्सीजनेज, इसे हम कहते हैं फोटोरेस्पिरेशन। तो आपको यह समझना है कि रूबिस्को जो है बेटा ऑक्सीजन और CO2 दोनों से कंबाइन कर सकता है। अगर ऑक्सीजन से करेगा तो ऑक्सीजनेज बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोरेस्पिरेशन, ध्यान दे। तो कंडीशन, किस कंडीशन में रूबिस्को एज अ ऑक्सीजनेज काम करेगा, ध्यान रख अपनी बात। सबसे पहले टेम्परेचर हाई हो, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो, ऑक्सीजन हाई हो और CO2 लो हो, देख पा रहे हैं। किस कंडीशन में रूबिस्को एक्ट एज अ ऑक्सीजनेज, ये तीन हाई हो ये लो हो, इस कंडीशन में प्रोडक्ट बनेगा PGA, तो बनेगा साथ में बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। एनसीईआरटी कहती है कि ATP नहीं बनती बल्कि इनडायरेक्टली यूज होती है, ये कहती है। तो एनसीईआरटी कहती है कुछ स्पेशल कंडीशन में जब टेम्परेचर ज्यादा हो, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, CO2 कम हो, रूबिस्को काम करता है एज अ ऑक्सीजनेस। यस, और ऐसी कंडीशन मुझे कहां मिलती है, इक्वेटर के पास, ट्रॉपिकल कंडीशन। रूबिस्को कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीजनेस, उससे क्या हो रही है, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। इस बात का सॉल्यूशन क्या है, C4 प्लांट है। यस और नो, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, यस और नो जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या आ सकता है, कौन सी कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन होगा, लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन हाई, CO2 लो, क्या होगा, रूबिस्को एक्ट एज अ ऑक्सीजनेस, क्या कर रहा है, RUBP के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, क्या बना रहा है,
फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या फॉस्फोग्लाइकोलेट वापसी पीजीए बना सकता है? क्या ये वापसी पीजीए बना सकता है? हाँ सर बना सकता है, पर इसके लिए तीन ऑर्गेनल में घूमता है, क्लोरोप्लास्ट में घूमता है, परऑक्सीसोम में घूमता है, माइटोकॉन्ड्रिया में घूमता है। यस और नो? यस और नो? तो हमने यहां पर बात कर ली है फोटो रेस्पिरेशन की। हमने कहा कि फोटो रेस्पिरेशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन को ओवरकम कर सकते हैं बाई बाई जल्दी बता बाई सी फोर प्लांट। यस यस, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। एनसीईआरटी ने बोला है कि एटीपी बनती नहीं है फोटो रेस्पिरेशन में, इनडायरेक्टली खर्च होती है, लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, कर सकते हैं। चले भाई ठीक है, देखो बेटा लग्जरी मत करो, जो मैं करा रहा हूं उसको चुपचाप करो। अब आ जाओ सी फोर प्लांट की बात करते हैं। सी फोर प्लांट क्या थे, ध्यान से सुन, लॉजिक क्या था? लॉजिक ये है कि एक ही क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को है, वहीं ऑक्सीजन बन रही है थाइलाकोइड की ल्यूमन से और वो रूबिस्को को मिल रही है। नेचर ने क्या किया, लाइट और डार्क रिएक्शन की लोकेशन बदल दी। नेचर ने कहा कि क्यों ना फोटोसिंथेसिस को दो अलग अलग सेल में कराया जाए, मीजोफिल सेल में कराया जाए लाइट रिएक्शन और बंडल शीट सेल में कराया जाए डार्क रिएक्शन। तो हमारे पास दो अलग अलग सेल होते हैं, ये एक अरेंजमेंट मुझे देखने को मिलती है, इसे कहते हैं क्रैंज एनाटॉमी। सीफोर पाथवे का एक और नाम होता है, चैट में बताओ जरा, सीफोर पाथवे का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं हैच स्लैक पाथवे। क्या नाम होता है बेटा? हैच सैक स्लैक पाथवे कहते हैं। यस 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 यस, क्लियर है? यस, आगे आ जाओ, आगे आओ। अब हमारे पास सीफोर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग, सीफोर प्लांट की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये मीजोफिल सेल है और ये बंडल शीट सेल है। ध्यान से देखियो बच्चे, बाहर से मेरे पास ये CO2 आई है, ये कंबाइन हुई है PEP के साथ जिसे प्राइमरी एक्सेप्टर कह रहे हैं। एक कार्बन तीन कार्बन दोनों मिलके क्या बन गया, OA बन गया, जो कि कितने कार्बन का है, चार कार्बन ऑक्सलोएस्टिक एसिड। ये कौन सा सेल है सर? मीजोफिल सेल है। बंडल शीट सेल की जो वॉल है वो क्या है? इंपरवियस, इसमें से कोई गैस अंदर नहीं आ सकती। OA कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, NADPH को खर्च कर देते हैं। मैलिक एसिड का होता है ट्रांसपोर्ट, मैलिक एसिड यहां आ गया, मैलिक एसिड से वापसी ओए बनाते हैं, यहां पर NADPH बन जाता है। NADPH यहां क्या होगा? बन जाएगा, यहां खर्च हो गया, यहां बन जाएगा। ओए में से CO2 निकाल देते हैं जो किसके पास चली जाती है? रूबिस्को के पास। यस और नो? और C3 साइकिल होती है, फिर बन जाता है पाइरुवेट। पाइरुवेट को हम वापसी लेकर आते हैं ट्रांसपोर्ट, और इस पाइरुवेट से रीजनरेशन करते हैं और दो एटीपी खर्च करते हैं, वापसी पीपी बन जाता है। तो आपको यह समझना है कि सी फोर साइकिल में हम इनिशियल CO2 फिक्स करते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। यस, उसमें पीपी के साथ कंबाइन करके पहला स्टेप कराते हैं, ओए बनाते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट है चार कार्बन का। इसको कन्वर्ट करते हैं मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड को यहां लाते हैं, फिर मैलिक एसिड से ओए बनाते हैं, इस ओए में से CO2 निकालते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि रूबिस्को को दे सके। इसकी दीवार मोटी है, इंपरवियस है, यहां बाहर से कुछ आता नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं सी फोर साइकिल में, देखो ये टेबल भरो, इसी से क्वेश्चन बनेगा, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? पीपी है, ठीक है। कौन से सेल में? मीजोफिल सेल में। कितने कार्बन है सर? तीन कार्बन है। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना है? ओए। कितने कार्बन है सर? चार कार्बन है। यस और नो? यस सर। एंजाइम मीजोफिल सेल में पैपकेज है, जो ये रिएक्शन करा रहा है ना, पीपी ऑक्सीजन CO2 को जोड़ रहा है, वो पैपकेज है। बंडल शीट सेल में रूबिस्को होता है, बंडल शीट सेल में रूबिस्को होता है, इसलिए C3 साइकिल होती है वहां। एटीपी चाहिए, हां दो एटीपी चाहिए, कब? रीजनरेशन में। यस, और उसके अलावा तीन एटीपी चाहिए, कब? C3 साइकिल में। तो टोटल एटीपी कितनी हो गई? पांच एटीपी चाहिए बेटा। देख इधर, दो एटीपी ये है, बाकी ये CO2 जो करेगा केल्विन साइकिल वहां है। तो टोटल कितनी एटीपी का खर्चा है? पांच एटीपी और दो NADPH। तो जरा स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये रहा कार्बोक्सिलेशन। लोकेशन क्या है? मीजोफिल सेल। प्रोसेस क्या है? पीपी प्लस CO2 से क्या बनेगा? ओए बनेगा। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट। मीजोफिल सेल से बंडल शीट सेल में ले जाते हैं, किसको? C4 एसिड को। C4 एसिड कौन है? मैलिक एसिड हो सकता है। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन किसका, कहां पर हो रहा है? बंडल शीट सेल में। क्या हो रहा है? ओए में से CO2 रिमूव कर रहे हैं। यस, ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है? बंडल शीट सेल से
किसमें जा रहे हैं? मेसोफिल सेल, यहां से यहां जा रहे हैं। यस, किसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सर? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसका? सी3 एसिड का, सी3 एसिड का बंडल शीट से, मतलब यहां से वापसी जा रहे हैं। रीजनरेशन कहां हो रहा है सर? मेसोफिल सेल में। कितने एटीपी लग रहे हैं? 2 ATP। यस, तो एटीपी कितने लग गए बेटा? 2 + 3 टोटल हो गए 5। एनएडीपीएच कितने लग गए सर? एनएडीपीएच लग गए कितने सर? 2 लग गए। ये आपको समझ में आना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है? चेक करो भाई, चेक करो, चेक करो, चेक करो, जल्दी से चेक करो। कोई डाउट? क्या ये सारे पॉइंट्स याद हो रहे हैं? याद होने चाहिए। एंजाइम का नाम बंडल शीट में रूबिस्को। अब आ जल्दी, अब मुझे ये बता, अब मुझे ये बता, ये बता, देख ये बता, बंडल शीट सेल में एंजाइम कौन सा है सर? रूबिस्को है। यस और नो? क्योंकि वहां केल्विन साइकिल हो रही है। मेसोफिल सेल में कौन सा है सर? पैपकेज है। सेल वॉल बंडल शीट की थिक इंपरवियस है। इंपरवियस समझ में आता है? उसमें से गैस अंदर नहीं जाएगी। इसकी कैसी है सर? परवियस है। बंडल शीट में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, इसमें कम है मेसोफिल में। इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें गैस जाएगी नहीं, एब्सेंट है। इसमें क्या है? प्रेजेंट है। सी3 साइकिल बंडल शीट में होगी? यस। मेसोफिल में नहीं होगी। अब व्हाट इज क्रैंज एनाटॉमी? वास्कुलर बंडल के चारों तरफ, ध्यान दे बेटा, देख इधर, वास्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीट सेल लगे होंगे, उसके बाहर मेसोफिल सेल। कई लेयर में बंडल शीट सेल होते हैं, कोई स्पेस नहीं है, उसे हम कहते हैं क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज का मतलब माला, रीत की फॉर्म में बंडल शीट सेल हो और छोटे छोटे मेसोफिल सेल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रैंज एनाटॉमी। क्लियर है? अगर हम सी3 और सी4 प्लांट को कंपेयर करें, सी3 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? RUBP, कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। सी4 प्लांट में कौन है? PP, कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। सी3 प्लांट में एक सेल है, कौन सा सर? मेसोफिल सेल है। इसमें मेसोफिल सेल प्लस बंडल शीट सेल है। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बना है सी3 में सर? PGA बना है। इसमें बना है OA। ये कितने कार्बन है? 4। ये 3 कार्बन। रूबिस्को प्रेजेंट है सी3 प्लांट में? यस। किसमें? मेसोफिल सेल में। इसमें भी यस। किसमें? बंडल शीत सेल में। फोटो रेस्पिरेशन देख, लो लाइट, ऑक्सीजन हाई है, सॉरी ऑक्सीजन भी लो कर देते हैं, टेम्परेचर भी लो है, लाइट भी लो है। इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इधर देख बेटा, लाइट लो है, ऑक्सीजन लो है, टेम्परेचर लो है, CO2 हाई है। अब इधर देख, टेम्परेचर हाई, ऑक्सीजन हाई, लाइट हाई। सी3 में होगा फोटो रेस्पिरेशन, इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन दे रखे एनसीईआरटी में, टेबल बनी हुई है, हाई टेम्परेचर, हाई ऑक्सीजन, हाई लाइट, लो CO2 पे, फोटो रेस्पिरेशन सी3 में होगा, सी4 में किसी भी केस में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। आदित्य इतना याद नहीं होता, ये याद कैसे करेगा? अपने दिमाग में बिठा, मैं जो बोलता हूं उसको समझने की कोशिश कर। हमने क्या किया, सी4 प्लांट में जो प्रोसेस था वो 2 सेल में तोड़ दिया। जो मेसोफिल सेल है उसमें मैंने CO2 को लाया और रूबिस को मैंने बंडल शीट में लेकर रखा था, वहां ले गए। अब अपने दिमाग में ये बटा बिठा कि अगर मुझे बंडल शीत सेल में ऑक्सीजन लानी नहीं है तो उसके बाहर की दीवार मोटी होनी चाहिए, इंपरवियस। अगर वो वहां गैस नहीं जाएगी तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा सर? एब्सेंट होना चाहिए। यस और नो? यस। लाइट और डार्क रिएक्शन में से डार्क रिएक्शन कहां हो रहा है? बंडल शीत सेल में। लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है? मेसोफिल सेल में। ऑक्सीजन कहां बनेगी? मेसोफिल सेल में। तो अपने दिमाग में ये बिठा कि जहां डार्क रिएक्शन होगा वो स्लो स्लो होता है, लाइट रिएक्शन फास्ट होता है, तो ज्यादा क्लोरोप्लास्ट डार्क रिएक्शन वाले सेल में चाहिए। किसमें? बंडल शीट सेल में। रूबिस्को कहां रखा हुआ है? बंडल शीट सेल में। पैपकेस कहां रखा हुआ है? मेसोफिल सेल में। यहां तक समझ में आ रही है? इन सी4 लाइट रिएक्शन मेसोफिल सेल में और बंडल शीट दोनों में बिठा, पर वैसे हम क्या लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? मेसोफिल सेल में लिखते हैं। यस और नो? यस और नो? यस यस यस। आइए अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की, चैप्टर को खत्म करते हैं और फिर रेस्पिरेशन पे चलते हैं जल्दी से। इस वाले पार्ट को, जो ये 10-15 मिनट का सी4 वाला पार्ट था, इसको 2 बार देखें जिन बच्चों को याद नहीं हो रहा, और याद करें, मैं ये सेंड करूंगा आपको। क्लियर बेटा?
बेटा क्रैंज एनाटॉमी क्या है? वास्कुलर बंडल के चारों तरफ लीफ में, मोनोकोट लीफ में। अच्छा, सी फोर प्लांट का एग्जाम्पल पता है सबको? इसका एग्जाम्पल पता है कौन कौन सा याद करना है? मेज, शुगर केन और सोरगम, ये तीन याद करना है। सर और भी याद करने, हमारे मास्टर ने बहुत सारे लिखवाए थे, नहीं तुझे यही तीन याद करने। अब मैं बात कर रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देख बच्चे, फैक्टर अफेक्टिंग में एक होता है प्लांट फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ लीफ, साइज ऑफ लीफ, एज ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन, उसके बाद क्लोरोफिल। एक पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, CO2 को लेकर लिखा हुआ है, इंटरनल लीफ के अंदर कितनी CO2 है वो एक फैक्टर है। तो आपको दिमाग में याद रखना है, अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, उसमें हमारे पास फैक्टर्स दो तरीके के हैं, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। इंटरनल फैक्टर को हम प्लांट फैक्टर भी बोलते हैं क्योंकि वो प्लांट पर निर्भर करता है, वो डिपेंड करता है उसकी जीन्स पर। तो एनसीईआरटी ने एक वर्ड लिखा है, डिपेंड ऑन जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, पहले से डिसाइड होगा जीन्स के थ्रू कितनी बड़ी लीफ बनेगी। तो साइज ऑफ लीफ, नंबर ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, इन सब पे डिपेंड करता है। उसके अलावा वो किस पर डिपेंड करेगा? इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, ये याद रखियो। नंबर ऑफ स्टोमेटा, क्लोरोफिल, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, ध्यान से सुन। एक्सटर्नल फैक्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था FF ब्लैकमैन। FF ब्लैकमैन ने, ईयर बताओ जरा चैट में, किसको याद है देखें जरा, ईयर बताओ। FF ब्लैकमैन ने एक साल में क्वेश्चन दिया था, देख बोलो। FF ब्लैकमैन ने किस ईयर में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था? 1905 में उन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। उन्होंने क्या बोला था सुनना, उन्होंने बोला कि जैसे ये कुछ वैसा है लिमिटिंग रिएजेंट वाला, या लॉ या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होता है। इन्होंने बोला कि किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस को अगर चार फैक्टर कंट्रोल करते हैं किसी गिवन टाइम पर, रेट डिटरमाइन करेगा स्लोवेस्ट स्टेप। कौन डिटरमाइन करेगा रेट? जो सबसे स्लो होगा। यहां तक समझ में आ रही है? रेट कौन डिटरमाइन करेगा बेटा? रेट डिटरमाइन करेगा हमारे पास स्लोवेस्ट स्टेप, जो सबसे स्लो होगा वो हमारे पास क्या करेगा? रेट डिटरमाइन करेगा। रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिटरमाइन करेगा। तो एनी बायोकेमिकल प्रोसेस कंट्रोल बाय मोर देन वन, रेट डिटरमाइन बाय मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर, याद रहेगा। अब जरा देखो कितने एक्सटर्नल फैक्टर है, लाइट, CO2, टेम्परेचर, वॉटर, ये चार फैक्टर है। अब सुनना ध्यान से क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन में बोला गया है लो लाइट इंटेंसिटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन में पहले से बता दिया गया है, मेरी बात समझ ध्यान से, अगर किसी प्रोसेस को चार फैक्टर कंट्रोल करेंगे उसमें जो सबसे कम होगा रेट, स्पीड, उस पर डिपेंड करेगी फोटोसिंथेसिस की। अब ये कह रहा है लो लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, पर रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? लाइट पर, क्योंकि पहले ही बोल दिया लो, तो इसलिए आंसर आएगा बी। ऐसे ही इन हाई लाइट इंटेंसिटी रेट नॉट डिपेंड ऑन, अगर लाइट इंटेंसिटी हाई है, मान ले मैं कहता हूं कि हाई टेम्परेचर, रेट किस पे डिपेंड नहीं करेगा? टेम्परेचर पर, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है कि रेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां तक समझ में आ रही है? यस। तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, तो जिस फैक्टर के साथ लो लिखा हो उस पर डिपेंड करेगा, और जिस फैक्टर के साथ हाई लिखा हो उस पर छोड़कर बाकी किसी पर भी कर सकता है। अब आते हैं चारों फैक्टर्स की डिटेल देखते हैं। सबसे पहले जब आप लाइट की बात करते हो तो लाइट में तीन कंपोनेंट होते हैं, सुनियो फिर मैं बताऊंगा। तीन कंपोनेंट होते हैं, एक तो होती है ड्यूरेशन, डे लेंथ, जैसे अभी गर्मियां आ रही हैं डे लेंथ बढ़ जाएगी। एक होती है वेव लेंथ, और तीसरी होती है लाइट इंटेंसिटी, दोपहर में ज्यादा इंटेंस है, इवनिंग में कम है। रेट इनमें से किस पर डिपेंड करता है? इस पर, इंटेंसिटी पर, यह याद रहेगा। पहला पॉइंट, रेट किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर। तो जब हम लाइट इंटेंसिटी लो है, जब हम लिख रहे हैं लो लाइट इंटेंसिटी, हम क्या लिख रहे हैं? एट लो लाइट इंटेंसिटी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किससे? लाइट इंटेंसिटी से। जब हम लिखेंगे हाई लाइट इंटेंसिटी रेट नॉट डिपेंड ऑन लाइट, इसका मतलब अगर मैंने यहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिख दिया या लाइट लिख दिया, तो मैं ये देख रहा हूं बेटा, मैं ये देख रहा हूं कि इसका ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। एक टाइम के बाद अब ये रेट नहीं बढ़ रहा है, लाइट इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हो कितना भी,
तो इस वाले रीजन को कहते हैं लो लाइट इंटेंसिटी और ये वाले रीजन को कहते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी। ये समझ में आ रहा है? तो लो लाइट इंटेंसिटी पे रेट लाइट पे डिपेंड करता है, हाई लाइट इंटेंसिटी पर रेट डिपेंड करता है किसी और फैक्टर पे। एनसीईआरटी लिखती है कि शेड में ही डिपेंड, मतलब शेड में ही लाइट कम पड़ती है। शेड समझ में आता है? किसी बिल्डिंग की शेड हो या किसी ट्री की शेड हो, 10% लाइट काफी होती है क्या लाने के लिए, सैचुरेशन लाने के लिए। और जब बहुत ज्यादा लाइट होगी तो प्लांट जल जाएगा। तो क्या क्या पॉइंट याद किया? पहला, लाइट के तीन पैरामीटर। रेट किस पे डिपेंड करता है? लाइट इंटेंसिटी पे। लो लाइट इंटेंसिटी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाई लाइट इंटेंसिटी किसी और फैक्टर पे डिपेंड करेगा। शेड में ही लाइट कम पड़ती है, 10% लाइट काफी होती है। यदि यदि अगर बहुत ज्यादा लाइट हो तो प्लांट के पिगमेंट जल जाते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? यहीं तक आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा लाइट पे। अब आ जाते हैं CO2 पर। एनवायरमेंट में CO2 है 380 ppm। इसकी एनसीईआरटी ने यूनिट दिए म्यू लीटर पर लीटर, दोनों सेम वैल्यू आएगा। अब सुनिए ध्यान से, C3 का सैचुरेशन दे रखा है 450 ppm, मतलब इसको इतना चाहिए। C4 का दे रखा है 360 ppm। मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, हमारे पास एनवायरमेंट में CO2 कंसंट्रेशन 0.038% होती है, जिसको हम 380 ppm या 380 म्यू लीटर पर लीटर लिख सकते हैं। C3 प्लांट में सैचुरेशन, मतलब उसको मैक्सिमम कितनी CO2 चाहिए, 450। C3 प्लांट को मैक्सिमम कितनी चाहिए बेटा? मैक्सिमम चाहिए 450। और C4 प्लांट को कितनी चाहिए? 360 चाहिए। यहां तक समझ में आ रही है? 360 चाहिए। अब हम यहां पर ये कह रहे हैं, हम यहां पर ये कह रहे हैं, ध्यान सुन बच्चे, एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी ने ग्राफ बनाया, इधर देख, यहां लिख रहा हूं मैं CO2 कंसंट्रेशन, मेरी तरफ देख, यहां लिख रहा हूं मैं CO2 कंसंट्रेशन। यहां पर मैंने ये जो लाइन खींची है ना, ये एनवायरमेंट वाली है। यस, अब मुझे बता, C4 प्लांट का सैचुरेशन 360 पर है, तो एनवायरमेंट से पहले ये ग्राफ पैरेलल हो जाएगा रेट का। तो ये वाला कौन सा प्लांट है जो एनवायरमेंट से पहले हो गया? सर ये C4 है। C3 का कितने पे आ रहा है? सर 450 पे आ रहा है। ये देख बेटा, 380 की वैल्यू हो रही इधर आ रहा है। तो ये वाला किसका है? C3 का। तो इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि एनवायरमेंट से पहले सैचुरेट हो जाता है CO2, मतलब जितनी एनवायरमेंट में CO2 है C4 के लिए काफी है, C3 के लिए कम पड़ती है। यस 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 यस। तो सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है, ये न्यू लीटर लीटर ये वाली यूनिट दे रखी है, एनवायरमेंट में इतनी है, C3 इतने पे सैचुरेट होता है। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, एट लो लाइट इंटेंसिटी बोथ C3 एंड C4 नॉट डिपेंड ऑन CO2। क्यों? क्योंकि लाइट लिमिटिंग है। क्या लिमिटिंग फैक्टर है? लाइट लिमिटिंग है। एट हाई लाइट इंटेंसिटी C3 और C4 बोथ शो इफेक्ट, पर ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? C3 को। C3 प्लांट को अगर बाहर एनवायरमेंट में CO2 बढ़ती है, C3 प्लांट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका सैचुरेशन कितने पे है? 450 पर है। ग्रीन हाउस प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? ये वो C3 प्लांट होते हैं जिनको आप कवर करके ग्रो कर सकते हो, जैसे बेल पेपर, शिमला मिर्च और टोमेटो। यस, एनसीईआरटी कहती है अगर बहुत हाई CO2 होगी बाहर तो प्लांट में ग्रोथ घट जाएगी। पर मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूं सुनो, एनसीईआरटी कह रही है कि एट लो लाइट इंटेंसिटी C3 C4 दोनों पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लाइट लिमिटिंग है। हाई पर दोनों पर पड़ेगा, पर ज्यादा किस पर पड़ेगा? ज्यादा किस पे पड़ेगा बेटा? ज्यादा पड़ेगा तेरे पास C3 पर, क्योंकि उसको उसका सैचुरेशन अभी बाद में आएगा। और ग्रीन हाउस प्लांट वो प्लांट है जो C3 प्लांट होते हैं। आगे आ जा, आ गया टेम्परेचर। अब मुझे बता, सबसे पहले एनसीईआरटी कह रही है लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों डिपेंड होता है टेम्परेचर पर, क्योंकि क्योंकि दोनों में एंजाइम है। लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों में एंजाइम है, मोर एंजाइम इन डार्क रिएक्शन। अब मुझे क्वेश्चन में बताओ कि किस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, लाइट पे या डार्क पे? किस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा मुझे बता जल्दी से बेटा, लाइट पे या डार्क पे? ज्यादा एंजाइम डार्क पे है तो ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा टेम्परेचर का? डार्क रिएक्शन पे। C3 प्लांट 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर ऑप्टिमम है, C4 प्लांट 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप देखो, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं टेम्परेचर का, तो ये यहां पर मान लो 20 से 25 है और ये क्या है? 30 से 40 है। तो ये किसका हो गया? सर C4 का हो गया। ये किसका हो गया? सर C3 का हो गया। यस, तो टेम्परेचर पे क्या क्वेश्चन आएगा? पहला, लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों पे इंपैक्ट पड़ता है। यस,
ज्यादा किस पे पड़ेगा, डार्क रिएक्शन पे, क्योंकि डार्क में ज्यादा एंजाइम है। C3 और C4 प्लांट का टेम्परेचर ऑप्टिमम जिसपे वो काम करते हैं वो अलग अलग है। लास्ट फैक्टर है पानी। पानी के लिए सुन जो मैं बोलूंगा, पानी अकेला एक ऐसा फैक्टर है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता। होता क्या है कि जब पानी कम होता है तो लीफ मुरझा जाती है, ऐसे लीफ ऐसे हो जाती है, उससे क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इफेक्ट क्या होगा, लेस लाइट पड़ेगी। तो किसके थ्रू काम हो रहा है, लाइट के थ्रू हो रहा है। ऐसे ही स्टोमेटा बंद हो जाएगा जब पानी कम होगा तो उससे CO2 एंटर नहीं करेगी, CO2 की एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं बेटा पानी डायरेक्टली काम नहीं करता, पानी किसी और फैक्टर के थ्रू काम करता है। यदि पानी कम है तो लीफ ऐसे मुरझा जाती है, लाइट कम पड़ेगी, सरफेस एरिया घट गया, या स्टोमेटा बंद हो जाएगा, CO2 एंटर नहीं करेगी। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। मुझे बता देना सर आपने ये छोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा, आ जाओ, आओ भाई चलें एक बार चैट में यस लिख दो, पानी पी लो, यस यस। क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा, पहले एक बार करा दो चैप्टर, तेरे को सारा रिवाइज हो जाएगा। ब्रेक ब्रेक नहीं है, ब्रेक ब्रेक नहीं है बेटा, तुम्हारा एग्जाम पास आ गया, अब कोई ब्रेक नहीं है। चैट में बता दो समझ आ गया है, जो जो पॉइंट है दोबारा देख लेना किसी को, इसके बाद ये PDF दूंगा उसको करना। चले हाँ, चैट में कुछ दिल आग जैसी चीजें बना लो ताकि हम फिर से शुरू कर सके, है ना, यस ठीक है ठीक है। चलो चलो रेस्पिरेशन पे बात करेंगे, आ जाओ बिल्कुल बने रहना, एक रफ कॉपी मेरे सामने रख लो ताकि चीजें आप लिखते चलो, एक रफ कॉपी मेरे सामने रख लो ताकि आप चीजें लिखते हुए चलो, यस एक रफ कॉपी मेरे सामने रख लो। चलिए भाई आ जाइए, सबसे पहले रेस्पिरेशन भी एक सेलुलर प्रोसेस है, यस है, ये ऑक्सीडेशन है, जबकि फोटोसिंथेसिस क्या थी, रिडक्शन थी, ये भी फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यस ये एंजाइमेटिक है, यस ये क्या सारे सेल में होता है, यस। एनसीईआरटी क्या बोलती है पहले सुन लो, एनसीईआरटी कहती है कि सारे सेल को एनर्जी चाहिए, एनर्जी का सोर्स मान लो ATP है, ATP आता है रेस्पिरेशन से, और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यस और नो, ऑक्सीजन चाहिए, यस 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 यस। एनसीईआरटी कह रही है कि साइनोबैक्टीरिया और हमारे पास प्लांट ऐसे हैं जो खुद का खाना बनाते हैं, जो खुद का ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, तो ये कौन से सेल हो गए, ये ऑटोट्रॉफिक सेल हो गए, यस और नो, आ रहे बेटा चैप्टर भी आ रहे हैं। और जब मैं किसी प्लांट को देखता हूं, किसी प्लांट को देखता हूं तो लीफ सेल क्या है, ऑटोट्रॉफिक सेल है, और रूट सेल हेटरोट्रॉफिक सेल है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या प्लांट्स में कोई सेल हेटरोट्रॉफिक होते हैं, हां होते हैं, बहुत सारे सेल प्लांट्स में हेटरोट्रॉफिक होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या प्लांट के अंदर हेटरोट्रॉफिक सेल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ऑटोट्रॉफिक सेल भी होते हैं, पर ज्यादा काम होता है खाना बनाने का, इसलिए ओवरऑल प्लांट ऑटोट्रॉफिक है। यहां तक समझ में आ रहा है, ओवरऑल क्या है बेटा, ऑटोट्रॉफिक है, यस 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 ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ अब हम क्या करेंगे बेटा, तीन टॉपिक पढ़ेंगे फटाफट से, एक पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, दूसरा हम पढ़ेंगे RQ क्या है, और तीसरा हम पढ़ेंगे वाई प्लांट मतलब ब्रीद और नॉट। तीन टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बन का वो कंपाउंड होता है जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन में यूज हो सकता है, यस और नो, यस सर। तो जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन में यूज हो सकता है उसको अपने क्या बोलते हैं बेटा, उसको अपने बात करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह देते हैं, उसको अपने क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोल देते हैं। जो क्या होगा बेटा, जो यूज होगा किसमें यूज होगा बताओ जल्दी से, जो यूज होगा किसमें, रेस्पिरेशन में, वो उसमें कार्बन की चेन होती है इसलिए वो ऑर्गेनिक होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन स्केलेटन होता है। कौन से ऐसे केमिकल है जिनसे एनर्जी बना सकते हैं, रेस्पिरेशन हो सकती है, पहला कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड। किनसे एनर्जी नहीं बनेगी,
विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो केमिकल कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका रेस्पिरेशन हो सकता है। यहां से क्वेश्चन आएगा कि कौन सा है जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। यस और नो, मैं तेरे से एक बात पूछता हूं, Mg+2 क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है? यस और नो बता, जल्दी से बता बेटा, Mg+2। हाँ भाई, अपने टिल्लू पिल्लू जैसे दोस्तों को भी बुला लो। यस, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक नहीं है, हॉर्मोन्स भी आएंगे जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं। आ जाओ ना, व्हाट इज RQ? ये इसी से रिलेट होना चाहिए वैसे तो, पर लास्ट में दे रखा। RQ को कहते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। यस और नो? रेस्पिरेटरी कोशेंट। इसमें वॉल्यूम ऑफ CO2 ऊपर है, ऑक्सीजन नीचे है। शुगर जो है, शुगर में खुद ज्यादा ऑक्सीजन होती है इसलिए इसका RQ आता है 1। प्रोटीन का आता है 0.9। फैट और ट्राई पालमिटिन का आता है 0.7। ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 आता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना RQ क्या बताता है। RQ बताता है टाइप ऑफ सबस्ट्रेट कौन सा है। यस और नो? यस। और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बताता है। यहां से क्वेश्चन कैसा आ सकता है मैं बताता हूं। RQ से क्वेश्चन आएगा कि एक कंपाउंड एक्स है या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है जिसके लिए हमें, मान लो जिसके लिए कुछ ऐसा कह दे वो, जिसके लिए मुझे 70 ऑक्सीजन, मुझे वो कुछ ऐसे बोल दे कि हमारे पास, मान लो कुछ ऐसा कह दे कि मान लो मेरे पास कुछ हमारे पास 130 CO2 बन रही है और कुछ 180 के आसपास ऑक्सीजन चाहिए, ऐसा कुछ करके, जिसकी वैल्यू आपकी 0.7 निकल रही हो या 0.9 निकल रही हो, तो आपको वो कंपाउंड पहचानने को बोल देगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है RQ का। यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यस सर, यहां तक क्लियर है। तो RQ क्या होता है बेटा? RQ होता है रेस्पिरेटरी कोशेंट। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सबस्ट्रेट पे और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पे। क्लियर है? वैल्यूज याद कर लो। ट्राई पालमिटिन आ चुका है। ट्राई पालमिटिन क्या? एक प्रकार का फैटी एसिड है। इसके अलावा तुम्हारे सिलेबस में फैटी एसिड कौन से हैं? पालमिटिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड, यस, गिंगली ऑयल भी है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ बता भाई, बायोमोलिक्यूल में तीसरे पेज पे ये सर लिखा हुआ है। ठीक है, यस यस, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं, डू प्लांट ब्रीद? प्लांट ब्रीद करते हैं, उसमें पहला सवाल, क्या प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए? यस। स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? नहीं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आप प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए चाहिए। तो एनसीईआरटी ने यहां 3 पॉइंट पे डिस्कशन किया। पहला, प्लांट को कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू एनिमल, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है। दूसरा, प्लांट का इंटरनल पार्ट, आपने पढ़ा है हार्ट वुड डेड होती है, डेड स्ट्रक्चर है हार्ट वुड, तो रूट और स्टेम को उतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए और इनर पार्ट डेड भी है। तीसरा, लीफ को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और वो वैसे भी क्या होती है? फ्लैट होती है, डिफ्यूजन हो जाता है, उसमें स्टोमेटा होता है। तो ऑक्सीजन गैस के लिए क्या है? स्टोमेटा और लेंटिसेल है। इनर पार्ट डेड होता है और लेस रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है, इसी वजह से डिफ्यूजन से काम चल जाता है। मतलब क्या हुआ? प्लांट में लिविंग पार्ट बाहर है, अंदर का पार्ट डेड है, कम ऑक्सीजन चाहिए। उसके अलावा लेंटिसेल स्टोमेटा से काम चल जाएगा। इसके अलावा बेटा, प्लांट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है क्योंकि वो चलता नहीं है, उसमें न्यूरॉन्स नहीं है, ये सारी चीजें। क्लियर है? यस 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 यस। एक लिख रहा है, सर टाइम पास कर रहे हो, गदाराम तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें पता नहीं है कि ये पढ़ना जरूरी है। आ जाओ बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। पहले पूरी बातें सुन लो ध्यान से, हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले जो चीजें बताऊंगा ध्यान से पढ़ते हुए चलियो। सबसे पहले मुझे पढ़नी है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो सारे तरह के सेल में होता है, सारे बैक्टीरिया में होता है, सारे यूकैरियोट में होता है। तो हमें क्या पढ़ना है? इसकी लोकेशन पढ़नी है, इसके साइंटिस्ट पढ़ने हैं, इसके स्टेप्स पढ़ने हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप इतना पढ़ाकू हो तो बताना जरूर से, एंजाइम्स क्या मुझे सारे याद करने हैं? मेरे हिसाब से कुछ याद कर लो, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से वो पता होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे लिंक रिएक्शन की, क्रैब्स साइकिल की। तो ग्लाइकोलिसिस कहां हो रहा है? सबसे पहले लोकेशन याद करो, साइटोप्लाज्म कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म। उसके अलावा लिंक रिएक्शन क्रैब्स साइकिल कहां हो रहा है? स्ट्रोमा में हो रहा है। ETS कहां हो रही है? इनर मेम्ब्रेन पे। तो कुछ क्वेश्चन तो लोकेशन को लेकर आते हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने बोला है कि जो रेस्पिरेशन होती है
रेस्पिरेशन दो जगह होती है, एक होती है साइटोप्लाज्म में जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जो कि लिंक रिएक्शन वगैरह है। दूसरी बात, हमारे पास लैक्टिक एसिड और इथेनॉल ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, याद रहेगा। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए नीट में कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है, मैं नाम लिख देता हूं, लिंक रिएक्शन, ईटीएस, क्रैब साइकिल, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन और इथेनॉल फॉर्मेशन, ग्लाइकोलिसिस, इनमें से कितने ऐसे हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, बताओ जल्दी से, कितने ऐसे हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं? क्लियर, जल्दी बता बेटा, कितने ऐसे हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, जल्दी बता, जल्दी बता, कितने ऐसे हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, जल्दी बता, जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी। तीन, कौन कौन से? ग्लाइकोलिसिस, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल। चल ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं और सबसे पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले मुझे बता, ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है उसका एक और नाम है एम्बेडन मेयर ऑफ परनास, ईएमपी पाथवे। ये जो स्कीम थी ये वर्कआउट करी थी तीन साइंटिस्ट ने, एम्बेडन मेयर ऑफ परनास। इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या है सर? साइटोप्लाज्म इसकी लोकेशन है। क्या ये प्रोकैरियोट्स में होता है? यस। यूकैरियोट्स में होता है? यस। ये वायरस में नहीं होता, ध्यान रखेंगे। इसमें कितने स्टेप हैं? टोटल 10 स्टेप हैं और 10 ही एंजाइम हैं। उसमें से इररिवर्सिबल स्टेप पहला, तीसरा, दसवां है। एटीपी पहले और तीसरे स्टेप में एटीपी रिक्वायर है, यस और नो? एटीपी रिक्वायर है, क्लियर है। अब आप, मैं जो बात बोलूंगा उसको सुनना ध्यान से। आपके पास ये लीफ है, लीफ ने खाना बना के रूट सेल में ग्लूकोज भेजा है, तो वहां से उसने भेजा है सुक्रोज, सुक्रोज को नीचे भेजा है रूट सेल में। सुक्रोज जो है वो कितने कार्बन का है? 12 कार्बन का। वो टूट जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, किसके थ्रू? इन्वर्टेज के थ्रू, इन्वर्टेज के थ्रू। ये दोनों एंटर करते हैं किसमें? ये दोनों एंटर करते हैं किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। यहां तक कोई डाउट है? ये दोनों एंटर करते हैं किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। तो क्या आप याद कर पाएंगे? याद करो बेटा, सबसे पहले लीफ खाना बनाती है ग्लूकोज की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट करती है सुक्रोज की फॉर्म में, सुक्रोज आ जाता है रूट सेल में, इन्वर्टेज उसको तोड़ देता है किसमें? ग्लूकोज फ्रक्टोज में। ये दोनों एंटर कर सकते हैं ग्लाइकोलिसिस में। फर्क क्या होता है? सिर्फ ये फर्क होता है कि जब ग्लूकोज एंटर करेगा तो 10 एंजाइम चाहिए, फ्रक्टोज एंटर करेगा तो 9 एंजाइम चाहिए। एटीपी का कोई डिफरेंस नहीं है, गलत फहमी मत पालना, एटीपी का डिफरेंस नहीं है, खाली नंबर ऑफ एंजाइम का फर्क है। चलिए आ जाते हैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स देखते हैं, जल्दी आ जाओ, आओ भाई। सबसे पहले, सबसे पहला स्टेप है ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। हमने क्या किया, इस पर फॉस्फेट जोड़ा है, कहां से लाए? एटीपी। तो एटीपी ने अपना फॉस्फेट दे दिया, एडीपी बन गया, यस और नो? यहां पर मेरे पास वो एंजाइम है जिसका नाम हेक्सोकाइनेज है। हेक्सोकाइनेज की वजह से फ्रक्टोज जो है वो डायरेक्टली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना सकता है, इसका मतलब ये वाला एंजाइम नहीं होगा। अब देख बच्चे, अब हमने क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन का बना दिया। इसका इस स्टेप को कहते हैं आइसोमेराइजेशन। फिर दोबारा से मैंने यहां पर फिर से काइनेज लगाया और यहां पर एटीपी खर्च करी और क्या बनाया? एडीपी। तो ये जो तीन स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, ये तीनों स्टेप में से दो स्टेप में, पहले और तीसरे स्टेप में एक एक एटीपी खर्च हो गया, यस yes। इसे हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। यहां एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, हां सर। अब क्या आ गया बेटा, अब 6 कार्बन की शुगर है तेरे पास, फ्रक्टोज 16 बिस्फॉस्फेट। चौथे स्टेप में स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग का मतलब ये टूट रहा है, ये टूट के बना रहा है डाइहेप और पीजीएल बना रहा है। क्या बना रहा है ये बना रहा है बेटा, डाइहेप बना रहा है और साथ में क्या बना रहा है ये साथ में बना रहा है पीजीएल। डाइहेप कौन सी शुगर है सर? कीटोज है, तीन कार्बन की कीटोज है, ये तीन कार्बन की एल्डोज है और ये आपस में भी पांचवें स्टेप में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब यहां से जो भी रिएक्शन चलेगा डबल चलेगा, क्योंकि डाइहेप इसमें कन्वर्ट हो गया। अभी कितने स्टेप हुए, पहले में एटीपी खर्च होगी, तीसरे में एटीपी खर्च होगी और फिर वो टूट गया तीन कार्बन की कीटोज में और एल्डोज में। अब मैं क्या करूंगा, पहला ऑक्सीडेशन स्टेप करने जा रहा हूं, 6 स्टेप जो है, ये जो 6 स्टेप है यहां पर
NAD+ से मैंने NADH बनाया, देख इधर बेटा, NAD+ से NADH बनाया, ये रिडक्शन है, इससे ये बनाना रिडक्शन है। इसका मतलब इस वाली एरो में, ये वाली जो एरो है इसमें PGL की ऑक्सीडेशन हो रही है इसमें। अब मेरी बात समझोगे आप ध्यान से, PGL में एक फॉस्फेट है, यहां एक है, यहां दो आ गया, तो इसका मतलब मैंने एडिशनल एक फॉस्फेट जोड़ा है। अब आ गया 13 BPG में जो ये फॉस्फेट जोड़ा था वो मैंने किसको दे दिया, एटीपी को दे दिया, क्या बन गया, एडीपी को दे दिया, एटीपी बन गया। यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रही है। सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, कितने एटीपी लग गए, दो, एक ही एंजाइम याद कर, हेक्सोकाइनेस, बस। उसके बाद स्प्लिटिंग हो गई, कौन सा स्टेप था, चौथा, पांचवें स्टेप में ये आपस में कन्वर्ट हो गए, छठे स्टेप में ऑक्सीडेशन करी है, फॉस्फेट लगाया, सातवें स्टेप में मैंने क्या बना दिया, एटीपी बना दिया। अब क्या रह गया, पहले वाले का फॉस्फेट हट गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तीन से दूसरी पोजीशन पे ले गए फॉस्फेट को, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब हमने क्या कर दिया, यहां पर पानी निकाल दिया, 9th स्टेप में पानी निकल गया, 10th स्टेप में पीपी से पाइरुवेट बना है, तो एडीपी से क्या बना है, एटीपी बना है, यस, क्योंकि यहां से ये डबल चल रहा है, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हुआ था, तो एटीपी कितने बनेंगे, दो, ये भी कितना बनेगा, दो, और NADH कितने बनेंगे, दो। इसका मतलब अगर मैं ये दो एटीपी माइनस कर दूं इस चार में से, दो यहां, डबल क्यों बेटा, क्योंकि दो पीजीएल है, ये डबल क्यों है, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो मेरे पास दो एटीपी है, चार, दो यहां से, एक यहां से, एक यहां से माइनस कर दिया, दो एटीपी आ गए नेट। उसके अलावा NADH कितने बने हैं, दो, क्योंकि डबल चला है। तो आपको ये स्टेप करने हैं, एटीपी कौन से स्टेप में यूज होता है, फर्स्ट और थर्ड में, ये क्वेश्चन करने, एंजाइम इन फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप, ये दो एंजाइम याद करने नीट के लिए, ये दो एंजाइम इंपॉर्टेंट है बेटा, हेक्सोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज, दसवें स्टेप का एंजाइम भी याद करना है, हेक्सोकाइनेज पहला एंजाइम है, पाइरुवेट काइनेज लास्ट एंजाइम है, ये वाला यहां पर 10th स्टेप में, यहां पर NADH forming step, कौन से स्टेप में NADH बन रहा है, 6th स्टेप में, ATP कौन से स्टेप में बन रहा है, 7th और 10th में, टाइप ऑफ ATP डायरेक्ट ATP, SLP कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, नंबर ऑफ ATP ग्लाइकोलिसिस में पूछे दो, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में पूछे दो, जैसे ही वो एरोबिक में बोले तो दो एटीपी एसएलपी की बन रही है और 6 एटीपी किससे आएगी बेटा, 2 NADH से आएगी, जैसे ही एरोबिक ग्लाइकोलिसिस लिखे तो ये जो NADH है इसकी एटीपी भी लिखेंगे, तब टोटल मेरे पास 8 हो जाए, 8 कैसे, 2 ये 6 ये, 2 NADH से बन रही है। रोल ऑफ इन्वर्टेज क्या करेगा, सुक्रोज को तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, यहां तक कोई डाउट है जल्दी बता दो, क्या ये पॉइंट याद है तुम्हें, अगर ये पॉइंट याद है तो ग्लाइकोलिसिस का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको बोर्ड पे लिखी हुई ये दो बातें याद हैं, ये और ये, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, रिवाइज कर लो जल्दी से, जल्दी जल्दी बेटा, ठीक है, क्लियर है, जल्दी जल्दी, फास्ट बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी फास्ट, जल्दी याद कर लो, यस यस, आगे आ जाओ, आ गया बेटा, आ गया। अब आ जाते हैं फेट ऑफ पाइरुवेट की बात करते हैं, ठीक है, पाइरुवेट कहां बना है, ये देख, पाइरुवेट कहां बना है, ग्लाइकोलिसिस में, कितने पाइरुवेट बने हैं, ग्लूकोज से दो बने हैं। अब इस पाइरुवेट का क्या करेंगे, इसको कहते हैं फेट ऑफ पाइरुवेट, दो तरह के फेट हैं, एक है एरोबिक, एरोबिक में क्या करेंगे, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाते हैं, पाइरुवेट को हम किसमें ले जाते हैं बेटा, पाइरुवेट को हम ले जाते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, यहां पर ये कौन सा फेट है, एरोबिक फेट, एरोबिक फेट में पाइरुवेट कहां चला जाता है, पाइरुवेट चला जाता है किसमें बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट चला जाता है, ये एरोबिक फेट है। अब दूसरा देख बेटा, दूसरा इधर देख ध्यान से, ये जो पाइरुवेट है ये साइटोप्लाज्म से कहां चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसे कहते हैं एरोबिक फेट। दूसरा फेट क्या होगा, एनएरोबिक फेट जिसे कहते हैं, उसमें क्या करेंगे ये समझ ध्यान से बेटा, एनएरोबिक फेट में हमारे पास पाइरुवेट से हम बनाते हैं लैक्टिक एसिड, कैसे, पहले सुन ध्यान से क्यों बनाते हैं, पाइरुवेट का स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, ये देख CH3 या कीटोन है, ये एसिड है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये है,
या OH आ जाता है। सर फॉर्मूला हमें याद करना है नहीं, तुझे सिर्फ यह समझना है कि पाइरुविक एसिड की रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन कैसे कर रहे हैं? NADH ने अपनी हाइड्रोजन देकर NAD+ बनाया। एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस और यह मुझे मसल में मिलता है और कुछ बैक्टीरिया में मिलता है। समझ ले ध्यान से, हम आपको यह समझा रहे हैं बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से। ग्लूकोज से पूरी बात समझियो, ग्लूकोज से पाइरुवेट साइटोप्लाज्म में बना ये NADH, इसमें जाकर ETS में यूज होता है। कहां यूज होता है NADH? ETS में, और वापसी कन्वर्ट होता है NAD में, और यहां पर मुझे दो ATP मिल रही है। होता क्या है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये NADH कन्वर्ट नहीं हो पाता NAD+ में। तो मसल सेल में, ध्यान से सुनिए बेटा, मसल सेल में क्या होता है? मसल सेल में साइटोप्लाज्मिक एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, वो क्या करता है पाइरुवेट को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, ताकि NADH कन्वर्ट हो जाए किसमें? NAD+ में, और वो यूज हो सके किसमें? ग्लाइकोलिसिस में, ताकि दो ATP बनते रहे। अगर आपसे कोई पूछे कि मसल सेल में लैक्टिक एसिड क्यों बनता है, आपने ये समझना है कि पाइरुवेट जाता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर पाइरुवेट क्या बनाता है बेटा? ATP बनाता है, ठीक है, ETS के थ्रू, मतलब क्रैब साइकिल लिंक रिएक्शन करता है। लेकिन आपने ये समझना है जो NADH बना वो ETS में जाकर ATP बनाता है। पॉइंट ये है यहां पर कि अगर NADH NAD+ में वापसी कन्वर्ट नहीं हुआ तो हमें क्या नहीं मिलेगी? दो ATP ग्लाइकोलिसिस की नहीं मिलेगी, हमें जो दो ATP ग्लाइकोलिसिस की नहीं मिलेगी, ये वाली दो ATP। तो फिर नेचर ने क्या किया? नेचर ने बोला कि साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो NADH को खर्च करके NAD+ बना देता है, ताकि ये ग्लाइकोलिसिस में जाकर दो ATP बना सके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लैक्टिक एसिड बनता कहां है, तो आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे बताओ बेटा? लैक्टिक एसिड की लोकेशन, जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल की लोकेशन क्या है या लैक्टिक एसिड की लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म है। एंजाइम का नाम क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और लैक्टिक एसिड किससे बनता है? यहां रिडक्शन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है? पाइरुवेट की लैक्टिक एसिड में। आप देख पा रहे हो कि टोन इसमें कन्वर्ट हो गया। यस यस, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछे कि लैक्टिक एसिड में कितने एटीपी बनते हैं, यही वाले दो एटीपी है। क्या कोई CO2 रिलीज होती है? नहीं, कोई CO2 रिलीज होती है। जैसे लैक्टिक एसिड की लोकेशन कोई पूछ रहा है तो क्या लिखेगा बता बेटा? लैक्टिक एसिड की लोकेशन साइटोप्लाज्म, ये क्वेश्चन आएगा। एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक एसिड में कोई CO2 बनता है क्या? कोई CO2 बनता है? नो, कोई CO2 नहीं बनता। NADH का क्या रोल है बता जल्दी से? What is the role of NADH? NADH क्या होगा बेटा? Use होगा, use in this process. NADH इस process में use होगा, और वो क्या करेगा? वो reduce कर देगा किसको? Pyruvic acid को। Pyruvic acid को reduce करके lactic acid बना देगा। Yes, NCERT लिखती है less than 7% energy। कितने percent energy? Less than 7% energy बनती है। अब बात करते हैं इथेनॉल कैसे बनता है। इधर देख, सेम पाइरुवेट अगर एक CO2 लॉस कर दे, ठीक है, एक CO2 लॉस कर दे तो कितनी कार्बन लगेगी? दो कार्बन। अब इधर देख बेटा, इधर देख ध्यान से, अगर मैं इसको हटा दूं, एल्डिहाइड दिख रहा है तेरे को? यस और नो बता। अगर मैं CH को हटा दूं CO2 की फॉर्म में, तो क्या तुझे यहां से एल्डिहाइड दिख रहा है? यहां से दिख रहा है CH3CHO आ गया, एसिड एल्डिहाइड। अगर मैं एल्डिहाइड की रिडक्शन करूं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा चाहिए? NADH चाहिए। क्या बन जाएगा? NAD+ बन जाएगा। तो क्या आ गया? इथेनॉल। कितने कार्बन? दो कार्बन, सही है। एक एंजाइम यहां चाहिए, एक एंजाइम यहां चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, पाइरुविक एसिड से डी कार्बोक्सिलेशन करके CO2 निकला, एल्डिहाइड आया। एल्डिहाइड की रिडक्शन से इथेनॉल बनेगा। रिड्यूसिंग एजेंट यहां NADH, यहां पाइरुवेट को रिड्यूस कर रहा था NADH, यहां एसिटाल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा है NADH। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप NADH को रिड्यूस करके NAD+ बनाओगे तभी तो ग्लाइकोलिसिस चलती रहेगी। ग्लाइकोलिसिस चलाए रखने के लिए NAD+ चाहिए। NAD+ बनता कहां है? ETS में। यस, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इथेनॉल की लोकेशन क्या है, यह भी साइटोप्लाज्म में। अब इसके दो एंजाइम है, पहला एंजाइम एल्डिहाइड बनाने वाला पाइरुवेट का डी कार्बोक्सिलेज करता है। यस यस, दूसरा एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। कितने बच्चों को याद है यहां पर ये सेकंड एंजाइम आएगा इथेनॉल बनाने वाला?
अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर बताओ जरा चैट में, कितने लोगों को याद है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर बताओ बेटा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर बताओ जल्दी से, जल्दी बेटा फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर बताओ एमजी प्लस टू, यस जिंक, जिंक आएगा, जिंक आएगा बेटा, यस। CO2 प्रोड्यूस होगी, यस। NADH का रोल क्या है बेटा, रिड्यूस करेगा किसको, एसिटाइल डिहाइड को, किसमें, किसमें, इथेनॉल में। तो आपको एक बेसिक अपने दिमाग में बिठाना है कि पाइरुवेट को हम इथेनॉल बना सकते हैं, लैक्टिक एसिड बना सकते हैं, अलग अलग सेल में प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है, ईस्ट में हम इथेनॉल बना सकते हैं। ईस्ट को आपको समझना पड़ेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो इथेनॉल बनाने लगता है, और वो कैसे करता है, वो क्या करेगा, पहले बनाएगा एल्डिहाइड और फिर बनाएगा ये, एल्डिहाइड से इथेनॉल बनाने वाला प्रोसेस रिडक्शन है, उसके लिए एनएडीएच खर्च होता है। पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड वाला रिडक्शन है, उसमें एनएडीएच खर्च होता है। एनएडीएच क्यों खर्च कर रहे हैं, ताकि ग्लाइकोलिसिस चलाए रख सके। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बता दो बेटा, यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताओ। अब हम जा रहे हैं एरोबिक फेट पे, पूरा समझाऊंगा, ध्यान से सुनियो, धीरे धीरे पूरा समझाऊंगा, सारा समझ में आ जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। लॉजिक क्या है, क्यों लैक्टिक एसिड बना रहे हैं, ताकि एनएडी प्लस बना सके, क्यों एनएडी प्लस बनाना, एटीपी बने। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, लेस देन 13% ईस्ट जो है खुद को मार देता है जब लेस देन 13% इथेनॉल बन जाए, मतलब सॉरी इथेनॉल जो है 13% के आसपास बन जाता है, क्यों, स्टार विथ सेल्फ टू डाई, ज्यादा इथेनॉल वैसे भी मार देगा उसे, क्योंकि याद करो टिंचर ऑफ आयोडीन नीली दवा, उसमें अल्कोहल एज अ बेस, मतलब अल्कोहल को एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ। अब हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं एरोबिक फेट ऑफ पाइरुवेट, मेरी तरफ ध्यान से देखियो, हम पढ़ रहे हैं एरोबिक फेट ऑफ पाइरुवेट। पाइरुवेट का एरोबिक फेट तुम्हारे स्किन सेल में, तुम्हारे सारे सेल्स में हो सकता है, आरबीसी में नहीं होगा, बाकी तो सब में ही हो सकता है। ठीक है, आ जाओ। ग्लूकोज से हमने दो एटीपी और दो एनएडीएच बनाया था, इस एटीपी को डायरेक्ट एटीपी कहते हैं, एसएलपी कहते हैं, ये एनएडीएच यहां चला जाएगा अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, ये जो पाइरुवेट बना ये पाइरुवेट यहां आ गया, देख माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया, इसे हम एरोबिक फेट कह रहे हैं। मेरी तरफ ध्यान से देख, तेरे को समझ में आएगा, जो पाइरुवेट ग्लाइकोलिसिस में बना बेटा वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ जाएगा, उस पाइरुवेट में से एक CO2 निकाल देंगे और फिर उसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे, इसीलिए उस स्टेप को नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देख हम क्या कर रहे हैं, इस पाइरुवेट जो कि तीन कार्बन है उसमें से CO2 निकाल दिया और इसकी ऑक्सीडेशन करी है, तो NAD से क्या बन गया बेटा, NAD से NADH बन गया, यस और नो। तो हम इस स्टेप को नाम देते हैं क्या, इस स्टेप को क्या नाम देते हैं बेटा, इस स्टेप को नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एक मिनट दो, देखो इस स्टेप को नाम देते हैं, ध्यान दो, इस स्टेप को नाम देते हैं लिंक रिएक्शन। इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। हमने क्या किया बच्चे, ये पाइरुवेट है इसका CO2 निकाल दिया, दूसरा NADH बना लिया, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन भी कर दी, उसको हम देंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसके लिए मुझे जो एंजाइम चाहिए उसका नाम याद करना है, तो मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन में क्या होगा बता बच्चे, लिंक रिएक्शन में पाइरुवेट से बनेगा एसिटाइल कोए। पाइरुवेट कितने कार्बन था सर, तीन कार्बन, एसिटाइल कोए दो कार्बन, क्या निकल गया एक CO2, साथ में क्या बना NADH। एंजाइम का नाम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, यस और नो, CO2 बनेगी, यस, वन पर पाइरुवेट, अगर ग्लूकोज लिखोगे तो टू आ जाएगी, क्योंकि एक ग्लूकोज से दो पाइरुवेट बनता है, NADH वन पर पाइरुवेट। ये पर पाइरुवेट वाली बात ध्यान रखना, कोफैक्टर कौन कौन सा चाहिए, Mg प्लस टू चाहिए, NAD प्लस चाहिए, यस है ना, ये कुछ कोफैक्टर चाहिए, क्लियर है यहां तक। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पाइरुवेट आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी हो रही है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसे लिंक रिएक्शन कह रहे हैं।
लिंक रिएक्शन में एक CO2 लॉस होती है। एंजाइम का नाम है पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि NADH इन्वॉल्व है, CO2 निकला है और ऑक्सीडेशन हुई है। पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ध्यान से देखो बेटा, ये एसिटाइल कोए किसमें एंटर कर रहा है, क्रैब साइकिल में। एसिटाइल कोए में कितनी कार्बन है बता? सर दो कार्बन है, वो किसमें एंटर कर गया, इस क्रैब साइकिल में, और दोनों कार्बन की CO2 लॉस हो गई और इससे क्या बन गया, यहां पर NADH बन गया। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पाइरूवेट में तीन कार्बन थी, एक कार्बन कहां लॉस हुई है, सर लिंक रिएक्शन में लॉस हुई है। कहां लॉस हुई है, लिंक रिएक्शन में। दूसरी कार्बन, दो कार्बन कहां लॉस हुई है, क्रैब साइकिल में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पाइरूवेट कहां कहां डीकार्बोक्सिलेट होता है, एक लिंक रिएक्शन में, एक क्रैब साइकिल में, तीनों की तीनों कार्बन तीन CO2 बना देती है, दो ये रही एक ये रही। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज से पूरी तरीके से 6 CO2 कहां बनेगी, ETS, क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस, बताओ पूरी तरीके से 6 CO2 कहां कंप्लीट हो जाएगा, ETS, क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी। क्रैब साइकिल में, क्रैब साइकिल में पूरी तरीके से, ध्यान से सुन बेटा, क्रैब साइकिल में पूरी तरीके से वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यस 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 यस, पूरी तरीके से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रैब साइकिल में, CO2 में। आओ क्रैब साइकिल याद करेंगे, यस, क्रैब साइकिल में कौन एंटर करता है, सबसे पहले क्रैब साइकिल में कौन एंटर करता है, एसिटाइल कोए, यस। क्रैब साइकिल कैसे याद करनी है, कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरन माफिया ऑपरेशन। लिंक रिएक्शन के एंजाइम का नाम पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज, लोकेशन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्या यूज कर रहा है, पाइरूवेट, बना क्या रहा है, एसिटाइल कोए, यस यस। अब क्या होगा, याद क्या करना है, कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरन माफिया ऑपरेशन, ये स्टेप्स है। यहां कैन का क्या मतलब है बेटा, कैन का क्या मतलब है, सर सिट्रेट है। इंटेलिजेंट का मतलब आइसोसिट्रेट, ऑक्सेलोसक्सिनेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, और यहां पर क्या आएगा, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा, यस और नो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, यस। तो ये लिख दिया हमने। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिट्रिक एसिड कैसे बनता है। यहां पर एक एंजाइम चाहिए बेटा, सिट्रेट सिंथेस। ध्यान से देखियो बच्चे, बच्चे ये चार कार्बन का है, ये कितना, छह कार्बन का, यहां एंटर किया है एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए यहां एंटर किया, तो ये क्या आ गया, यहां पर को एंजाइम ए बाहर आ गया। मुझे कितने बच्चों को याद है कि एसिटाइल कोए को ओए से कंडेंस करने के लिए पानी भी चाहिए, तो पानी एसिटाइल कोए ओए, ओए चार कार्बन, ये दो कार्बन, समझ में आ रहा है, और पानी मिलके क्या बनाएंगे, सिट्रिक एसिड। ये पहला स्टेप है किसका, सिट्रिक एसिड साइकिल का, जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रेट जो बना है उसमें तीन COH ग्रुप होते हैं, इसका मैंने ये आइसोमर बना दिया, आइसोसिट्रेट बना दिया। इस वाले स्टेप में मैंने ऑक्सीडेशन करके NADH बना दिया, मैंने क्या कर दी है, इसकी ऑक्सीडेशन, किसकी, आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन करके ऑक्सेलोसक्सिनेट बना दिया, और इस वाले स्टेप में CO2 निकाल दिया। तो इस वाले स्टेप को कंबाइन थर्ड काउंट करते हैं, इसको और इसको मिला के थर्ड काउंट करते हैं। आइसोसिट्रेट से ऑक्सेलोसक्सिनेट क्या निकल गया, NADH, फिर ऑक्सेलोसक्सिनेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट क्या निकल गया, CO2। क्या NADH बनना और CO2 निकलना, इसको अपने नाम दे सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्या नाम दे सकते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का नाम दे सकते हैं, यस और नो, हां सर दे सकते हैं। अब आ जाओ जरा, इस वाले स्टेप में CO2 निकल गया, NADH बन गया, कौन सा स्टेप है, सर फोर्थ स्टेप है, यस, और यहां पर मैंने कोएंजाइम ए जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया, क्लियर है। तो इस वाले स्टेप को भी क्या हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे, CO2 निकल गया, NADH निकल गया। एसिटाइल कोए में दो कार्बन आई थी, दोनों कार्बन
एक यहां और एक यहां, ये दोनों कार्बन हमारे पास निकल गई CO2 की फॉर्म में। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? यस, ये दोनों कार्बन CO2 की फॉर्म में निकल गई हैं। यस, दोनों निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई। इसको भी हमने कहा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। थर्ड और फोर्थ स्टेप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बनाते वक्त जीटीपी बनता है जो कन्वर्ट होता है एटीपी में। एक ही बात है, सक्सिनेट कितने कार्बन है? चार कार्बन। सक्सिनाइल कोए चार कार्बन। एनसीईआरटी लिखती है सक्सिनाइल कोए से यहां तक रीजनरेशन चलेगा। सक्सिनेट से फ्यूमरेट में एफएडीएच2 बनेगा। कौन सा स्टेप है? देख बेटा, एफएडीएच2 बनेगा। कौन सा स्टेप है? सर ये फिफ्थ है। ये कौन सा है? सर सिक्स्थ है। FADH2 बन गया। यहां पर हमने क्या किया है बेटा? यहां पर हमने फ्यूमरेट से मैलेट बनाया। यहां पर हमने क्या किया है? पानी निकाल दिया। यस, या पानी ऐड किया। एक्चुअल में हमने क्या किया होगा? पानी ऐड किया होगा। हां, कर सकते हैं, पानी ऐड कर दिया। मैलेट से OA बनाने में हमने NADH बनाया। यस और नो? ये कौन सा स्टेप है? सर सेवंथ है। ये कौन सा? एट्थ है। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? अब जरा क्वेश्चन करो, जो ये वाली टेबल है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने स्टेप हैं? सर टोटल आठ स्टेप है। एंजाइम पहले स्टेप का इंपॉर्टेंट है? हां, सिट्रेट सिंथेस पहले स्टेप का एंजाइम इंपॉर्टेंट है। यस। नंबर ऑफ CO2 रिलीज दो। कौन कौन से स्टेप में? कौन कौन से स्टेप में? थर्ड और फोर्थ में। नंबर ऑफ NADH तीन। मेरी बात सुन ध्यान से, दो CO2 तीन NADH बनी है। इसका मतलब दो CO2 कब रिलीज हुई है? जब NADH बना है। तो दो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होंगे। नंबर ऑफ FADH2 फॉर्म एक। कौन सा स्टेप है? सिक्स्थ। डायरेक्ट एटीपी इसे कहते हैं, ये इसे कहते हैं एसएलपी, वो बनी है एक। स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, देख ध्यान से देख, थर्ड और फोर्थ में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। थर्ड और फोर्थ स्टेप में टोटल कितना आ गया? दो। फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? तीन NADH, जो बनाएगा कितना? नौ ATP। एक FADH2 जो बनाता है दो ATP, और एक GTP जो एक ATP के बराबर है। डायरेक्ट ATP, SLP कहते हैं इसे। ये फाइनल प्रोडक्ट है। उसके अलावा मेरे पास दो CO2 बनते हैं। क्या आपको यह चीज याद हो रही है? क्या ये पॉइंट्स याद हो रहे हैं? सर कितने एंजाइम याद करने हैं? देख बेटा, हेक्सोकाइनेज याद करना है, पाइरुवेट काइनेज याद करना है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ये चार ये कर सकता है। यस। उसके अलावा इसमें से एक सिट्रेट सिंथेस, दूसरा सक्सिनेट से फ्यूमरेट वाला, ये तेरे पास उसमें भी तो है, बायो मॉलिक्यूल में। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज याद करना है। क्या याद करना है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज याद करना है। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। सर क्या हम सारे याद कर लें? बेटा सारे कर तो ले, पर वहां पे याद नहीं रहेगा। सबसे पहले हेक्सोकाइनेज, दूसरा पाइरुवेट काइनेज, तीसरा सिट्रेट सिंथेस, चौथा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज। यस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज क्यों याद करना है? क्योंकि ये उसमें दे रखा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। यस, याद आया? क्लियर है? यस सर, आ गया। जो अब आते हैं एटीपी बैलेंस शीट की बात करते हैं। सिंस ग्लूकोज इज, देख बच्चे, सिंस ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू क्रैब साइकिल, सिंस ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू क्रैब साइकिल, ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो गया है किसमें? क्रैब साइकिल में ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, पूरी तरीके से हो गया है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या बना था? प्रोडक्ट क्या बना था? सर पाइरुवेट बना था। ये देखता चल बेटे, सबसे लेवल फॉस्फोराइलेशन से डायरेक्ट एटीपी दो बने थे। एनएडीएच कितने बने थे? दो, जो मल्टीप्लाई किया तीन एटीपी से, टोटल कितने आ गए? सर छह एटीपी आ गए। तो ग्लाइकोलिसिस से बन गए मेरे पास आठ एटीपी, उसमें से दो एसएलपी है और छह क्या है? ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव मतलब ईटीएस में बनेंगे, इसे कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यस और नो? यस सर। लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन की बात कर रहे हैं।
लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है सर? एसिटाइल कोए बनेगा इसमें, है ना, प्लस CO2 बनता है। यस, SLP बनता है इसमें नहीं, इसमें NADH कितना बनता है? एक पर पाइरूवेट। तो टोटल कितने हो गए? दो NADH, क्योंकि दो पाइरूवेट थे तो टोटल 6 ATP आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है? एक पर पाइरूवेट लिख रहा हूं बेटा, मैं लिख रहा हूं एक पर पाइरूवेट। टोटल पाइरूवेट कितने थे ग्लाइकोलिसिस से? सर दो थे, इसलिए 6 ATP आ गए। क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल में क्या बनता है सर? CO2 बनते हैं। कितने CO2 बनते हैं सर? दो। यस, SLP बनता, हां एक ATP डायरेक्ट बनता है। NADH, तीन NADH बनते हैं, कितने हो गए सर? 9 ATP। एक FADH2 बनता है, कितने हो गए? 2 ATP। ये आ गए 11 ATP, और ये आ रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, ETS में बनते हैं, और प्लस वन। टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल हो गए 12 ATP। एक काम करो, यहां पे एक पर पाइरूवेट लिख दो, सही है, NADH। ये कितने के बराबर हो गया सर? ये 3 ATP के बराबर हो गया। इसी को दो से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पाइरूवेट दो है, तो 6 ATP अब लिख दो। ऐसे इस 12 को दो से मल्टीप्लाई कर दो, 24 ATP हो गया, ऐड कर दो। दो से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि दो एसिटाइल कोए थे। यस, तो टोटल कितने आ गए सर? 38 ATP आ गए, 8, 6 और ये। यस, नीट में क्वेश्चन आया था कि क्रैब साइकिल में एसएलपी के थ्रू कितने एटीपी बने थे? एक। कर पाओगे? कर पाओगे बेटा? जल्दी बताओ। यस, एक कह रहा है सर कोई ये बताएगा इनफ है, इससे ज्यादा कोई पढ़ा रहा है कंप्रेस करके? हैं, सिंह नहीं है तेरे पर, तू गधाई है। दिक्कत क्या है कि तुम्हें उसी में मजा आता है जो ऊपर ऊपर से कुछ कुछ लिख के चला जाता है, और ये बोलता है कि वाह बताओ बेटा मजा आया, अपनी एनसीईआरटी खोल और सब कुछ छोड़। इसमें से ये दिखा दियो कि कितने क्वेश्चन तेरे को इसके बाहर के मिल जाएंगे नीट का। PYQ लेके बैठ जा, अभी तुझे समझ ही नहीं आ रही है, तुम्हारा स्तर गिरता जा रहा है पढ़ाई का बेटा, मेहनत करो, मैं बोल रहा हूं बार बार। यस, हां मेहनत कर, इधर देख, 36 ATP से 36 ATP किसमें बनते हैं और 38 किसमें बनते हैं? हार्ट, लिवर, किडनी में 38 बनते हैं। वहां पर ये यूज होता है मैलेट, एस्पार्टेट, शटल, और ये क्या होता है? ये पर आएगा नहीं तेरे को कभी, मेरी बात सुन ले, पर मैं तेरे को बता देता हूं। हमारे पास क्या होता है बेटा, जो ग्लाइकोलिसिस में NADH बनता है उसको ले जाने का तरीका अलग अलग है। एक को कहते हैं हम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, और एक को कहते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल। होता यह है कि ग्लाइकोलिसिस में जो दो NADH है उसको ले जाने में खर्चा लगता है 2 ATP का, इस वाले शटल में। क्या नाम है? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। यहां नहीं लगता, इसीलिए 36 और 38 ATP आते हैं। यस यस, हां आगे आ जाओ, आगे आओ। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ठीक है। आप लोगों ने क्रैब साइकिल पढ़ ली, क्रैब साइकिल में क्या क्या बना था? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनियो, तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तू जो सांस लेता है वो ऑक्सीजन कहां जाती है? सर वो ऑक्सीजन जाती है ब्लड में, ब्लड से कहां जाती है? टिश्यू में, टिश्यू में कहां जाती है? सेल में। सर यहीं तक पढ़ा है, सेल के बाद वो ऑक्सीजन जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन पर, वहां वो ऑक्सीजन यूज होती है। यूज क्यों होती है? पानी बनाने के लिए। अगर मुझे ऑक्सीजन से पानी बनाना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन, H+ आयन और साथ में इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन आते कहां से हैं? जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं NADH और FADH2 से। तो आपने याद करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये इनर मेम्ब्रेन पर है उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या करते हैं? मूव करते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन्स को, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, उस ऊर्जा से। देख बेटा ध्यान से समझ, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या करते हैं, कहां से इलेक्ट्रॉन लेते हैं?
NADH से लेते हैं और FADH2 से। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हैं, खर्च नहीं करते, उस इलेक्ट्रॉन को फाइनली ऑक्सीजन को देकर पानी बनाते हैं। इस पानी को कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ये वही मेटाबॉलिक वाटर है जो कैंगरू रैट बनाता है। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में लिखा हुआ है कि मेटाबॉलिक वाटर से काम चला लेगा, तेरे अंदर भी बनता है मेटाबॉलिक, सबके अंदर बनता है। कौन सा ऐसा सेल है जहां मेटाबॉलिक वाटर नहीं बनेगा तेरे अंदर, बता गधा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा? कौन सा ऐसा सेल है? आरबीसी। हां हां, आई समझ? यस सर, ये वाला क्वेश्चन हमने किया नहीं बेटा। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वर्बली बोल सकता हूं जो मैं ऑन द स्पॉट बना सकता हूं, आप ध्यान से सुन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? ये मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और फाइनली किसको मिल रहा है? ऑक्सीजन को। उस एनर्जी से H+ यहां इकट्ठा करते हैं और जब ये H+ इसके थ्रू जाता है, जिसे कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं, जिसे ये एफनोटिक चैनल है और F1 हेड है, इसमें क्या होती है? कंफर्मेशनल चेंज, F1 में चेंज होता है, H+ वापसी जाता है तो ATP बनती है। तो सबसे पहले ETS का पर्पस क्या है, ETS करता क्या है? बेटा देख मेरी बात सुन, अगर तेरे को ये समझ में आ जाएगा तो अच्छा है। NADH से जब मैं NAD में कन्वर्ट करूंगा, हाइड्रोजन हटा रहा हूं, हां सर, ऑक्सीडेशन है, तो पर्पस क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन करता है ETS। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन क्या है बेटा? क्या लोकेशन है इसकी बता? इसकी लोकेशन क्या है जल्दी बता? इसकी लोकेशन है बेटा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ये इसकी लोकेशन है। फाइनल इलेक्ट्रॉन को कौन लेता है? सर ऑक्सीजन लेता है। यस, क्या बनाता है? पानी बनाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वाटर। यस, नंबर ऑफ ATP, एक NADH से 3 ATP बनते हैं, एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये ग्रुप में होते हैं, इन्हें हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NCERT देती है NADH डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, NADH डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, सही है। कॉम्प्लेक्स 3 को कहते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 जो है मेरे पास, उसको क्या नाम देंगे बेटा? बेटा कॉम्प्लेक्स 4 को क्या नाम देंगे जल्दी बता? कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। अभी बताता हूं ये नाम कैसे आते हैं। और कॉम्प्लेक्स 5 का नाम है F0F1। तो आपको ये समझना है कि चार कॉम्प्लेक्स लगे रहते हैं, पांचवा कॉम्प्लेक्स ये है जिससे H+ मूव करता है। इन चार कॉम्प्लेक्स के नाम बता दिए और इनका काम क्या है? ऑक्सीडाइज करना इसको और इसको ताकि ATP बन सके। अब जरा देखते हैं कॉम्प्लेक्स है क्या। अगर हम ध्यान से देखें कॉम्प्लेक्स 1 में FMN और FES, क्या क्या नाम है बेटा? FMN और FES नाम के दो इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कॉम्प्लेक्स 1 किससे इलेक्ट्रॉन लेता है? NADH से, यस और नो, और कन्वर्ट हो गया NAD+ में। इसका मतलब NADH को ऑक्सीडाइज कौन करता है? कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 2 किससे इलेक्ट्रॉन लेता है? FADH2 से, और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? FAD में। ये दोनों कॉम्प्लेक्स अपने इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कॉम्प्लेक्स अपने इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं? UBQ-non को। क्या नाम है इसका? UBQ-non। तो आपको यह समझना है बेटा, आपको यह समझना है कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 इससे इलेक्ट्रॉन लेता है FADH2 से, कॉम्प्लेक्स 1 इससे लेता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स 2 का नाम रखा है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, एंजाइम के नाम पे रख दिया है क्योंकि यही एंजाइम FADH2 बनाता है, और NADH डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं? इस कॉमन मॉलिक्यूल को जिसका नाम UBQ-non है। UBQ-non इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या रखा गया था? साइटोक्रोम BC1। यस, तो साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, FES, UBQ-non, ये सारे कॉम्प्लेक्स क्या अंदर फेंकते हैं? H+ को अंदर लाते हैं ऐसे। यस,
कॉम्प्लेक्स थ्री से जाता है साइटोक्रोम सी पर, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है. व्हाट इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर? जो मेम्ब्रेन में बाहर से अंदर की तरफ मूव कर सकता है. तो साइटोक्रोम सी पर, साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कॉम्प्लेक्स फोर पर. कॉम्प्लेक्स फोर में दो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए थ्री. बेटा कॉम्प्लेक्स फोर का क्या नाम लिखा था मैंने? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. अगर कॉम्प्लेक्स फोर इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, यस. इसलिए इसका नाम रखा गया है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, यस. और यहां से इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास जा रहे हैं? ऑक्सीजन के पास. साइटोक्रोम ए थ्री जो लास्ट में है, जिससे ऑक्सीजन पे जा रहा है, इस पे दो कॉपर होते हैं बेटा, दो कॉपर होते हैं. ये समझ में आ रहा है? दो कॉपर होते हैं. तो कॉम्प्लेक्स वन किससे इलेक्ट्रॉन लेता है? कॉम्प्लेक्स वन क्या है? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कॉम्प्लेक्स वन? सर NADH से. ये आंसर कर पाएगा तो तेरे को याद हो गया. कॉम्प्लेक्स टू FADH2 से. नाम याद करेगा? यस सर. यूबिकिनोन वन एंड टू दोनों से इलेक्ट्रॉन लेता है. मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर थ्री और फोर के बीच में, सर साइटोक्रोम सी, टू कॉपर सेंटर किसमें है? साइटोक्रोम ए थ्री में है, यस. फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन. एच प्लस की कंसेंट्रेशन यहां बढ़ती है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में से, क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. एक एटीपी के लिए एनसीईआरटी ने करेक्शन करके चार एच प्लस दे दिया. एच प्लस कहां से कहां मूव करता है? इंटर मेम्ब्रेन से कहां मूव करता है? इंटर मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में मूव करता है. इंटर मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में मूव करता है. जल्दी बता बेटा, इंटर मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में मूव करता है. जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट. इंटर मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में मूव करता है. यस 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 यस. क्लियर है क्या ये सारे पॉइंट्स? क्लियर? याद कर मेरे साथ. कॉम्प्लेक्स वन FMN FES, यस. कॉम्प्लेक्स टू यूबिकिनोन, कॉम्प्लेक्स थ्री, कॉम्प्लेक्स फोर, कॉम्प्लेक्स फाइव. चेक कर जल्दी जल्दी से, याद कर जल्दी जल्दी याद कर. कॉम्प्लेक्स वन का नाम NADH dehydrogenase, किससे इलेक्ट्रॉन लेता है? NADH से. कॉम्प्लेक्स टू का नाम succinate dehydrogenase, किससे इलेक्ट्रॉन लेता है? FADH2 से. दोनों किसको इलेक्ट्रॉन देते हैं? यूबिकिनोन को. साइटोक्रोम BC1 किसका नाम है? कॉम्प्लेक्स थ्री का. साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स फोर. A3 में क्या है? दो कॉपर सेंटर है. A3 किसको इलेक्ट्रॉन देता है? ऑक्सीजन को. याद कर जल्दी जल्दी से बेटा, फास्ट फास्ट. 2 hours 30 minutes हो गए बस. आधा घंटा दूसरा चैप्टर खत्म, तीसरा चैप्टर आधा घंटा 45 minutes, क्योंकि उसमें दो ही टॉपिक है, एक ग्रोथ पढ़ानी है और दूसरा आपको हॉर्मोन्स पढ़ाने. यस यस. फिर आज डोपा डोपा सॉल्व कितने नंबर आ जाएंगे? सर 32 से 40 नंबर आ जाएंगे. खत्म, फिनिश. यस ठीक है बेटा, कर सकते हैं. पटना सेंटर आ रहा हूं बेटा कुछ दिन में. इसके अलावा मैं जनकपुरी आ रहा हूं बेटा 10 तारीख को. जो बच्चे आसपास हैं वो आ सकते हैं, हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी पे. जनकपुरी आ रहा हूं 10 तारीख को, ठीक है? यस. चलिए आते हैं. ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं सारे? आ जाओ, अब आ जाओ जरा. लास्ट स्लाइड है इसकी, इस वाले चैप्टर की. रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है. देख मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं. और रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक है, मतलब रेस्पिरेशन के जो पाथवे है ना वो बायोसिंथेसिस और ब्रेकडाउन दोनों में यूज हो सकते हैं. बायोसिंथेसिस में भी यूज हो सकते हैं और ब्रेकडाउन में भी यूज हो सकते हैं. नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो कहां एंटर करता है? ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है. फैट टूटता है ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल जाता है PGL में. फैटी एसिड एनर्जी बनाने के लिए एसिटाइल कोए में जाता है. एसिटाइल कोए से आप फैट भी बना सकते हो वापसी. प्रोटीन तीन जगह जाती है, पाइरुवेट में, एसिटाइल कोए में और क्रैब साइकिल में. तो कार्बोहाइड्रेट कहां एंटर करता है? एंटर इनटू ग्लाइकोलिसिस. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज फ्रक्टोज और इनकी बात कर रहे हैं. फैट जो है बनाएगा ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल तीन कार्बन का होता है, वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है. और फैटी एसिड बनता है. फैटी एसिड का क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन. और वो एंटर करता है किसमें? सर वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में. यस
प्रोटीन तीन जगह एंटर करता है, पाइरुवेट, एसिटाइल कोए और क्रैब साइकिल, तीन जगह एंटर करता है। यस, तीन जगह एंटर करता है, ठीक है, क्लियर है? यस, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले ग्रोथ वाला पार्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। पीडीएफ कब मिलेगी? पीडीएफ अभी मिलेगी बेटा, क्लास के बाद। किसकी? स्टार्ट करें, एक गुड पानी पी ले बेटा। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। आग वग बना दो यार, थोड़ा मजा आ रहा होगा तुम्हें, है ना? क्लास छोड़ के निकल जा सकते हैं बच्चे आधे घंटे में, आप कर लो, आप खत्म कर लो, अच्छा रहेगा। कुछ बच्चों के टेस्ट भी होते हैं, पर आधा घंटा है, कर लो आधा आधा घंटा, 40 मिनट से आधा टाइम ही लगेगा, है ना? समझाता चला जाऊंगा फटाफट से। यस, ठीक है, इतना ही पानी बहुत है बेटा, ज्यादा पी लेंगे ना तो। असल में हमने जानबूझ के ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि नींद आता है, फिर पढ़ा नहीं पाते। आ जाओ, हाँ आओ बेटा, अभी पिक्चर बाकी है बेटा, थोड़ी सी हेल्थ इंप्रूव करें, हम वेट वेट कम हो जाए हमारा तो फिर और पढ़ाएंगे, दिन दिन भर पढ़ाई करेंगे। आ जाओ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इसमें से ये वाला टॉपिक सिलेबस में है नहीं, हट गया, तो दो ही टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और हॉर्मोन्स, इन दोनों पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, आ जाओ, आते हैं। सबसे पहले हम क्या टॉपिक ले लेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग टॉपिक ले रहे हैं ये ग्रोथ का। ग्रोथ क्या होती है, जो जो पॉइंट्स लिखे हैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्या क्या पॉइंट याद रखना है, पहले पेज पे ग्रोथ लिख रखा है, ग्रोथ होती है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में, और नंबर में या साइज में, है ना? इरिवर्सिबल इंक्रीज को ग्रोथ कहते हैं। जैसे उसने बोला हुआ है कि लकड़ी का टुकड़ा अगर फूल जाता है तो उसे ग्रोथ नहीं कहते। ग्रोथ में एनाबोलिज्म ज्यादा होता है कैटाबोलिज्म से, और इसको मेजर कर सकते हैं। ये तीन पॉइंट है ग्रोथ को लेके। दूसरी बात आपको याद रखनी है बेटा, प्लांट ग्रोथ ओपन होती है। ओपन मतलब वो थ्रू आउट लाइफ होती है। प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती है। क्या होती है? थ्रू आउट लाइफ चलती है बेटा प्लांट ग्रोथ। यस और नो? डिफरेंशिएशन भी ओपन होती है। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ओपन का मीनिंग क्या होता है, आप जरा अपने दिमाग में बिठाना। आपके पास जो तीन लेयर बनती है जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उन तीनों लेयर में से जो कोई लेयर का फेट फिक्स है ना कि कौन सा चीज किस लेयर से बनेगा। पर क्या प्लांट में ऐसा होता है? प्लांट में क्या होता है बेटा, प्लांट में अगर यहां पर है तो कुछ भी बन जाएगा, जो भी उससे बनना होगा। ये नहीं होता कि फिक्स हो जाता उसका फेट। यस, फेट फिक्स नहीं होता। इसलिए प्लांट की ग्रोथ ओपन है, प्लांट की डिफरेंशिएशन ओपन है। प्लांट में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। प्लांट का वो पार्ट बताते हैं जैसे लीफ जो है उसका साइज डिटर्मिनेट होता है। तो अगर मैं बोलूं कि प्लांट की ग्रोथ पूरी लाइफ भर चलती रहती है, उसे हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है, नए सेल्स ऐड होते हैं, नए सेल्स हमेशा ऐड होंगे तो कहेंगे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। प्लांट की डिफरेंशिएशन भी ओपन होती है, एनिमल में ओपन डिफरेंशिएशन नहीं होती। तुम्हारे बोन मैरो के जो सेल्स हैं वो हमेशा ब्लड सेल्स बनाएंगे, स्किन सेल नहीं बनाएंगे, लेकिन वहां पर डिफरेंशिएशन ओपन होती है। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। हमारे पास बेटा एक एपिकल मेरिस्टेम है, जो एनसीईआरटी अगर डायग्राम देखोगे ना तो उसमें ऐसे बना रखी है, ऐसे शूट एपिकल और रूट एपिकल। यस और नो? शूट एपिकल क्या कराती है? ग्रोथ कराती है लेंथ में। किसमें कराती है? ग्रोथ कराती है लेंथ में। यस, उसके अलावा इंटर कैलरी क्या करती है? इंटर नोड बढ़ाती है। क्या बढ़ाएगी? इंटर नोड इंक्रीज करेगी। उसके अलावा यहां पर लेटरल मेरिस्टेम होती है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करती है बेटा? लेटरल मेरिस्टेम गर्थ इंक्रीज करती है। क्या इंक्रीज करती है? गर्थ इंक्रीज करती है। यस, क्या इंक्रीज करती है? गर्थ इंक्रीज करती है। आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। ध्यान देंगे बेटा, अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ को मेजर किया है कैसे? हमने कैसे मेजर किया है समझो, ग्रोथ को कैसे मेजर किया है। देखो, आपकी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना कि ग्रोथ को कैसे मेजर किया। एनसीईआरटी ने बोला है कि ग्रोथ एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म बढ़ने से होती है। मेरी लाइन पकड़, ग्रोथ एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म बढ़ने से होती है, जिसको डायरेक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसके लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ सेल मेजर करते हैं, लेंथ इंक्रीज रूट में और स्टेम में देखते हैं, सरफेस एरिया लीफ में देखते हैं, वॉल्यूम हम देखते हैं फ्रूट में।
उसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, सेल्स के नंबर दे रखे हैं, 3.5 लाख, वो नहीं याद करना। तुझे याद करना है कि ग्रोथ एक्चुअली कैसे होती है, हमारे पास प्रोटोप्लाज्म के लिए होती है जिसको डिफिकल्ट होता है मेजर करना। अब आते हैं हमारे पास, मान लो कोई सीड है, उसमें क्या मेरे पास डिफरेंट फेज दिखेंगे, क्या डिफरेंट फेज दिखेंगे ग्रोथ के, मेरी बात सुन। तुझे सिर्फ यहां पर यह याद करना है कि मैं अगर मेरी बात मैं अगर किसी छोटे बच्चे को देखना चाहूं कि उसमें ग्रोथ में क्या चेंज आ रहे हैं, इसकी जगह मैं 3 अलग अलग एज के बच्चे को देख लूं, एक 8 साल, एक 10, एक 15 साल, एक 40 साल, 20 साल, ऐसे करके उनके फीचर से मैं बता लूंगा क्या चेंजेस आते हैं। ऐसे ही मैंने क्या किया है, किसी रूट में 3 अलग अलग जोन ले ली है, इन जोन में होने वाले चेंजेस वो फेजेस में काउंट होंगे। जैसे मेरिस्मेटिक जो होगा, मेरिस्मेटिक में जो सेल होंगे उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटा होंगे, कोई वैक्यूल नहीं होगा, सेल वॉल प्राइमरी होगी, थिन होगी। इलोंगेशन में वैक्यूलेशन होगा, यस और नो, वैक्यूलेशन होगा, लेंथ इंक्रीज होगी सेल की, लेंथ साइज इंक्रीज होगा सेल का, यस यस यस। डिपोजिशन होगा वॉल में, डिपोजिशन क्या होगा वॉल में। और अगर मैं मैच्यूरेशन की बात करूं तो साइज क्या हो जाएगा, फिक्स। फिर रोल परफॉर्म करेगा सेल, कोई रोल परफॉर्म करने को कहते हैं डिफरेंशिएट होना, यस और नो। और जो वैक्यूल है वो मैक्सिमम साइज का हो जाएगा, वैक्यूल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम साइज का हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फेज में बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं, मेरिस्मेटिक फेज में। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं फटाफट से, नेक्स्ट ले लेते हैं। अब तेरे पास बेटा दो टाइप की ग्रोथ दे रखी है, एक अर्थमेटिक ग्रोथ दे रखी है। सुन ध्यान से, अर्थमेटिक ग्रोथ को क्या बोला, एक सेल है, 1 से 2 सेल, 2 से 3 सेल। वो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो एक सेल है उसमें से ये 2 सेल बने, उनमें से ये 2 सेल क्या है और ये परमानेंट हो गया, ये सुन लो। तो 1 सेल से 2 सेल, 2 से 3 सेल, ऐसे करके बढ़ रहा है, इसको हम अर्थमेटिक ग्रोथ कह रहे हैं। याद रखना है अर्थमेटिक ग्रोथ का एग्जांपल क्या है, किसमें होगा, लेंथ ऑफ रूट, ये याद रखना, लेंथ ऑफ रूट में होगा। इसकी इक्वेशन है एलटी, मतलब लेंथ फाइनल टाइम में, ये इनिशियल लेंथ है, ये क्या है बेटा, इनिशियल लेंथ है। और यहां पर आर क्या है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। आप में से कितने लोगों को वाई एम एक्स वाला पता, ये देख, ये देख, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, है ना। तो आर क्या हो गया, स्लोप हो गया, ठीक है, टाइम यहां आ गया, ये रहा, इस पर लेंथ आ गई, एल नॉट क्या हो गया, ये इंटरसेप्ट बन गया यहां पे, है ना। वाई एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन आ गई, किसमें, अर्थमेटिक ग्रोथ में। अर्थमेटिक ग्रोथ कैसे याद रखेगा, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, उसमें से एक परमानेंट होगा, फिर वो दूसरा डिवाइड करेगा, यस और नो, यस और नो। अर्थमेटिक ग्रोथ कहां ऑब्जर्व होती है, रूट में, ये याद हो रहा है, ये याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी बता, ये याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी बता बेटा, जल्दी बता, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या याद रखेगा, ये वेट के लिए, इसमें ई को कहते हैं बेटा, ई को कहते हैं बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, 2021 में आया था ये, ई कहां लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में भी लिखा हुआ, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, इसको अपने कह रहे हैं ये। आर क्या है यहां पर, आर है एफिशिएंसी इंडेक्स, आर क्या है बेटा यहां पर, एफिशिएंसी इंडेक्स है, यस, एफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं, यस, या इसको कहते हैं, हम लोग एक नाम और दे देते हैं इसको, इसको एक और नाम दे देते हैं, हम कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट बोल सकते हैं। अब सुन ध्यान से, क्या होता है, मोस्ट प्लांट पार्ट में ऐसा ही होता है, ज्योमेट्रिक वाला, जिसमें एक सेल से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, मतलब एवरी सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, सारा सेल कंटिन्यू करता है डिवाइड करने को, ऐसा वाली ग्रोथ होती है। जब इसका तो ग्राफ देखेगा, यहां पर ग्राफ कैसा आ रहा है सर, यहां पर ग्राफ आ रहा है स्ट्रेट लाइन, यहां पर जो ग्राफ आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है, इधर देख बच्चे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का ग्राफ जो होगा उसमें लैग फेज आएगा, लैग, इस ग्राफ को क्या बोलोगे, सिग्मोइड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, पहला, एक ऐसी ग्रोथ रेट जिसमें 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 सेल बने, उसका ग्राफ कैसा आएगा, सिग्मोइड। उसमें क्या होगा, लैग फेज ग्रोथ स्लो है, एक्सपोनेंशियल बहुत फास्ट, स्टेशनरी में रिसोर्सिस लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं
एक प्लांट है जिसकी स्टेम जो है, या हम लिख सकते हैं फ्रूट ज्योमेट्री ग्रोथ रेट दिखा रहा है, उसमें अब जाके फ्रूट जो है वो स्टेशनरी फेज में आ गया, उसका रीजन क्या होगा? सेल डिवाइड नहीं कर रहे या न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड है? न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड है। स्टेशनरी फेज का मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हो गए। यस, दोनों की इक्वेशन हो जाएगी, दोनों को हम कर लेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, एक टॉपिक दे रखा है एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ का। इधर देख बच्चे, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ का एक टॉपिक दे रखा है। ये मेरे पास एक लीफ ए है, उसका इनिशियल सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, उसके बाद हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जब उसमें साइज बढ़ गया। ऐसे एक लीफ बी है, इनिशियल 50 सेंटीमीटर, फिर हो गया 55 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों में सेम आ गई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या आ गई? सेम आ गई। रिलेटिव ग्रोथ कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल। कितना आ गया बेटा मेरे पास? आ गया 100%, क्योंकि अगर आप देखोगे कट के 5 अपॉन में 5 आ जाएगा, 1 आ रहा है, मतलब 100%। यहां पर आएगा 10%। तो आप देख पा रहे हो लीफ ए एंड बी, इनकी क्या सेम है? सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ है। क्या सेम है? एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है। फिर मेरे पास क्या है? ए की ज्यादा है बी से रिलेटिव ग्रोथ, क्योंकि उसमें 100% है और वैसे 10% है। समझ आ रहा है? जल्दी बताओ, समझ आ रहा है? जल्दी 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 फास्ट, समझ आ रहा है बेटा? क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। अब यहां पर बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक हट गया, पर इसमें यह टॉपिक पेंडिंग है, तो इस टॉपिक को बिना एनाटॉमी के समझ नहीं सकते। इसीलिए ये टॉपिक समझना जरूरी है कि डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन कहते हैं किसे कहते हैं, और री डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। हमेशा याद रख, किसी भी प्लांट में स्टार्टिंग में जो मेरिस्टेम होती है उसे प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम से अगर परमानेंट सेल बने, प्राइमरी मेरिस्टेम से एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस ये सब बने, एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम से, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। उसको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। यस और नो? अब समझो, ये परमानेंट सेल है, कॉर्टेक्स और मेडुलरी रेस दिख रहा है, कॉर्टेक्स मैं लिख देता हूं, कॉर्टेक्स, और दूसरा क्या है? मेडुलरी रेस। ये कैसे सेल्स हैं? ये परमानेंट सेल्स हैं। ये कैसे सेल्स हैं बेटा? ये परमानेंट सेल्स हैं। अगर परमानेंट सेल से दोबारा मेरे पास डिवाइडिंग सेल बने, जिसको क्या बोलेंगे? कॉर कैम्बियम, और क्या लिखेंगे? वास्कुलर कैम्बियम। ये कैसे सेल बन गए? अगर परमानेंट से दोबारा सेकेंडरी मेरिस्टेम आ गई, ऐसी मेरिस्टेम जो किससे बने? परमानेंट सेल से, उसे सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे। उस प्रोसेस को लिखेंगे डी डिफरेंशिएशन। यस, अब सेकेंडरी मेरिस्टेम से, ये कौन सी मेरिस्टेम है? सेकेंडरी मेरिस्टेम से अगर मैं यहां पर री डिफरेंशिएशन लिखता हूं, तो मेरे पास इससे बनेगी कॉर्क और इससे बनेगी सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी टिश्यू। फिर से करते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम की डिफरेंशिएशन से प्राइमरी टिश्यू बनते हैं, परमानेंट सेल की डी डिफरेंशिएशन से कॉर्क कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम की री डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी टिश्यू बनते हैं। कोई डाउट? जल्दी बताओ, कोई डाउट? नहीं सर, आगे आ जाओ। डेवलपमेंट, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन प्लस डेथ, उसको मिला के डेवलपमेंट कहते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या डेथ डेवलपमेंट में आता है? आता है। एनसीईआरटी ने लिखा है ग्रोथ डिफरेंशिएशन प्लस सेनीसेंस। सेनीसेंस को कहते हैं गेटिंग ओल्ड, उसको हम किसमें लाते हैं? डेवलपमेंट में लाते हैं। इन सबको किसमें लाते हैं? डेवलपमेंट में लाते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि डेवलपमेंट अंडर एनवायरमेंट कंट्रोल होता है और साथ के साथ इंटरनल फैक्टर के कंट्रोल में होता है। यस,
यस, डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, दोनों चीजों के कंट्रोल में होता है, एनवायरमेंट के साथ साथ इंटरनल फैक्टर के कंट्रोल में होता है। यस अब आपको यह चीज समझनी पड़ेगी, प्लास्टिसिटी क्या होता है। प्लास्टिसिटी प्लांट का या प्लांट के किसी पार्ट का ऐसा बर्ताव कि एनवायरमेंट के हिसाब से वो डिफरेंट लाइफ साइकिल या डिफरेंट फेजेस शो कर रहा है, मतलब डिफरेंट बिहेवियर, ग्रोथ या लाइफ साइकिल किसकी वजह से, ड्यू टू एनवायरमेंट की वजह से। एनवायरमेंट की वजह से अगर कोई एक अलग बिहेवियर शो कर रहा है उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल, तुमने कभी चना, चना ग्राम उगाया है, हां सर ग्राम हम भिगोते हैं, अगर उस ग्राम को लाइट ना मिले तो उसका जो प्लांट जैसी चीज निकलती है व्हाइट रह जाएगी, क्लोरोफिल डेवलप नहीं होगा। अगर एनवायरमेंट में लाइट मिल जाती है तो उसमें ग्रीन हो जाता है क्लोरोफिल। ऐसे ही प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब होता है कि दो टाइप की लीफ एक ही प्लांट में, दो टाइप की लीफ एक प्लांट में, उसे हेट्रोफिली कहते हैं। एक नेचुरल, मतलब नेचुरली किसी प्लांट में हो, ऐसा प्लांट कौन सा बता बेटा, ऐसा प्लांट आपके पास कौन सा है बताओ जल्दी से, ऐसा प्लांट कौन सा है जिसमें नेचुरली हो। कॉटन, कॉटन है, कोरिएंडर है, और क्या है, कॉटन, कोरिएंडर और लरेक्स पर। बेटा आपने धनिया देखा, उसमें नीचे एक अलग लीफ होती है और ऊपर ऐसे कटी हुई लीफ होती है। एनवायरमेंटल हेट्रोफिली का मतलब लैंड पर ऐसी लीफ है और पानी में ज्यादा कटी हुई लीफ है। एनवायरमेंटल हेट्रोफिली का एग्जांपल बटरकप है। अगर मैं आपसे पूछूं, नीट में क्वेश्चन आ जाए, कौन सा हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, डेवलपमेंटल या एनवायरमेंटल, जल्दी बता, डेवलपमेंटल या एनवायरमेंटल, जल्दी बता बेटा, कौन सा हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी को बेटर एक्सप्लेन करता है, डेवलपमेंटल या एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल, बटरकप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। अब हम क्या पढ़ेंगे, यहां से हॉर्मोन्स वाले टॉपिक पे जा रहे हैं, उस टॉपिक को फिनिश करेंगे, ठीक है, उस टॉपिक को फिनिश करेंगे, और यहां से हम बात करेंगे फैक्टर्स कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हॉर्मोन्स पे हम आ रहे हैं, स्पेशल फोकस रखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा यह मानना है कि हॉर्मोन से दो या तीन क्वेश्चन तक आ सकते हैं, ग्रोथ वाले से एक दे देगा तो ठीक है, हॉर्मोन वाले से दो से तीन क्वेश्चन तक आ सकते हैं, क्योंकि वर्नलाइजेशन फोटोपीरियोडिज्म हट गया है। यस यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर है, देख बेटा अभी हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था, टेम्परेचर क्या है बेटा, मेरे पास क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम चाहिए एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, यस और नो। मिनरल चाहिए मुझे दोनों, मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी के लिए, क्योंकि ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, एटीपी रिक्वायर होती है। पानी चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए, यस सर, और किसके लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, ग्रोथ के लिए पानी चाहिए होता है, और एंजाइम की एक्टिविटी के लिए चाहिए। कितने बच्चों को पता है कि ग्रेविटी का इंपैक्ट प्लांट पे पड़ता है, हाँ आपने जियोट्रॉपिज्म वगैरह पढ़ा है। तो ये जो फैक्टर्स लिखे हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये क्या एक्सटर्नल फैक्टर है। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक इंटरनल फैक्टर की। अगर आप किसी सेल को देखते हो बेटा, तो सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा, डीएनए, ध्यान से सुन बच्चे, ये सेल है तेरे पास, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो जीन है, तो उसे हम कहेंगे इंट्रा, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, इंट्रा सेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या जीन कंट्रोल करती है ग्रोथ को, यस। सेल्स के बीच में कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको कहते हैं इंटर सेलुलर इंट्रिंसिक, इंटर सेलुलर मतलब सेल्स के बीच में, और उसका एग्जांपल है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या इन्हें फाइटो हॉर्मोन्स कहते हैं। तो यहां से जुड़ता है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक इंट्रासेलुलर और इंट्रिंसिक इंटरसेलुलर, इंट्रिंसिक इंटरसेलुलर, यस और नो, इंट्रिंसिक इंटरसेलुलर, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए,
अब हम आते हैं बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट बनाते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल है और उनका डायवर्स केमिकल नेचर है। डायवर्स केमिकल नेचर कैसे पता चलेगा कि ऑक्सिन में इंडोल की रिंग होती है। इंडोल की रिंग ऐसी कोई रिंग होती है जो ट्रिप्टोफान में होती है बेटा, ऐसी इंडोल रिंग होती है। साइटोकाइनिन प्यूरिन एडिनिन का डेरिवेटिव होता है, जीए टारपिन का होता है। इनको हम कहते हैं तीनों को प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। क्या बोलते हैं इनको बेटा? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं। इथिलीन जो है वो गैसियस हार्मोन है, उसको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर प्लस प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं, पर ज्यादा वो इनहिबिटर वाले रोल शो करता है। एब्सिसिक एसिड कैरोटिनोइड का डेरिवेटिव है, उसको हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अब मैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देता हूं, सारे प्लांट हार्मोन इनहिबिटर है, गलत। सारे प्लांट हार्मोन प्रमोटर है, गलत। बहुत सारे प्लांट हार्मोन प्रमोटर है और कुछ इनहिबिटर है, ये सही है। दूसरा, सारे प्लांट हार्मोन एसिडिक हैं। देख बेटा ये प्यूरीन है, प्यूरीन की वजह से ये बेसिक होगा, बाकी सारे एसिडिक हैं। इस तरह के क्वेश्चन याद रखेंगे। अब जो भी हार्मोन हम पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, उसकी डिस्कवरी, लोकेशन, साइट ऑफ सिंथेसिस, इस पे फोकस कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? इस पे फोकस कर रहे हैं। चले चले आगे। हाँ भाई लाइक वाइक भी कर लो यार, पानी पी लें, गुड। चलो हार्मोन करते हैं बेटा। जो मैं पढ़ाया ये टोटल 32 नंबर का है, 32 से 40 नंबर का। यस यस यस, मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है, 90% के आसपास लगभग कंप्लीट करता ले गया हूं। आ जा, ऑक्सिन। सबसे पहले हम ऑक्सिन के बारे में कहते हैं। पहली बात, जितने भी प्लांट हॉर्मोन है सबकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। चार्ल्स डार्विन और फ्रेंसिक डार्विन, याद करो चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक पब्लिश करी थी 1859 में, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसके बाद एकदम तूफान मच गया था। उसके कुछ साल के बाद लगभग 1875 के आसपास वो अपने बेटे के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म का, जिसमें उन्होंने कैनरी ग्रास लिया और यूनिलेटरल एक साइड से लाइट डाली तो बेंडिंग शो कर रहा था, जब उन्होंने टिप काट दी तो बेंडिंग नहीं हो रही थी। यस और नो? नहीं हो रही थी। तो चार्ल्स डार्विन का एक्सपेरिमेंट किस पर है? सर कैनरी ग्रास पर। उन्होंने क्या किया, कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल लिया, उस पर इधर से लाइट डाली और देखा कि क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रही है। यस और नो? कैनरी ग्रास में क्या देखा, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन से क्या देखा, बेंडिंग हो रही है। और अगर टिप काट दी, अगर टिप कट कर दी तो उन्होंने देखा नो बेंडिंग। यस और नो? नो बेंडिंग। एफडब्ल्यू वेंट ने क्या कैनरी ग्रास पे एक्सपेरिमेंट किया? नहीं, उन्होंने काम किया ओट पर। ओट का नाम है अवीना सटाइवा। क्या नाम है बेटा? अवीना सटाइवा। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ओट कोलियोप्टाइल पर अगर मैं अगार प्लेट लगाऊंगा जिसमें ऑक्सिन है, यहां पर जिसमें क्या है बेटा, ऑक्सिन है, तो जिधर ऑक्सिन होगा उसकी दूसरी तरफ बेंडिंग होगी ऐसे। यस, ये किसने बताया? एफडब्ल्यू वेंट ने। तो चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवरी करी किसकी, ऑक्सिन की। एफडब्ल्यू वेंट ने ओट पर काम किया और बताया उसको क्रिस्टलाइज को इकट्ठा किया, किस पर इकट्ठा किया बेटा, इसको अगार प्लेट पर इकट्ठा किया ऑक्सिन को। जो ऑक्सिन था फर्स्ट आइसोलेट हुआ है ह्यूमन यूरिन से। किससे आइसोलेट हुआ है? ह्यूमन यूरिन से। और कौन आइसोलेट हुआ है बेटा? इंडोल एसिटिक एसिड। साइंटिस्ट का नाम कर लो कोगल एंड स्मिथ। कोगल एंड स्मिथ ने, तो तीन साइंटिस्ट याद करने हैं बेटा इसमें, चार्ल्स डार्विन कैनरी ग्रास पे एक्सपेरिमेंट है, एफडब्ल्यू वेंट किस पर है बच्चे जल्दी बता, एफडब्ल्यू वेंट ओट पर है, और उन्होंने क्या अगार प्लेट यूज की थी। कोगल एंड स्मिथ ने ह्यूमन यूरिन से ऑक्सिन आइसोलेट किया था फर्स्ट। अब आओ जो तुम्हारे काम का है, डिस्कवरी तीन साइंटिस्ट। देख बेटा डिस्कवरी तीन साइंटिस्ट, पहला डार्विन, चार्ल्स और फ्रेंसिक डार्विन, दूसरा एफडब्ल्यू वेंट। यस, याद हो रहा है? तीसरा जल्दी बता, तीसरा एफडब्ल्यू वेंट के बाद तीसरा बता जल्दी से। कोगल एंड स्मिथ ने ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया था। ऑक्सिन बनता कहां पर है? शूट टिप पर, रूट टिप पर भी बना सकते हो वैसे तो, शूट टिप पर मेनली लिख लो, मेनली शूट टिप पर लिख लो। बायो एसे क्या होता है टेस्ट? अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। ये बेटा इसका बायो एसे है।
ये वो टेस्ट है जो इसका बायो एसे है। ऑक्सिन बनता किससे है? सर ट्रिप्टोफान से बनता है। तुम्हारे सिलेबस में ऑक्सिन जो याद करना है बेटा, एक करना है नेचुरल और एक करने हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल ऑक्सिन में आ जाता है आईए, इनकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए आपको, क्योंकि फुल फॉर्म लिखी हुई मिल जाएगी क्वेश्चन में, इंडोल एसिटिक एसिड। फिर मैं ये वीडियो का पार्ट काट के बोलूंगा कि मैंने कहा था आईबीए, आईबीए इंडोल ब्यूटारिक एसिड। बेटा इतने साल हो गए, अब ये बोलते हुए भी खराब लगता है कि यार सारा हमारे पढ़ाई में से आएगा, आई वहीं से रहा है। आर्टिफिशियल 2,4-D, इसको ढिक से याद करेंगे, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है बेटा? फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ध्यान रखना पूरा नाम, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, NaA खुद से लिखो, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो आपको क्या करना, आर्टिफिशियल और नेचुरल नाम पूरे याद करना, क्योंकि वो नाम बदल के लिख देगा एक क्वेश्चन, मार्क कर लो मेरे कहने से, नाम याद करना। हाँ सही है बेटा, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं ऑक्सिन के रोल की। सबसे पहला रोल पाइनएप्पल वाला याद कर ले, फ्लारिंग इन पाइनएप्पल, फ्लारिंग इन पाइनएप्पल। और कौन करता है सर? इथिलीन करता है, यस। दूसरा रूटिंग इन स्टेम कटिंग, रूटिंग इन स्टेम कटिंग। स्टेम में क्या कर रहा है? रूट ला रहा है। मेरे पास ये स्टेम है बेटा, इसमें क्या ला रहा है? रूट ला रहा है, यस यस यस, रूटिंग इन स्टेम कटिंग, यस रूटिंग इन स्टेम कटिंग। तीसरा अच्छा, ये कौन सी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब फ्लावर। और ये कौन सी रूट होती है? एडवेंटिशियस, ठीक है। तीसरा ये क्या करता है बेटा? ये तीसरा प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस, टिप की ग्रोथ को प्रमोट करता है, एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है? प्रमोट करता है। अच्छा, जब ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, तो अगर मैं बेटा इसको यूज कर सकता हूं कौन सा? हेज मेकिंग। हेज समझ में आता है? हेज मेकिंग मतलब जाड़ बनाने के लिए, और टी प्लांटेशन में अगर मैं टिप काट दूं तो नीचे ये काफी अच्छे से फैल जाएगा। फिर पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी किसमें बताओ जल्दी से? पार्थिनोकार्पी किसमें? टोमेटो में और एप्पल में, यस टोमेटो में याद कर लो, यस। उसके अलावा वीडी साइड अगेंस्ट डाइकॉट, कई बार क्वेश्चन में ध्यान रखना मोनोकॉट ना लिखा हो, अगेंस्ट डाइकॉट करता है, इसलिए घास का मैदान, ग्रास का लॉन बनाने में मदद करेगा, यस। उसके अलावा जाइलम डिफरेंशिएशन, कोई और रह गया? 4, 5, 6 एब्सिशन वाला रह गया। क्या करेगा बेटा? प्रमोट एब्सिशन, पुरानी लीफ गिरा देगा, प्रमोट एब्सिशन किसकी? ओल्ड लीफ की। प्रिवेंट करेगा किसकी? यंग लीफ की। यस और नो याद हो रहा है जल्दी बता, फास्ट। यस जल्दी फास्ट, आगे आ जा। अब हम बात करेंगे बेटा साइटोकाइनिन की, देख सॉरी जिबरलिन की। मेरी बात सुन, सेम चीज फॉलो करते चलेंगे सबके लिए। जिबरलिन की डिस्कवरी में हमारे पास कौन सा साइंटिस्ट आएगा? ई क्यूरोसावा। किस पे काम कर रहे थे? बेकन डिजीज किस में? राइस प्लांट पे, यस और नो? राइस प्लांट पे, ठीक है, यस राइस प्लांट पे। उन्होंने बोला स्टीराइल फिल्ट्रेट सिम्टम शो करता है, शो सिम्टम्स, वो आपको पता है लेंथ ज्यादा होगी, ये सब। ये कहां बनेगा? ये इंटरमोड पे बनता है। अच्छा, ये आइसोलेट कहां से होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा। आइसोलेट होता है किससे? हायर प्लांट और फंजाई से, हायर प्लांट प्लस फंजाई से ये आइसोलेट होता है, यस और नो? इसका बायोस, पिछले वाले का बायोस के नाम आ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कभी नहीं आएगी। पहला बायोस टोबैको पिथ कल्चर, नहीं टोबैको पिथ नहीं है इसका, इसका क्या बेटा? ड्वार्फ पी प्लांट, एक तो ये है, एक है बार्ले एंडोस्पर्म वाला बायोस, यस ये दो है जो तुझे याद करनी है, क्योंकि ये क्या करता है? जेनेटिक ड्वार्फिज्म ओवरकम करता है। ये किससे बनाता है बेटा? टारपीन लिखा हुआ एनसीईआरटी ने, टारपीन से बनाता है। अब इनके जो एग्जांपल हैं ऐसे हैं, GA1, GA2,
GA3। मुझे चैट में बताओ फर्स्ट डिस्कवर्ड जिबरलिन कौन सा है, मुझे चैट में बताओ फर्स्ट डिस्कवर्ड जिबरलिन कौन सा है, फर्स्ट डिस्कवर्ड जिबरलिन कौन सा है बेटा, जल्दी बता, फर्स्ट डिस्कवर्ड जिबरलिन कौन सा है? सर GA3, यस GA3 फर्स्ट है, यस। अब देख इसके जो रोल है ना, पिछले वाले के रोल से रिलेट करियो, देख सबसे पहले ये क्या करेगा, इंक्रीज लेंथ ऑफ एक्सिस, किसका, ग्रेप्स का, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, हां सर बढ़ेगी। शेप इंप्रूव करेगा, किसका शेप इंप्रूव करेगा, साइज भी किसका, एप्पल का और पियर का, एप्पल और पियर का क्या कर रहा है, शेप और साइज इंप्रूव कर रहा है, देख ले ध्यान से, शेप और साइज इंप्रूव कर रहा है एप्पल और पियर का, यस 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 यस, और आ जा, शेप और साइज इंप्रूव कर रहा है किसका, एप्पल और पियर का, शेप और साइज इंप्रूव कर रहा है, थर्ड सेकंड था ना ये, थर्ड बेटा, इंटर नोड शुगर केन की बना रहा है, इंटर नोड जो है ना शुगर केन की उसको इंक्रीज कर रहा है, उससे प्रोडक्शन बढ़ी, एनसीईआरटी लिख रही है 20 टन पर हेक्टेयर बढ़ रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। अब देखो आपने वो सुने कॉनिफर, कॉनिफर में बेटा ये हासनिंग, हासनिंग मतलब होता है फास्ट करना, हासनिंग कर रहा है जुविनाइल फेज को, जुविनाइल फेज क्या होता है, ये वो फेज होता है जो वेजिटेटिव फेज होता है उसको शॉर्ट करता है, उसके अलावा बेटा माल्टिंग करता है, माल्टिंग किसमें करता है सर, माल्टिंग करता है किसमें बता, माल्टिंग इन बार्ले, और कौन सी इंडस्ट्री में, ब्रीविंग इंडस्ट्री, ब्रीविंग समझ में आता है, इथेनॉल इंडस्ट्री में, शेल्फ लाइफ बढ़ा रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर रहा है, शेल्फ लाइफ कैसे इंक्रीज करता है, हाँ भाई पकने का पीरियड बढ़ा देता है, और लास्ट है बोल्टिंग। नाउ व्हाट इज बोल्टिंग, यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, बोल्टिंग क्या होता है बेटा, जो हमारे पास रूट क्रॉप्स होती हैं या मेरे पास रोजेट हैबिट वाली, आपने पत्ता गोभी देखा है ऐसे होती है, पत्ता गोभी को अगर एक साल और छोड़ दे, हम बात कर रहे हैं कैबेज को अगर एक साल और छोड़ दे, इंटरनोड इलोंगेशन फॉलोड बाय फ्लावरिंग, उसको हम बोल्टिंग कहते हैं, तो जीए क्या करता है, बोल्टिंग प्रमोट करता है, तो ग्रेप्स पियर और एप्पल, इंटरनोड शुगर केन में, यस और नो, कॉनिफर में जुविनाइल फेस, ब्रीविंग इंडस्ट्री, शेल्फ लाइफ, बोल्टिंग, याद कर साथ के साथ, याद कर बेटा साथ के साथ याद कर, जल्दी जल्दी से याद कर, तेरे को फायदा होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, और हमेशा याद रखियो बेटा एक्स्ट्रा रोल नहीं करने तुझे, एनसीईआरटी के रोल ही करने हैं। ब्रीविंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, बार्ले में एंडोस्पर्म के स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, यस 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 यस, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। ई क्यूरोसावा ने जापान में एक डिजीज स्टडी करी थी जिसका नाम बेकन डिजीज है। अब अपने बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन की, साइटोकाइनिन की, साइटोकाइनिन में बेटा हमारे पास क्या था, दो साइंटिस्ट थे स्कूग एंड मिलर, स्कूग और मिलर जो काम कर रहे थे वो टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे, यस, उनमें से हमारे पास मिलर ने क्या किया होगा, मिलर ने टोबैको की स्टैम ली, उस टोबैको की स्टैम पर उन्होंने ऑक्सिन डाला, ऑक्सिन के साथ उन्होंने कोकोनट वाटर डाला जिसमें साइटोकाइनिन था, और साथ में उन्होंने ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाला होगा, ऐसी कुछ चीजें डाली जिससे क्या हुआ, या वास्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डाला, उससे क्या हो गया बेटा, उसमें कैलस बन गया, तो टोबैको स्टेम से कैलस बनाने के लिए ऑक्सिन इज सप्लीमेंटेड विद दिस साइट ऑफ सिंथेसिस। बताओ भाई कहां बनता है ये, एनसीईआरटी कहती है रूट टिप पे बन सकता है, जहां डिवीजन हो रही है, डिवीजन कहां हो रही है, फ्रूट में हो रही है, फ्रूट्स वगैरह में बन सकता है, इसका एक ही बायो ऐसे बेटा, वो है डिले इन लीफ सेनेसेंस, डिले इन लीफ सेनेसेंस वाला कर सकते हो, और टोबैको पिथ वाला कर सकते हो, टोबैको पिथ कल्चर बायो ऐसे। एनसीईआरटी कहती है इसका प्रिकर्सर है अमीनो प्यूरिन, अमीनो प्यूरिन मतलब एडिनिन टाइप से, अमीनो प्यूरिन से साइटोकाइनिन बनता है, बेसिक हार्मोन है बेटा। इसका एग्जांपल बेटा दो हैं, एक है काइनेटिन, ये मिलाता हैरिंग स्पर्म डीएनए से, हैरिंग स्पर्म डीएनए से, और ये एनिमल सोर्स में होता है, ये किसमें मिलता है, एनिमल सोर्स में। जियाटीन जो है
वो फर्स्ट साइटोकाइनिन है। कहां मिलता बता जल्दी से, कहां से मिला था? प्लांट सोर्स से कहां से मिला था बता मुझे, प्लांट सोर्स से कहां से मिला था? मेज से, मेज से मिला था, और कोकोनट वाटर से। जियाटीन है, तो जियाटीन पहला साइटोकाइनिन है प्लांट सोर्स से, काइनेटिन फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन है। याद कर लोगे, याद कर लोगे जल्दी बताओ? यस 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 यस। आगे आ जाओ, आगे हमारे पास बेटा रोल की बात कर लेते हैं। सबसे पहला रोल बेटा, जो कैलस है ना, कैलस बनाते वक्त ऑक्सिन बराबर में साइटोकाइनिन रखोगे, लेकिन जैसे ही ऑक्सिन इंक्रीज करोगे तो रूट डेवलप होगी, ध्यान रखना। और जैसे ही साइटोकाइनिन इंक्रीज करोगे क्या डेवलप होगी? शूट डेवलप होगी। ये याद हो जाएगा पहले रोल में, तो ये याद करो कैलस को लेके। दूसरा रोल याद करना है बेटा, ये क्या करता है ध्यान सुनेंगे, डिले, ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है क्लोरोप्लास्ट डिवीजन, क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड करता है। आप में ऐसे सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट के डिवीजन को प्रमोट करता है। तीसरा, तीसरा आपने ध्यान रखना है यहां पर बेटा, तीसरा आपने ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, ध्यान से सुने बच्चे, ध्यान से सुने। तीसरा, ये यंग लीफ में डिवीजन प्रमोट करता है। अब इधर देखो, ये क्या करेगा, ऐसे साइड में ब्रांच बनवाएगा, इसे कहेंगे लेटरल ब्रांच। क्या बनवा रहा है बेटा? ये लेटरल ब्रांच डेवलप करा रहा है। यस, किसी भी प्लांट में ये टिप से ग्रो कर रहा है, तो ये ओवरकम कर रहा है क्या, ओवरकम कर रहा है एपिकल डोमिनेंस। बेटा ये मिलते जुलते हैं, ध्यान से करना इसे, एपिकल डोमिनेंस को कम करना मतलब अगेंस्ट काम कर रहा है ऑक्सिन के, यहां ऑक्सिन के साथ काम कर रहा है, यहां अगेंस्ट काम कर रहा है। लेटरल ब्रांच मतलब साइड में ब्रांच बना रहा है, यंग लीफ को डिवाइड करा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट मूव कर देता है। अगर ये न्यूट्रिएंट मूव कर देता है कहां से, ओल्ड मतलब ओल्ड लीफ में ले आता है, न्यूट्रिएंट मूव कर देता है, इससे ये डिले करता है लीफ सेनेसेंस को। मतलब कई बार क्या होता है बेटा, ओल्ड लीफ को या किसी लीफ को मिनरल की जरूरत होती है, तो ये न्यूट्रिएंट को मूव कर देता है जिससे लीफ सेनेसेंस डिले हो जाती है। यस, लीफ सेनेसेंस क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। यहां तक याद हो रहा है, याद कर जल्दी से सारा। साइटोकाइनिन एडवेंटिशियस शूट बनवाता है कैलस में, ऑक्सिन बनवाता है रूट, दोनों बराबर है तो कैलस बनेगा। यंग लीफ क्लोरोप्लास्ट डिवाइड कराता है, लेटरल ब्रांच बनाता है, ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस, न्यूट्रिएंट को क्या करता है, मोबिलाइज करता है। यस 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 यस, ठीक है। यस, सेकंड लास्ट हार्मोन दैट इज इथिलीन। याद कर बच्चे, याद कर, टाइम ना पास कर, याद कर, आज क्वेश्चन करने तुझे इसके। हाँ यस, 10 मिनट बस खत्म, लगभग हमने 3 घंटे 20 मिनट में 3 चैप्टर करा दिए आपके, और मेरे को नहीं लग रहा तू इससे फास्ट सेल्फ रिवाइज करता होगा, कर लेता है तो अच्छा यार, करना चाहिए तुझे। इथिलीन आ जा, इकोलॉजी करा रहा हूं, सेशन जाके लाइक कर लेना पहले जाते, इकोलॉजी करा रहे हैं 10 तारीख को, आ जा। डिस्कवरी, डिस्कवरी बेटा, एक साइंटिस्ट है कजिन, उसने बोला था कि राइपेंड ऑरेंजेस प्रमोट करते हैं राइपनिंग ऑफ बनाना, राइपनिंग ऑफ बनाना। यस और नो? यस सर। साइटोसिंथेसिस, जो पार्ट क्या हो रहा है, सेनेसेंस हो रहा है, जिसका जो पार्ट मुरझा रहा है वो साइटोसिंथेसिस है, ठीक है। इसका जो बायोएसे है, इसका जो बायोएसे है, बायोएसे है ट्रिपल रिस्पॉन्स। आप में से कितने बच्चों को याद है कि ये रोल की फॉर्म में दे रखा है इस चैप्टर में, इसमें एक है एपिकल हुक, क्या नाम है बेटा, एपिकल हुक। यस, दूसरा सीड में ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस, ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ये तीन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन तीन को हम बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएसे। इसका प्रिकर्सर एक अमीनो एसिड है मिथ्योनिन, मैंने आपको बोला हुआ इसकी एक टेबल बनेगी, इसकी सबको ऐसे लिखकर एक टेबल बनेगी, टेबल तुम्हारे कॉपी में अभी तक बनी होनी चाहिए थी, उसको 5 बार लिखना है, 4 बार लिखना है। एग्जाम्पल बेटा, इसका एग्जाम्पल एक तो इथिलीन है और उसके अलावा इथेफोन है। क्या है इथेफोन? अब मैं जो बात आपको बोलूंगा उसको समझना ध्यान से और बिल्कुल याद करना।
हमारे पास बेटा मैंने फ्रूट राइपनिंग दो प्रकार की पढ़ाई थी, एक पढ़ाई थी क्लाइमेट्रिक राइपनिंग, अगर आपको याद हो। क्लाइमेट्रिक राइपनिंग क्या होती है, फ्रूट जब पकता है, फ्रूट जैसे मान लो मैंगो है, मैंगो में क्या होती है क्लाइमेट्रिक, टमाटर में क्लाइमेट्रिक राइपनिंग होती है, जब वो फ्रूट पकता है तो एक तो उसका कलर चेंज होता है, दूसरा उसमें शुगर बनता है मतलब थोड़ा मीठा हो जाता है, तीसरा उसमें रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, CO2 रिलीज बढ़ जाता है। तो मेरे पास क्या होगा बेटा, CO2 इंक्रीज हो जाएगा, यस, सॉफ्ट हो जाएगा वो फ्रूट, यस, कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाता है, यस, जैसे फ्रूट पकता है तो येलो हो गया। एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक किसमें होता है, वाटरमेलन में, याद कर बेटा, वाटरमेलन जब पकता है तो ऐसा कोई सॉफ्ट नहीं होता, बस वाटरमेलन जब पकता है उसकी फ्रूट वॉल पतली हो जाती है, वो सफेद वाला हिस्सा पतला हो जाता है, वाटरमेलन जब पकता है तो रेड वाला पार्ट बढ़ जाता है, तो हम लिख सकते हैं थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल, ये हमने लिख दिया, यस सर। अब हमने क्या किया, हम इसके रोल देख रहे हैं, सबसे पहला रोल हमने लिख दिया एब्सिशन, एब्सिशन मतलब मुरझाना, किसका एब्सिशन, लीफ का है ना, फ्लावर का और फ्रूट का। आप जब ऑक्सीजन देखोगे तो वह फ्लावर और लीफ लिखा हुआ है, फ्रूट नहीं लिखा हुआ। दूसरा फ्रूट राइपनिंग करता है, ये क्या करेगा, फ्रूट राइपनिंग करेगा, और कौन सी वाली करेगा, क्लाइमेट्रिक, मेनली ज्यादा क्लाइमेट्रिक करता है, नॉन क्लाइमेट्रिक भी करेगा, देखेंगे आगे। इसके अलावा बेटा ये क्या करता है जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा क्या करता है, जो अंडर वाटर राइस प्लांट है, अंडर वाटर राइस प्लांट जो है पानी के नीचे, जैसे आपको पता है ना कि राइस का प्लांट होता है उसको कुछ देर पानी के नीचे आप होता है, वो उस अंडर वाटर राइस प्लांट में पिट्योल और इंटरनोड को इलोंगेट कर देता है, पिट्योल और इंटरनोड को क्या कर देता है, इलोंगेट कर देता है, यस, वो पानी के ऊपर आ जाता है, ये रूट हेयर बढ़ाता है। अगर ये रूट हेयर इंक्रीज करेगा उससे क्या होगा बच्चे, अगर ये रूट हेयर इंक्रीज करेगा तो उससे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। फिर हमारे पास फिफ्थ आ जाओ, ये ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी तोड़ता है किसमें, पीनट में, पीनट मतलब मूंगफली में, और बड डोरमेंसी किसमें, बड डोरमेंसी ट्यूबर में, आपको पता है ना पोटैटो का जो ट्यूबर होता है उसमें ये बड डोरमेंसी तोड़ता है ना, उसको आप इकट्ठा रख दो ना, वहां पर अगर इथिलीन बन रहा होगा ना तो बड निकल आती है वो पोटैटो की। तो फ्रूट राइपनिंग क्लाइमेट्रिक, सरफेस में पानी के ऊपर लाता राइस प्लांट को, उसकी पिट्योल को भी, रूट हेयर फोर्थ हो गया, पीनट ये हो गया। उसके अलावा बेटा ये एक काम और करता है कि ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा फ्लारिंग, किसमें, पाइनएप्पल में, ठीक है। सेवंथ याद कर लो बेटा, फ्लारिंग इन मैंगो, इन टोमेटो लिख लो और एप्पल लिख लो, ठीक है, ये फ्लारिंग प्रमोट करता है और सीड सेट, पाइनएप्पल याद रखना ऑक्सिन के साथ है। अब हमारे पास क्या होता है, एक्वस फॉर्म होती है इथिलीन की, उसे इथेफोन कहते हैं। तीन पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है इसके लिए, बताता हूं क्या, एक ये बेटा रेडिली एब्जॉर्ब होता है, क्या होता है, रेडिली एब्जॉर्ब होता है, जल्दी से एब्जॉर्ब होता है रूट में, स्लोली डिफ्यूज करता है, स्लोली क्या करता है, डिफ्यूज करता है। और तीसरा पॉइंट जो एनसीईआरटी लिखती है इथेफोन में बेटा, वो लिखती है कि ये देखो रेडिली एब्जॉर्ब होगा, स्लोली डिफ्यूज करेगा, तीसरा पॉइंट जो एनसीईआरटी लिखती है वो कहती है एक्वस फॉर्म है। तो एक्वस फॉर्म ऑफ इथिलीन जो है उसको इथेफोन कहते हैं। इथेफोन के रोल, पहला बेटा फ्लारिंग इन पाइनएप्पल, कौन सा, फीमेल फ्लावर, सॉरी पाइनएप्पल नहीं, कुकुम्बर, कुकुम्बर में कौन सा फ्लावर लाता है, फीमेल फ्लावर, याद करो कुकुम्बर में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। दूसरा फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग किसमें, एक तो टोमेटो में, ठीक है, एप्पल में आना, उसके अलावा बेटा चेरी, वॉलनट, वॉलनट सुना है, एंड कोकोनट में, सॉरी कोकोनट नहीं, कॉटन में, इनमें थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल करता है। ये क्या करता है, थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल करता है, यस। तो फ्रूट राइपनिंग प्लानिंग ये वाले रोल है, क्लियर है बेटा, सही है, सही है,
सही है यहां तक? ठीक है, तो ये रोल है बेटा आपको इथेफोन के करने हैं, ठीक है। इसके तीन पॉइंट याद रखना। अब हम लास्ट बात कर रहे हैं एब्सिसिक एसिड की। 1960 में, मिड 1960s में इनहिबिटर बी डोर्मिन एब्सिशन 2 नाम का केमिकल डिस्कवर हुआ था और बाद में पता चला कि वो इथिलीन ही है। इसका प्रिकर्सर कैरोटीनोइड होते हैं। इनकी लोकेशन एक तो क्लोरोप्लास्ट होती है, उसके अलावा सीड में बनते हैं ये। रोल क्या होता है बेटा? सीड की डेवलपमेंट कंट्रोल करते हैं, मैचुरेशन और डोरमेंसी, मैचुरेशन और डोरमेंसी कंट्रोल करते हैं। सोमेटा को क्लोज करते हैं जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये जनरल प्लांट मेटाबॉलिज्म के इनहिबिटर है, इसीलिए इसको प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। पहला, ये डेवलपमेंट मैचुरेशन डोरमेंसी कंट्रोल करते हैं, स्टोमेटा बंद कर देते हैं वाटर स्ट्रेस में, ठीक है। और ये एंटागोनिस्ट हैं, जीए के अपोजिट काम करते हैं सीड जर्मिनेशन में। सीड जर्मिनेशन में ये जीए के अगेंस्ट काम करते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? याद रखना, सीड दो बार आया नीट में, सीड जर्मिनेशन वाले में ये जीए के अपोजिट काम करते हैं, सीड डोरमेंसी मैचुरेशन। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, चलो आओ लास्ट। अब सुनो, बहुत सारे हार्मोन एक दूसरे के साथ काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। साथ काम करने वाले को कहते हैं सिनर्जिस्टिक, अपोजिट काम करने वाले को कहते हैं एंटागोनिस्ट। ऑक्सिनोसाइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस में अपोजिट है, एंटागोनिस्ट है, सिनर्जिस्टिक नहीं है। कैलस में सिनर्जिस्टिक है, कैसे है, एक साथ काम करते हैं, एंटागोनिस्ट नहीं है। ऑक्सिन और इथिनिल पाइनएप्पल में की फ्लॉरिंग में एक साथ काम करते हैं, अपोजिट नहीं काम करते। जीए और ये अपोजिट काम करते हैं सीड डोरमेंसी में। तो ये पेयर भी पूछ सकता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हार्मोन अपोजिट नहीं होते, उनके आपस में कुछ फंक्शन अपोजिट और एक साथ काम कर सकते हैं। यस यस, ठीक है बेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने बच्चे ये तीनों चैप्टर आज कंप्लीट किए हैं और मैं कल, मैंने 2-3 घंटे स्लाइड बनाई सुबह में, मॉर्निंग से उठ के मैं स्लाइड बना रहा था लगातार, उसके बाद खड़े होके बनाता हूं मैं इस पे, और उसके बाद अब मैंने ये कंप्लीट किया है। क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, मैं स्लाइड्स में क्वेश्चन छोड़ूंगा, मैं कराऊंगा नहीं आपको, क्वेश्चंस अलग से हम सेशन लाएंगे तो उसमें भी करा सकते हैं, पर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ओनली ग्रीन प्लांट, मैं क्वेश्चन इसमें लगा के छोड़ दूंगा, ओनली ग्रीन प्लांट कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है, इनगेन ऑक्सीजन, अदर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो उसमें, है ना। ये वाले क्वेश्चंस में लगा के छोड़ दूंगा, आप अपने आप से एनसीईआरटी से करें, वैसे वर्कशीट पे करना आज, ठीक है। सेशन को एंड कर रहा हूं मैं, ठीक है, सही है। 10 तारीख को इकोलॉजी के तीनों चैप्टर एक सिंगल सेशन में, ठीक है, क्लियर है। बायोमोलिक्यूल 1.5 घंटे के आसपास का एक सिंगल सेशन, उसमें पूरा, उससे बड़ा नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है बेटा आपसे कि एमडी सर के कुछ सेशन बीच में अगर डिसकंटिन्यू हुए तो परेशान मत होना, कुछ उल्टा सीधा भी मत लिखना, सपोर्ट करेंगे। और आप सब लोग पढ़ाई करिए बढ़िया से, जो जो चीजें हम कोशिश करेंगे देने की पूरी पूरी देते जाएंगे, और जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो करेंगे। आप सब लोग बने रहे और बहुत मेहनत से इतनी देर तक पढ़ा, लगभग मेरे को लग रहा है 3.5 घंटे 20 मिनट का सेशन था, जिसमें 3 चैप्टर हमने बढ़िया रिवाइज किए। आपका काम खत्म नहीं हो गया, 1-2 घंटा इस पीडीएफ को ध्यान से रिवाइज करके याद कर लो, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा जल्दी, बाय, ठीक है। और एक बार चैट में मुझे ये बता देना, नेक्स्ट चैप्टर इकोलॉजी के बाद कौन सा चाहिए आपको, ठीक है। आपको एक तो सेशन में सारा समझ में आ गया कौन से टॉपिक नहीं आए, दूसरा चैट में मुझे ये लिख के जरूर बता देना, जो कमेंट्स में मुझे लिख के बता देना कि आगे कौन से चैप्टर आपको चाहिए इकोलॉजी के बाद, ठीक है। चलो एंड कर रहे हैं बेटा, बाय।